हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। आज की वीडियो में तुम्हें पूरा फ्लेमिंगो बुक का जो स्टोरी वाला पार्ट है ना, उसका वन शॉट देखने को मिलेगा। पोएम वाला का वन शॉट अलग वीडियो में आएगा और उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है, तुम्हें अपने बुक का एक एक लाइन देखने को मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए रीडिंग सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का और लिटरेचर सेक्शन का, तो आप लोग मेरे एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर नोट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चैप्टर एंड पोएम के की लाइंस एंड वर्ड मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइस, थीम, समरी, कैरेक्टर नेम, मोरल, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे एट जस्ट ₹149। एडुकेशनल भैया एप्लीकेशन में करीब 25 प्लस नोट्स हैं, और अगर तुम हर नोट्स का वैल्यू लगाते हो ना, तो वो ₹6 से भी कम आएगा। इसके अलावा अगर तुम उनमें से एक हो जिन्हें लगता है कि इंग्लिश में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो तुम मेरे गेम चेंजर्स कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में तुम्हें टोटल 15 आवर्स का लेक्चर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई नॉर्मल लेक्चर्स नहीं है। मैंने और आयुष भैया ने स्मार्ट बोर्ड के हेल्प से तुम्हें हर चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करा है। हाँ, वीडियोस में भी 40 से 50 मिनट के हो सकते हैं, लेकिन हमने चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ा है, और साथ ही साथ उसमें रीडिंग और राइटिंग सेक्शन भी कवर्ड है। और हाँ, इस कोर्स के साथ तुम्हें 149 का नोट्स भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। एडिशनली पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी इस कोर्स में डाली जा चुकी है। और आज से जब से मैं इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूँ, इस कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाला है, और अब से इस कोर्स का प्राइस रहेगा सिर्फ ₹699। और अगर तुम इस वीडियो को बोर्ड से दो दिन से ज्यादा पहले देख रहे हो, तब तुम इस कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम लोग अपने साइड से थोड़ा एफर्ट डालते हो, तो तुम लोग 15-16 घंटे के लेक्चर्स को आराम से दो दिन में कवर कर सकते हो, 8-8 घंटा करके। और हाँ, अगर एग्जाम आने में टाइम है, तो तुम लोग मेरे खुद के PYQs और सैंपल पेपर बुक्स को भी ले सकते हो, विच इज पब्लिश बाई दिशा पब्लिकेशन। और एज अ ऑथर मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि इन दोनों बुक्स को लेने के बाद तुम्हारा प्रैक्टिस और रिविजन दोनों अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और सैंपल पेपर सॉल्व करने से तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, और इसके बाद तुम बोर्ड्स के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। ये दोनों ही बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट में लाइव है, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और हाँ, एडुकेशन भैया ऐप का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें कोर्स या नोट्स लेना है, तो तुम जाके ले सकते हो। चलो, अब बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अपने बोर्ड्स के लिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे तुम कोर्स से पढ़ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करो। और बोर्ड एग्जाम होने के बाद मुझे भूल मत जाना, जब तुम्हारे रिजल्ट आते हैं तो एक बार आके कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ एग्जाम खत्म होने के बाद। तो चलो, अब जल्दी से हम लोग वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले मेरा जो सेकंड चैनल है भैया जी, तुम उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर तुम्हें बोर्ड्स के बाद कुछ इंटरेस्टिंग देखना है पढ़ाई के अलावा। सेम तुम्हें भैया जी चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तुम मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी क्लास 12 के सबसे पहले चैप्टर को। ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा फनी लगेगा कि तुम्हारा जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि ये स्टोरी बिल्कुल भी फनी नहीं है, ये स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। वैसे इस स्टोरी के राइटर है अल्फोंसे डॉडेट, और ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है, और ये कहानी फ्रेंको पर्शियन वार के टाइम की है, जिसमें फ्रांस पर्शिया से हार गया था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना, कि इस वार को लीड हमारे बिस्मार्क चचा ने ही किया था, एंड तुम में से मैक्सिमम लोग इनका नाम ऑलरेडी हिस्ट्री में कई बार सुन रखा है। वैसे इस बात को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जब पर्शिया फ्रांस से वार जीतता है ना, तब वो फ्रांस के दो मेन डिस्ट्रिक्ट एल्सेक और लॉरेन को अपने साथ शामिल कर लेता है, बेसिकली हड़प लेता है, और क्या। वैसे इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है, सबसे पहला जो कि मैं खुद बन के आया हूँ, फ्रांस जो है ना, वो एक स्टूडेंट है, और वो इस पूरे स्टोरी का नरेटर भी है। दूसरे आते हैं एम हैमिल, जो कि एक फ्रेंच टीचर है। और वैसे देखा जाए तो इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम उसे साइड कैरेक्टर मान सकते हो। उनका नाम है हाउजर, और ये एक विलेजर है जो कि रिटायर्ड मेयर है। ओके, देखो, मेरा नाम है फ्रांस, और मैं स्कूल निकलने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि एम हैमिल मुझे आज बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। वैसे एम हैमिल हमारे फ्रेंच टीचर हैं, और वो आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स, और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है, और यही रीजन है कि मैं स्कूल निकलने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डांट खाने का कोई शौक नहीं है, और इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। वैसे मैं बंक भी कर सकता हूँ, क्योंकि डांट खाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं इधर उधर घूम के टाइम पास कर लूँ,
शाम तक मैं इधर उधर घूमूंगा और फिर वापस घर आ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे आज का दिन भी कितना अच्छा है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है, और ये जो बर्ड्स है, ये जो चिड़िया है, वो कितने प्यारे प्यारे वॉइस में चहचहा रही है, मतलब चिरपिंग साउंड निकाल रही है, वो भी ट्रीज पे बैठ कर। और यहाँ से कुछ ही दूर में एक सॉमिल है, सॉमिल का मतलब जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर जोर से मार्च पास्ट की आवाज आ रही है, क्योंकि वहाँ पे पर्सियन सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं। वैसे ये सभी चीज मुझे बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस टेम्पटेशन को दबाकर स्कूल जाना ही पड़ेगा, और इसलिए मैं स्कूल जाने के बारे में सोचता हूँ और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद स्कूल के रास्ते निकल जाता हूँ। और जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ, तभी वहाँ पे एक टाउन हॉल पड़ता है, और टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। वैसे मैं बता दूँ, ये जो फ्रैंको पर्शियन वार है ना, ये पिछले 2.5 साल से चल रही है, और इन 2.5 सालों में इस बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ खराब खराब न्यूज ही छपी है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस ने कौन कौन से बैटल्स हारे हैं, और एल्सेक और लॉरेन जो है ना, वो कैसे फ्रांस से छीना जा चुका है, और अब वो पर्शियन के हाथों में। और यही कारणों के वजह से मैं सोचने लगता हूँ कि आज इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना भीड़ क्यों है, मतलब आज क्या नोटिस आया है, जरूर आज भी कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा छपा होगा। और यही सब चीजें मेरे माइंड में चल रहे होते हैं जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ। मैं चाहता तो जाके वहाँ पर देख सकता था, लेकिन मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास में एक ब्लैकस्मिथ खड़ा था, और उस ब्लैकस्मिथ के साथ एक ट्रेनी भी था, ट्रेनी मतलब जो उसके अंदर काम करता है। तो वो ब्लैकस्मिथ मेरे तरफ देखता है और सार्केस्टिक वे में कहता है, अरे फ्रांस तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, आराम से आओ, खड़े होकर देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे भी अभी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है, बेसिकली वो मेरी फिरकी ले रहा था, और लेगा भी क्यों नहीं, मैं स्कूल के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी अपना फुर्ती बढ़ाता हूँ और स्कूल के गार्डन के पास तक पहुंच जाता हूँ। देखो, जब मैं यूजुअली स्कूल जाता था तब बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज्यादा नॉइज होता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मली क्या होता था, जब मैं स्कूल जाता था तो डेस्क का आवाज आता था, डेस्क में पटकने का आवाज आता था, जो टीचर होते हैं वो जब रूलर स्केल से ऐसे करके मारते हैं डेस्क पे, तो वो वाली आवाज भी आती थी। जो बच्चे होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, जब वो अपने चैप्टर को पढ़ रहे होते थे, जब वो अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहे होते थे, तो उस वक्त भी रिसाइटिंग की आवाज आती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज मैं जब स्कूल में घुसा तो मुझे लगा आज कहीं संडे वनडे तो नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा शांति कैसे हो सकता है मेरे स्कूल में। पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में घुसता था ना, तो पहले मुझे दोनों हाथों से अपने कान को ऐसे बंद करना पड़ता था, फिर ध्यान लगा के समझना पड़ता था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है, लेकिन आज तो लिटरल वाला पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसलिए फिर मैं जल्दी से अपनी क्लास पहुंचता हूँ और फिर हुलक कर अंदर देखता हूँ, मतलब झांक कर अंदर देखता हूँ, तो देखता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सभी अपने डेस्क पे शांति से बैठे हुए हैं। और हमारे फ्रेंच टीचर एम हेमल जो है ना, वो एक बड़ा सा आयरन का जो रूलर है, वो अपने आर्म के बीच में ऐसे फंसा कर चल रहे हैं। ये सब देखकर तो मेरी लिटरल वाली फट जाती है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि कोई टीचर ऐसे चल रहा है और उन्हीं के क्लास में मैं पढ़ के भी नहीं आया हूँ, और ऊपर से मैं लेट भी हूँ, तो मतलब किसी की भी फटी जाएगी ब्रो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर डर के क्लास के अंदर घुसता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये था कि जो एम एम एल थे ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोलते हैं कि जाओ अपने सीट पे जाके बैठ जाओ फ्रांस, वरना आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि एम एम एल जो है ना, उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के रखा है। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना है, एक शर्ट पहना है, और एक अच्छा सा प्यारा सा सिल्क का कैप पहना है, और ये सभी चीज देखकर ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड है। और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं, वो नॉर्मल ओकेजंस पे ऐसे ड्रेस नहीं पहनते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स ऐसे ड्रेस तभी पहनते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन डे हो गया, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया। इसलिए एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है, आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है। आज मुझे स्कूल में हो रहा सभी चीज काफी ज्यादा न्यू लग रहा था, काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी लग रहा था, काफी ज्यादा अनयूजुअल तो था ही, और काफी ज्यादा सीरियस माहौल भी बना हुआ था, तो कह सकता हूँ काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा था। मतलब कि आज स्कूल का माहौल काफी ज्यादा न्यू, काफी ज्यादा सीरियस, काफी ज्यादा अनयूजुअल,
और काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। और अगर तुम्हें लग रहा है स्ट्रेंज वाली चीजें यहीं पे खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे क्लास के जो लास्ट बेंच होते हैं वो यूजुअली खाली रहते हैं, लेकिन आज उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर विलेजर्स बैठे हुए थे, जैसे कि एक ओल्ड हाउसर जो कि रिटायर्ड मेयर है और उन्होंने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है। थ्री कॉर्नर्ड हैट तुमने कॉबॉय को देखा है, वो लोग ऐसा हैट पहनते हैं। वैसे मैं तुम्हें दिखा दूंगा यहाँ या यहीं कहीं दिखा दूंगा तुम्हें बस। फिर एक पोस्टमास्टर भी बैठे हुए थे और बहुत सारे सीनियर विलेजर्स और भी बैठे हुए थे। वैसे पीछे बैठे हुए जो हाउसर थे ना, वो एक प्राइमरी किताब लाए हुए थे और वो जो किताब थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और साइड साइड से फट भी गई थी। जो हाउसर होते हैं वो उस बुक को अपने नी पर रखकर खोलते हैं और फिर अपने स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मा होता है उसे उतारते हैं और उस बुक के ऊपर रख देते हैं। फिर एम हैमल जो होते हैं ना, वो काफी स्ट्रेंज टोन में कहते हैं कि अब तुम सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ये तुम सभी का फ्रेंच का दी लास्ट लेसन है। इसके बाद तुम सबको कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच को एज अ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। अब से तुम सबको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिर्फ जर्मन ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग आज ये इस लास्ट लेसन को ध्यान से सुनोगे। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर टाउन हॉल के पास वाले बुलेटिन बोर्ड में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। क्या सचमुच अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अभी तक फ्रेंच तो ढंग से बोलना और लिखना भी नहीं आता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता, मैंने जो टाइम वेस्ट करा है बर्ड्स के एक को हंट करने में वो नहीं करा होता। काश मैंने जो टाइम वेस्ट करा है सार रिवर के पास खेलने में, उस टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया होता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा होता। कुछ वक्त पहले तक तो मुझे जो फ्रेंच बुक्स थे ना, वो बहुत ज्यादा हेवी मतलब कि मुझ पर बहुत ज्यादा बर्डन लगते थे, लेकिन अब वही बुक मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। वैसे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आज MML गुस्सा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि शायद आज MML का आखिरी दिन है इस स्कूल में, और कोई भी टीचर अपने आखिरी दिन ऑफ स्कूल में गुस्सा तो नहीं करेगा ना। और शायद अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि MML ने इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहन रखा है, आखिर आज वह स्पेशल ओकेजन क्या है। मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं MML से कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा, और शायद अब तो मैं कभी फ्रेंच ही नहीं पढ़ पाऊंगा। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लास्ट बेंच में विलेजर्स बैठे हुए हैं ना, वो शायद बस इसलिए आए हैं ताकि वो MML को गुड बाय कह सके। एक आखिरी बार जो MML ने पिछले 40 साल से, बेसिकली जो MML थे ना वो पिछले 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कि वो एक आखिरी बार उनके फेथफुल सर्विसेज को जो उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया है उसके लिए वो वहां पे आए हैं और वो उन्हें एक लास्ट गुड बाय कहना चाहते हैं। बेसिकली जो विलेजर्स हैं वो उन्हें शुक्रिया और गुड बाय कहने आए। ये सब कुछ मुझे समझ ही आया होता है कि तभी MML मुझे बोलते हैं कि फ्रांस अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। मैं खड़ा होता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहला वर्ड बोलता हूँ, मैं तभी डगमगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। लेकिन जो MML होते हैं ना, वो यूजुअली अगर मुझे इस हालत में देखते तो बहुत ज्यादा डांटते, लेकिन आज वो मुझे डांटते नहीं है बल्कि कहते हैं कि फ्रांस मैं तुम पे चीखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम इन सब चीजों को पढ़कर आओगे, इन सब चीजों को जल्दी सीख जाओगे, लेकिन देखो अब क्या हुआ है, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और लिखना भी नहीं आता है, और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अब कल से तुम लोग फ्रेंच तो पढ़ने वाले हो नहीं, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे, जो लोग हमें रूल करने आएंगे, अब उनके पास पूरा राइट है कि वो लोग कह सके कि तुम लोग तो कहते हो कि तुम लोग फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम सभी को अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। पर फ्रेंड्स इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, उनको तो बस यही मतलब था कि तुम फार्म में जाकर मिल में जाकर काम करो और कुछ पैसे कमा कर लाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेम करने के लायक नहीं हूँ,
मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें गार्डन में प्लांट्स को पानी देने भेज दिया करता था, जबकि मैं तुम्हें रोक कर कह सकता था कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज पे ध्यान दो और इस लेसन को अच्छे से पढ़ो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। तो हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ। और फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा, हम इसे ऐसे ही नहीं गवा सकते। और जब जब इस दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज एज अ वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनके पकड़ में रहती है, तब तक उनके पास इंस्लेवमेंट की चाबी होती है। इसलिए हमें भी अपने लैंग्वेज में पकड़ रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास भी इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी और हम भी इस कैद से आजाद हो पाएंगे। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बन चुकी है, अगर वो कंट्री उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे जिनके अंदर वो स्लेव बनी है, तो उस कंट्री को कोई भी आजाद नहीं करवा सकता और वो कंट्री हमेशा के लिए अपनी पहचान खो जाएगी और वो कंट्री हमेशा एक दूसरे कंट्री के अंदर गुलाम रह जाएगी। इसलिए हमें हमारे लैंग्वेज पे हमेशा पकड़ रखना चाहिए, ताकि हम एक दिन आजाद हो सके। इसके बाद MML एक ग्रामर की बुक लेते हैं और उसमें एक लेसन को खोलकर सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पहली बार था जब मुझे MML जो कुछ भी पढ़ा रहे थे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। इवन जो MML भी थे ना, वो भी काफी इंटरेस्ट के साथ काफी डिटेल में उस चैप्टर को, उस लेसन को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका दी लास्ट लेसन है और वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी स्टूडेंट, उनका कोई भी बच्चा उस ग्रामर के लेसन को ना समझ पाए। इसलिए MML को खुद जितना भी पता था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और उस लेसन से रिलेटेड उन्हें जितना भी पता था, वो सभी कुछ डिटेल में सामने वाले स्टूडेंट्स को समझाना चाहते थे। फिर MML ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करवाने के बाद राइटिंग सेक्शन को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद MML ने अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कॉपीज, बेसिकली जो नोटबुक होता है ना, वो लाया होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उन सारे कॉपीज के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, मतलब कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है ना, वो हमेशा से फ्रांस का था और फ्रांस का रहेगा। और फिर जब सारे कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सभी के बेंच के ऊपर रखा जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि लाइन से जो कॉपीज है ना, वो कॉपीज नहीं है बल्कि एक फ्लैग है, और जो सारे फ्लैग है ना, वो एक रॉड के माध्यम से, बेसिकली बेंच ऐसे ऐसे करके रखे जाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक रॉड के माध्यम से सारे जो फ्लैग्स है वो कनेक्टेड है। मतलब कि वो जो कॉपीज को बेंच में रखा जाता है, इस अरेंजमेंट में रखा जाता है कि ऐसा लग रहा था कि जो भी कॉपीज है ना लाइन से, वो कॉपीज नहीं बल्कि फ्लैग है और सभी एक बड़े से मोटे से रॉड से कनेक्टेड है। इसके बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है और सभी अपने कॉपी में लिखने लगते हैं। इस मोमेंट पे इतना ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेंस की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब कि इस मोमेंट पे जो बच्चे अपने कॉपी में लिख रहे थे ना पेन से, बस उस चीज की आवाज सुनाई दे रही थी और किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच क्लास में एक मच्छर, मतलब कि मॉस्किटो घुस जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा रिएक्ट नहीं करता है। इससे पहले क्या होता था ना कि अगर क्लास में कोई भी बग घुस जाता था या फिर कोई इंसेक्ट घुस जाता था, तो पूरा क्लास पैनिक करने लगता था और इसलिए सभी लोग चिल्लाने लगते थे। लेकिन आज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, सभी MML को लेके बहुत ज्यादा अटेंटिव थे। इवन हमारे क्लास के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे, मतलब पीजन्स बैठे हुए थे, इवन वो तक साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग भी MML की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जर्मन पीजन्स लोग को भी बोलेंगे कि वो लोग अपना लैंग्वेज चेंज करके जर्मन बोलना स्टार्ट कर दे, जैसे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम फ्रेंच छोड़कर उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो MML होते हैं ना, वो पूरी क्लास को ध्यान से देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते मानो वो एक ही बार में पूरी क्लास की फोटो अपने आंखों में, अपने दिमाग में कैद करना चाहते हो, क्योंकि वो पिछले 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली अब उन्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आखिर पिछले 40 साल में क्या क्या बदला है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस जो मेरे सामने डेस्क और चेयर और टेबल्स रखे हुए हैं वो थोड़े पुराने हो गए। 40 साल पहले जो मैंने वैलनट ट्री का प्लांट लगाया था, वो अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बेसिकली वो एक ट्री बन चुका है। और जो 40 साल पहले मैंने हॉपवाइन का प्लांट लगाया था, वो इतना ज्यादा लंबा हो चुका है कि अब वो स्कूल के रूफ, मतलब स्कूल के छत तक आता है। तो हाँ, पिछले 40 सालों में इतना ज्यादा कुछ नहीं बदला है। राइटिंग सेक्शन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है और इसके बाद होता है फेनोटिक्स। फेनोटिक्स में सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटे बेबीज की तरह सारे अल्फाबेट को रिसाइट कर रहे होते हैं, जो फ्रेंच अल्फाबेट्स होते हैं ना उन्हें। फिर मुझे सुनाई देता है कि MML की जो बहन है, जो सिस्टर है, वो पैकिंग करके वहां से निकल रही होती है, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें एल्सेक छोड़कर जाना था। और फिर इसके बाद चर्च का घंटा बजता है और जो क्लास होता है वो खत्म हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह में देखा था मार्च पास्ट करते हुए, वो सभी वापस
आ रहे होते हैं, वो भी ढोल बाजा बजाते हुए। और फिर इसके बाद क्योंकि क्लास खत्म हो जाता है तो सभी विलेजर जो पीछे बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं एमएमएल को रिस्पेक्ट देने के लिए। इवन जो ओल्ड हाउसर भी होते हैं ना वो भी खड़े हो जाते हैं। पहले तो ओल्ड हाउसर अपने चश्मे को पहनते हैं, बुक को हाथ में लेते हैं और फिर खड़े होकर बोलने लगते हैं। लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल रोने जैसा हो चुके हैं। वो जो ओल्ड हाउसर थे उनकी आवाज में बहुत ज्यादा कपकपाहट थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहे हैं। और एक तरफ तो ये देखकर काफी फनी लग रहा था कि वो इतने मैच्योर है, इतने ज्यादा ओल्ड है फिर भी रो रहे हैं, लेकिन एक तरफ मैं भी बिल्कुल ओल्ड हाउसर की तरह ही एमएमएल को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। बस एमएमएल को लेकर नहीं, इस लास्ट लेसन को लेकर। इसके बाद मैं क्लास से कुछ कहना चाहता था, आई, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं मुड़ता हूँ बोर्ड की तरफ और अपने हाथ में चौक लेता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े लिखने की कोशिश करता हूँ और लिखता हूँ विया लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद एमएमएल जो होते हैं ना वो हमारी तरफ टर्न नहीं होते हैं, वो वॉल के साइड ही रहते हैं। इसके बाद एमएमएल थोड़ा बेंड होते हैं और अपने जेस्चर से बताते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है और वो अब जा रहे हैं। एंड इस तरह से तुम्हारा ये जो स्टोरी है वो खत्म होता है। देखो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम प्लीज शेयर कर दिया करो, तभी व्यूज आएंगे और अगर व्यूज आएंगे तभी तो वीडियो रैंक करेगा, और अगर वीडियो रैंक ही नहीं करेगा तो फिर ये वीडियो किसी तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब मैं लालची नहीं हो रहा हूं, मैं बस चाहता हूं कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे, इसमें लालच भी ऐड कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप सो तुम लोग इस वीडियो में 2K लाइक्स कर दोगे। कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना वीडियो अच्छी थी, बुरी थी, नॉर्मल थी, एवरेज थी। और हाँ, कुछ तुम्हें लाइक कहीं पर प्रॉब्लम लगे, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो तुम लोग कमेंट कर दिया करो कि इस पार्ट को तुमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब आपने तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं यार भैया हूँ तुम्हारा, टीचर थोड़ी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। रुको 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 रुको, स्टॉप स्टॉप, वहीं पे रुक जाओ यार, मैं परेशान हो चुका हूँ तुम लोगों से। हर बार वीडियो के नीचे सेम फकिंग कमेंट्स, हु इज वाचिंग वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, आगे में दोगे स्माइली। अरे भाई 90% स्टूडेंट्स एग्जाम से एक दिन पहले ही देखते हैं, और जिस भी इंसान को ये लगता है ना कि उसने ये कमेंट लिखकर बहुत ही ज्यादा कुछ फनी लिख दिया है, ऑडियंस की तो हंसते हंसते चड्डी ही गीली हो जाएगी, या तो तुमने बहुत ही ज्यादा कुछ रिलेटेबल कमेंट कर दिया है, तो फिर गधे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस कमेंट में इतने लाइक आते कहाँ से हैं, क्यों आते हैं लाइक। अरे ऑडियंस तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, इंसान हो या रोबोट, हर बार एक ही चीज तुम लोगों को फनी और रिलेटेबल कैसे लगता है। इधर मैं रोज के रोज स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, और जब नीचे कमेंट खोल के देखता हूँ हु इज वॉचिंग वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, ये करने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मतलब कुछ अच्छा लिख दो, कुछ बुरा लग रहा है इससे बढ़िया तो भाई मेरे को गाली बक दो, वो भी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वीडियो के नीचे एक भी अगर वैसा कमेंट आया तो कसम से मैं कुछ कांड कर दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अब भड़ास निकल गई, चलो अब चैप्टर पे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप वाटर को, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। वैसे ये जो चैप्टर है ना ये एक्सर्ट है ऑफ मिन्स एंड माउंटेन बुक का, मतलब ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये छोटा सा पार्ट है ऑफ मिन्स एंड माउंटेन बुक का। इस चैप्टर में मैं तुम्हारा ऑथर, मतलब मैं विलियम डगलस, तुम सबको बताऊंगा कि कैसे जब मैं छोटा था ना तब मैं स्विमिंग पूल में डूबते डूबते मरते मरते बचा था, और इसके बाद मेरे अंदर वाटर को लेके एक डर सा बैठ गया था, बेसिकली एक्वाफोबिया, मतलब ऐसे लोग जिन्हें पानी से बहुत डर लगता हो। और इसी चैप्टर में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि फिर मैंने कैसे इस फियर से अपने आप को ओवरकम किया, मतलब कि इस डर से कैसे जीत हासिल की। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जब मैं सिर्फ 10 या 11 साल का था तब मैंने YMCA पुल को ज्वाइन किया ताकि मैं स्विमिंग सीख सकूं। वैसे तो मैं याकिमा रिवर में भी जाके स्विमिंग सीख सकता था, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हमेशा मना करती थी कि ये जो याकिमा रिवर है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए मैंने YMCA पुल को ज्वाइन किया। YMCA पुल का जो शैलो एंड था, मतलब जो एक साइड था ना वो सिर्फ 3 फीट गहरा था, और वहीं उसका जो दूसरा साइड था, दूसरा एंड था, वो 9 फीट गहरा था। इसलिए मैं वाटर विंग्स लेके आता हूँ और उसे पहनकर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता हूँ। हालांकि सच कहूँ तो अभी मैं 12 साल का हूँ, लेकिन जब मैं इससे भी छोटा था, मतलब जब मैं सिर्फ 3 साल का था, तब मेरे साथ एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जब मैं सिर्फ 3 साल का था तब मैं अपने पापा के साथ वाटर सर्फिंग करने कैलिफोर्निया का एक बीच गया था, और उसी दौरान
एक वाटर वेव ने मुझे अपने अंदर धसा लिया था और इसी वजह से मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर भी लगने लगी थी। और अब जब मैं वापस से स्विमिंग करने जा रहा हूँ तो वापस से ये जो डर है ना वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं आने लग रही है। मतलब वो जो मेमोरीज है, जब मैं 3 साल का था तब मैं डूबते डूबते बचा था, वो जो मेमोरीज है वो वापस से मेरे अंदर आने लग रही है। लेकिन फिर मैं कॉन्फिडेंस रिगेन करता हूँ और जल्दी से उस पूल के अंदर चला जाता हूँ और दूसरों को देखकर, दूसरों को कॉपी कर स्विमिंग सीखना चालू कर देता हूँ। लेकिन फिर एक बार जब मैं YMCA पुल जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि उस दिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक लड़का आकर मुझे उस पुल के अंदर ढकेल देता है और पुल के जिस एंड में मैं बैठा हुआ था वो 9 फीट गहरा था और मुझे अभी तक स्विमिंग अच्छे से करनी नहीं आता था। और क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था डाइव मारने के लिए, इसलिए मैं बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में ही नीचे गिरने लगता हूँ, वो भी 9 फीट गहराई में। हालांकि मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं कोई डिसीजन ना ले पाऊँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब मैं पानी के डीप एंड सबसे गहराई में पहुंचूंगा तब एक लंबा छलांग लूंगा और तुरंत सरफेस तक आ जाऊंगा। और जैसे ही मैं सरफेस तक आऊंगा तब मैं उल्टा लेटकर पैडल मारते हुए उस पुल के कॉर्नर तक पहुंच जाऊंगा और वहां से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मुझे 9 फीट 90 फीट जितना लगने लगा था और मेरे लंग्स के अंदर भी पानी भरने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी ही फट जाएगा। लेकिन फिर मैं पानी के डीपर एंड तक पहुंचता हूं और जोर से जंप लगाता हूं और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर जाने लगता हूं। लेकिन जब मैं आंख खोलता हूं तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं अभी तक पानी के सरफेस तक नहीं पहुंचा हूं, मेरे चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर था। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं, सफोकेट करने लगता हूं और चिल्लाने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली पानी के अंदर से आवाज बाहर तो इतना तेजी से नहीं जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसी चिल्लाने की कोशिश में मेरे पूरे गले के अंदर पानी भर जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल भी सरफेस तक नहीं पहुंच पाता हूं, मेरा जो नोज था और मेरा जो आईज था वो सरफेस तक पहुंचता है, लेकिन मेरा जो माउथ होता है वो सरफेस तक नहीं पहुंचता। मतलब कि सिर्फ मेरा नोज और आईज जो होता है ना वो वाटर सरफेस तक पहुंचता है, मेरा पूरा फेस, मेरा पूरा हेड वाटर सरफेस तक नहीं पहुंचता है। मैं हाथ पैर चलाने की भी कोशिश करता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा मैं और पानी को अपने अंदर निगल लेता हूं। मुझे मेरे खुद के पैर डेड वेट्स की तरह लग रहे थे, मतलब बॉडी का एक ऐसा हिस्सा जो कोई भी काम का नहीं है, बस वेट बढ़ा रहा है। मुझे मेरे लंग्स में बहुत पेन हो रहा था और डिजी भी फील हो रहा था, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं माना था, मुझे अच्छे से प्लान याद था कि मैं वापस से नीचे जाऊंगा, एक लंबा सा छलांग लूंगा और सरफेस तक पहुंच जाऊंगा और फिर उल्टा लेट कर पैडल मारते हुए उस पुल के कॉर्नर तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था मुझे वाटर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा दिखने लगता है, मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल डेड वेट्स की तरह मुझे लगने लगे थे और साथ ही साथ मैं अनकॉन्शियस जैसा भी फील करने लगा था। और फिर मुझे एक टेरर कैप्चर कर लेता है, मतलब एक जो डर होता है वो मेरे अंदर हावी होने लगता है और वो डर कुछ और नहीं था बल्कि था द टेरर ऑफ डेथ, मतलब मौत का डर। और फिर मैं पैरालाइज्ड हो जाता हूँ और मैं अपने मन से अपने बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर पा रहा था और फिर से मैं चिल्लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता है। बस जो मेरा सर दर्द कर रहा था और मेरे हार्ट के अंदर पेन हो रहा था उससे पता चल रहा था कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जिंदा इंसान को ही पेन फील होता है, राइट। और फिर मैं वापस से उस पुल के डीपर एंड में पहुंचता हूँ और फिर मैं वापस से अपने आप को पुश करने की कोशिश करता हूँ लेकिन इस वक्त तक मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। और फिर से मैं धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगता हूँ और फिर जब मैं आँख खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस बार भी चारों तरफ सिर्फ वाटर वाटर एंड वाटर ही है, मैं अभी तक सरफेस तक नहीं पहुंचा था। इवन मैं मम्मी मम्मी भी चिल्लाने की कोशिश करता हूँ लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। और फिर कुछ ही पल बाद मुझे ऊपर में लाइट दिखती है, क्योंकि इस बार जो मैंने जंप लिया था ना मैंने ठीक ठाक जंप ले लिया था कि मैं इतना ऊपर आ सकूं कि मैं वापस से वाटर के ऊपर की लाइट देख सकूं। और फिर वापस से मेरा जो नोज और आईज होता है वो पानी के बाहर निकलता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि मेरा जो पूरा बॉडी था वो पानी के बाहर, मतलब पानी की सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। और फिर से मैं तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगता हूं और फिर मैं सांस लेने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं गलती से जो वाटर होता है उसे ही अपने अंदर ले लेता हूं। और फिर इसके बाद मैं वाटर से बाहर आने की कोशिश करना बंद कर देता हूं। मैं समझ जाता हूं कि अब मेरा एंड नियर है और अब मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं अपने पैरों को बिल्कुल पैरालाइज्ड फील करने लगता हूं और मेरे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा सा छाने लगता है और इस मोमेंट पे मेरे अंदर जो ये टेरर था ना, टेरर ऑफ डेथ, ये भी खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। और इस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा पीसफुल और रिलैक्स्ड फील हो रहा होता है और मैं धीरे धीरे डूबते जा रहा होता हूँ। और इसके बाद मैं धीरे धीरे स्लीपी भी फील करने लगता हूँ। स्लीपी फील करने का मतलब मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता हूँ और मैं जल्दी ही सो जाता हूँ। बेसिकली वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर मेरी आंख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं उल्टा लेटा हुआ हूँ और वॉमिटिंग किए जा रहा हूँ, शायद किसी ने मुझे बचा लिया था। फिर कुछ घंटे बाद मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इवन रो भी रहा था। इवन कि उस रात मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था, मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था, इतना ज्यादा रो रहा था कि मुझे पानी से भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। और फिर इसके बाद मैं वापस से कभी भी उस पुल की तरफ नहीं गया।
मतलब YMCA पुल की तरफ नहीं गया। और फिर ये जो डर था मेरे अंदर पानी को लेके, वाटर को लेके, ये काफी सालों तक मेरे साथ ही रहा। इसलिए फिर मैं कभी भी फिशिंग करने का या बोटिंग करने का प्लान बनाता था अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या सोलो प्लान भी बनाता था ना, तो वो जो प्लान था वो हमेशा की तरह खराब हो जाता था। क्योंकि ऑब्वियस सा रीजन है कि मैं जब भी पानी के पास जाता था मेरे अंदर वापस से वो जो डर थी वो हावी होने लगती थी। और फिर काफी वक्त बाद भी मैं इस डर से ओवरकम अपने आप को नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अक्टूबर से स्पेशल ट्रेनिंग लूंगा, वो भी स्विमिंग का, और शायद तभी जाकर मैं अपने इस फियर से ओवरकम कर पाऊंगा। और फिर जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो मुझे वीक में 5 दिन स्विमिंग करवाता था, और वो जो इंस्ट्रक्टर था वो मुझे एक रोप से बांध कर बोलता था कि इस पुल के इस एंड से उस एंड तक जाओ, और फिर मैं उस रोप के हेल्प से स्विमिंग करते हुए इस एंड से उस एंड तक जाता था। लेकिन जब भी वो जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ता था तब मेरे अंदर वापस से ये जो डर था ना पानी को लेके वो वापस से हावी होने लगता था, और इसी कारण से मैं वापस से पानी के अंदर डूबने लगता था। लेकिन फिर 3 महीने बाद जब मैं लगातार स्विमिंग किया और 100 से भी ज्यादा बार स्विमिंग कर चुका था तब मेरे अंदर ये जो डर था ना ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। और मेरा जो इंस्ट्रक्टर था ना उसने भी मुझे अच्छे से समझाया था कि कैसे पानी के अंदर अपने नोज को डाल के एक्सहेल करना है और कैसे अपने फेस को पानी से बाहर निकाल कर इनहेल करना है। बस यही नहीं, इंस्ट्रक्टर ने मुझे अच्छे से ये भी सिखाया था कि कैसे पानी के सरफेस में आकर पैडल करना है और कैसे पानी के अंदर किक मारना है। और फिर धीरे धीरे कुछ महीने और बीत जाते हैं और फिर मेरा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अप्रैल में मुझसे कहता है कि अब तुम्हें इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद से भी स्विमिंग कर सकते हो, तुमने अच्छे से स्विमिंग करना सीख चुका है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्या ये जो डर है ना, क्या ये जो फियर है ये मेरे अंदर वापस आएगा जब मैं अकेले स्विमिंग कर रहा हूँगा। और फिर एक दिन मैं अकेले स्विमिंग कर रहा होता हूँ और वापस से ये जो डर है ना मेरे अंदर हावी होने लगती है, लेकिन मैं इस मोमेंट पे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ और लगातार स्विमिंग करते रहता हूँ। फिर भी मैं अंदर से सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि वापस से कहीं ये जो डर है मेरे अंदर वापस ना आ जाए। इसलिए मैं लेक वेम्सवर्थ जो कि न्यू हेमिस्फेयर में है वहां पर जाकर ट्रिगी आइलैंड से 2 किलोमीटर स्विम करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक जाता हूं। और फिर इसी बीच में जब मैं एक मोमेंट के लिए अपने फेस को पानी के अंदर डुबोता हूं तो वापस से कुछ सेकंड्स के लिए ये जो टेरर ऑफ डेथ था, ये जो डर था मेरे अंदर, वो वापस से मेरे अंदर हावी होने लगता है। लेकिन फिर मैं हंसता हूं और अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू करता हूं और दूसरे छोर तक, दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाता हूं, मतलब स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंच जाता हूं। लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा होता हूं, मुझे लग रहा होता कि अगर ये टेरर मेरे अंदर वापस आ गया तो। इसलिए मैं वार्म लेक की तरफ जाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, और फिर अगले ही दिन उस लेक का एक छोर से दूसरे छोर तक जाता हूँ, वो भी स्विमिंग करते हुए, और फिर बहुत ही जोर से एक्साइटमेंट से चिल्लाता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस डर को कॉन्करर कर लिया होता है। वैसे मुझे पता है कि इस फीलिंग को तुम लोग नहीं समझ सकते हो, इवन इस फीलिंग को तो बस वही समझ सकता है जिसने इस फीलिंग को फेस किया है और इसके ऊपर जीत हासिल की है, मतलब कि मौत के डर से जीत हासिल की हो, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो। क्योंकि देखो मौत तो ईजी है, मतलब जो डेथ है ना वो तो बहुत आसान है, वो तो सबको आनी है, लेकिन फियर ऑफ डेथ से ओवरकम करना सबकी बस की बात नहीं है। और जैसा कि रूजवेल्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डर होता है ना वो डर इटसेल्फ है, मतलब डर खुद ही है। और देखो मेरी जो जीने की इच्छा थी वो इस डर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और इसलिए मैं इस डर के ऊपर हावी हो पाया और मैं इस डर को कॉन्करर कर पाया। और अब मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ और वो भी बिना किसी डर के। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एज यूजुअल जो हर यूट्यूबर कहता है। तो तुम लोग से मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप चैप्टर को, जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। और मैं तुम्हें बता दूं क्लास 12 के लिए इंग्लिश का कोर्स मेरे खुद के ऐप एडुकेशनल भैया में लॉन्च हो चुका है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो अगर तुम मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली प्ले स्टोर से एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और ज्वाइन कर लो, बहुत ही सिंपल है। और अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, 10 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है और ऐसे तुम लोग 80-80 ला सकते हो। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ। चलो अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है जो भीख मांग मांग के रैट ट्रैप बनाता था, मतलब रैट ट्रैप बनाने के लिए उसको जो सामान की जरूरत पड़ती थी उसके लिए वो भीख मांगता था। हालांकि उसे हमेशा भीख नहीं मांगना पड़ता था, वो कभी कभी ऐसी फार्म में घूमते रहता था और उसे घूमते घूमते ही रैट ट्रैप का सामान मिल जाता था। देखो रैट ट्रैप बनाने के लिए चाहिए ही क्या, वो पतले पतले वायर्स लेता था, उन्हें जोड़ता था और रैट ट्रैप बना लेता था। हालांकि ये काम ज्यादा प्रॉफिटेबल था
था नहीं, उसको ज्यादा फायदा नहीं होता था, इसलिए वो अपनी लाइवलीहुड के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में रैट ट्रैप सेलर को पिडलर और वेगाबॉन्ड नाम से बुलाया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। पेडलर और वेगाबॉन्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं होता है, वो लोग बस घूम घूम के छोटी मोटी सामान बेच बेच के पैसा कमाते हैं। रैट ट्रैप सेलर फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके चीक्स भी दबे हुए थे और उसके आंखों में साफ साफ भूख झलकती थी, मतलब बेसिकली वो एक मैल न्यूट्रिशन इंसान जैसा दिखाई देता था। और देखो, क्योंकि रैट ट्रैप सेलर के पास दिन भर में बहुत ज्यादा खाली टाइम रहता था, इसलिए वो कुछ कुछ सोचते रहता था। और ऐसे ही उसे एक दिन दिमाग में स्ट्राइक करता है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, वो एक रैट ट्रैप है। मतलब ये जो लैंड है, सी है, ओशियन है, सिटीज है, सब कुछ एक रैट ट्रैप है। और ये सब एक पर्पस को पूरा करती है, वो पर्पस है बेट्स लगाना। जैसे चूहों को फंसाने के लिए हम चीज लगाते हैं ना, वैसे ये जो लैंड है, ओशियन है, सिटीज है, ये सब बेट्स लगाती है हम इंसानों को फंसाने के लिए। और वो सभी बेट्स क्या है? रिचेस, जॉयज, क्लोदिंग, फूड, शेल्टर, ये सभी बेट्स है। ये सभी बेट्स है जो हम इंसानों को फंसाती है। मतलब एक इंसान इन सभी चीजों में फंस कर रह जाता है और खत्म हो जाता है। फिर हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि रैट ट्रैप सेलर दुनिया वालों के बारे में इतना खराब खराब इसलिए सोचता था क्योंकि पहली बात तो वो गरीब था, दूसरी बात ये दुनिया वाले लोग कभी भी उसके प्रति काइंडनेस नहीं किए, कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं किए, कभी भी उससे अच्छे से ट्रीट नहीं किए। इसलिए जो रैट ट्रैप सेलर था वो हमेशा सोचते रहता था कि ये जो दुनिया वाले लोग हैं ये एक रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मैं हूँ एक रैट ट्रैप सेलर और एक शाम को मैं ऐसे ही चलकर कहीं जा रहा होता हूँ और तभी मुझे एक ग्रे कॉटेज दिखाई देता है। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उस कॉटेज के ओनर से पूछूं कि क्या रात भर मैं उस कॉटेज के अंदर रुक सकता हूँ। यूजुअली जो लोग थे ना वो रैट ट्रैप सेलर को भगा देते थे, ऑब्वियस ही बात है। चलो मान लेते तुम्हारे घर में कोई ऐसी रोड में घूमता हुआ इंसान आ जाए, वो बोलेगा कि मेरे को आज रात भर रुकना है, तो तुम रुकने दोगे? नहीं रुकने दोगे ना। तो वैसे ही लोग करते थे, लोग रैट ट्रैप सेलर को भगा देते थे, अनजान इंसान था, क्यों रुकने देंगे अपने घर में रात में? डर लगता है ना कि चोरी वोरी ना कर ले, कोई कांड ना कर दे। लेकिन उस दिन उस ग्रे घर से एक बुढ़ा इंसान निकलता है जो रैट ट्रैप सेलर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि चलो कोई तो आज बात करने के लिए मिला, क्योंकि उस बुढ़े इंसान की, जिसका नाम क्रॉफ्टर था, उसकी कोई वाइफ नहीं थी। क्रॉफ्टर रैट ट्रैप सेलर के लिए डिनर बनाता है और दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं, स्मोक करते हैं, उसके बाद ताश पत्ती खेलते हैं, ताश पत्ती मतलब कार्ड्स खेलते हैं। उसके बाद वो बुढ़ा आदमी मतलब जो क्रॉफ्टर होता है वो एक सीक्रेट बताता है। मेरा नाम क्रॉफ्टर है बेटा, मैं पहले ना रामजो आयरन मिल में काम करता था, लेकिन फिर मैं काम छोड़ दिया, तो काम छोड़ने के बाद मेरे पास एक काऊ थी, एक गाय थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो जो गाय थी ना वो बहुत दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। और तुम्हें पता है, लास्ट मंथ ही इस काऊ के वजह से मैंने 30 करोनोर कमाया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, करोनोर स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन। ओके रुको बेटा, मैं खिड़की के पास से पाउच निकाल के तुम्हें दिखाता हूँ उसके अंदर 30 करोनोर रखे हुए हैं। और उसके बाद मैं रैट ट्रैप सेलर को वो सारे पैसे दिखाता हूँ, पाउच दिखाता हूँ, और फिर वापस वहीं पर रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे दूध निकालने जाना था काऊ से। क्या सोच रहे हो तुम लोग, काऊ? हाँ, काऊ का दूध निकालने जाना था। इसलिए वो रैट ट्रैप सेलर भी जल्दी उठ जाता है क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, कोई भी इंसान एक अनजान आदमी के भरोसे अपना घर छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। इसके बाद जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो क्रॉफ्टर को थैंक्स बोलता है, गुड बाय बोलता है और वहां से चला जाता है। लेकिन फिर वो कुछ घंटे बाद वापस आता है, ग्लास विंडो के पास खड़ा होता है, ग्लास विंडो को तोड़ता है और अंदर से पाउच निकालता है जिसके अंदर 30 करोनोर के नोट रखे हुए थे। फिर उस पाउच से 30 करोनोर निकालता है और वापस से उस पाउच को वहीं पे अंदर में टांग देता है और फिर 30 करोनोर चोरी करके वहां से भाग जाता है। मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फील कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने इतने सारे पैसे चुरा लिए। और इसके बाद मैं पब्लिक हाईवे की तरफ जाने के जगह जंगल की तरफ निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं हाईवे की तरफ गया और मैं पकड़ा गया तो मुझे सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैं जंगल के अंदर घुसता हूँ तभी मुझे रियलाइज होता है कि वो जंगल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं एकदम सीधे चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बार बार घूम कर एक ही जगह पे आ जा रहा था। मतलब वो जो जंगल था वो बिल्कुल भूल भुलैया की तरह था, मैं घूम फिर के वापस एक ही पॉइंट पे आके खड़ा हो जा रहा था और ये मेरे साथ बार 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 हो रहा था। और तब मुझे आखिरी में जाके रियलाइज होता है कि मैं जंगल के अंदर भटक चुका हूँ। वो रैट ट्रैप सेलर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद में सोचने लगता है कि कैसे अब वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया है और ये जो पूरा जंगल है ना वो एक रैट ट्रैप है। और देखो, दिसंबर का टाइम था, उस रैट ट्रैप सेलर को बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था और उसे रास्ता भी तो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जमीन पर वहीं पर लेट जाता है। मतलब ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि वो मर गया हो। हालांकि तभी उस रैट ट्रैप सेलर को फॉरेस्ट के पास के मिल से कुछ आवाज आती है। वो आवाज कुछ और नहीं थी बल्कि आयरन स्ट्राइक करने की आवाज थी। उसके बाद वो रैट ट्रैप सेलर खड़ा होता है और उस आवाज को फॉलो करते करते एक मिल के पास पहुंच जाता है। वो मिल एक आयरन मिल था, वो मिल बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस मिल में आयरन को प्रोसेस करने का सारा सामान था, जैसे कि आयरन स्मिल्टर्स, रोलिंग मिल और फॉर्ज। उस आयरन मिल में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा था
और जब पहली बार रैट ट्रैप सेलर उस मिल के अंदर घुसता है ना, तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, किसी का भी नजर उसके ऊपर नहीं जाता है। इसके बाद मैं उस मिल में एक फर्नेस के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। फर्नेस का मतलब जहाँ पर आग जलती है। और मैं फर्नेस के पास इसलिए खड़ा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी और मैं भींगा हुआ भी था। तभी उस मिल में काम करता हुआ एक ब्लैकस्मिथ उस पेडलर मतलब रैट ट्रैप सेलर को देख लेता है, लेकिन वो उसको भगाता नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम्हें फर्नेस के पास सोना है तो तुम सो सकते हो। उसके बाद उस मिल में आयरन मास्टर आते हैं जो कि उस मिल के ओनर भी होते हैं। आयरन मास्टर हमेशा इंस्पेक्शन के लिए उस मिल में रात को आया करते थे, मतलब कि चेक करने के लिए कि सारा काम सही से हो रहा है या फिर नहीं। तभी आयरन मास्टर का ध्यान उस पेडलर के ऊपर जाता है, मतलब उस रैट ट्रैप सेलर के ऊपर जाता है, और वो गलती से मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो रैट ट्रैप सेलर वहाँ पे लेटा हुआ है ना, वो कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, मतलब उनका कोई पुराना दोस्त है, क्योंकि आयरन मास्टर पहले आर्मी में थे। और देखो, क्योंकि उस टाइम मिल में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए आयरन मास्टर को ये गलतफहमी हो जाती है। और आयरन मास्टर उस पेडलर को निल्फ ऑल्फ नाम से भी बुलाने लगते हैं, जो उनके पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड का नाम था। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे इसकी गलतफहमी दूर नहीं करनी चाहिए। अगर ये मुझे अपना साथी समझ रहा है तो समझने दो, हो सकता है इसी बहाने ये मुझे कुछ पैसे मतलब कुछ क्रोनोस देके भी चले जाए। आयरन मास्टर को लगता है कि हो सकता है इसने रेजिमेंट को रिजाइन कर दिया होगा और उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई होगी और ये रैट ट्रैप बेचना स्टार्ट कर दिया होगा। इसलिए आयरन मास्टर उस पेडलर को अपने घर इनवाइट करते हैं साथ में क्रिसमस मनाने के लिए, क्योंकि अगले दिन ही क्रिसमस था। लेकिन बहुत मनाने के बाद भी वो रैट ट्रैप सेलर उनके साथ उनके घर नहीं जाना चाहता था। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं पागल हूँ क्या जो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारूंगा, क्योंकि अगर मैं आयरन मास्टर के साथ उसके घर गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि घर जाने के बाद इनको पता चल जाएगा कि मैं इनका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। ऊपर से मैं अभी 30 क्रोनोस चुरा कर भी आ रहा हूँ, तो अगर मैं वहां पे जाके पकड़ाता हूँ, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा गंदा फंस जाऊंगा। इसलिए मैं बार बार मना कर देता हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। आयरन मास्टर उस पेडलर को बहुत ज्यादा समझाते हैं, बोलते हैं नील्फ ऑल्फ चलो साथ में हम लोग मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो पेडलर होता है, वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वो उनके साथ नहीं जाता है। और उसके बाद आयरन मास्टर वहां से चले जाते हैं। और फिर ये सब कांड होने के आधे घंटे बाद इडला, जो कि आयरन मास्टर की बेटी होती है, वो एक कार से आती है, और इडला के साथ उसका सर्वेंट जिसका नाम वैलेट है वो भी आया हुआ रहता है, और उसके हाथ में एक फर कोट होता है, और वैलेट ने वो फर कोट पेडलर के लिए लाया हुआ होता है। इडला आती है और रैट ट्रैप सेलर के फेस से हैट हटाती है जो कि वो रख के सोया हुआ होता है। फिर हमें पता चलता है कि जो रैट ट्रैप सेलर था ना, वो एक आंख खोलकर सोता था ताकि वो सोए हुए में भी चौकन्ना रह सके। इसलिए इडला जैसे ही उसके फेस से हैट हटाती है, वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी इडला को वहां पर इसलिए भेजा था क्योंकि वो मानते थे कि उनकी बेटी में बहुत ही अच्छी पर्सुएशन पावर है, मतलब बेसिकली वो किसी को भी मना सकती है। इसके बाद इडला उस रैट ट्रैप सेलर से कहती है कि आपको चिंता करने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जितना फ्रीली हमारे घर में आएंगे उतना ही फ्रीली आप हमारे घर से जा भी सकते हैं, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, बस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये क्रिसमस ईव मना ले। इतने अच्छे से कोई मुझे बोलेगा तो मैं उसे मना थोड़ी ही कर सकता हूँ। इसलिए मैं इडला के साथ उसके घर जाने लगता हूँ, लेकिन पूरे रास्ते में रिग्रेट कर रहा होता हूँ कि मैंने क्यों क्रॉफ्टर के घर से पैसा चुराया, क्योंकि अब मैं रैट ट्रैप के अंदर फंसते जा रहा हूँ और हो सकता है कि अब मैं इस रैट ट्रैप से कभी बाहर ना निकल पाऊँ। फिर अगले ही दिन क्रिसमस था और उस दिन आयरन मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि सालों बाद वो अपने पुराने कॉमरेड मतलब अपने पुराने दोस्त से मिलने वाले थे। इसलिए आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि सबसे पहले तो वो उस इंसान को ब्रेकफास्ट करवाएंगे और उसके बाद उसके लिए कोई अच्छा सा जॉब ढूंढेंगे ताकि फिर उसे कभी रैट ट्रैप ना बेचना पड़े। जिस पे इडला कहती है कि ठीक है पापा, लेकिन जब मैं रैट ट्रैप सेलर से पहली बार मिली थी तो मुझे उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि वो कोई पढ़ा लिखा इंसान है। जिस पे आयरन मास्टर कहते हैं कि पहले एक बार उसे नहा लेने दो, अच्छे से तैयार हो जाने दो, अच्छे कपड़े पहन लेने दो, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल एक नया इंसान देखने को मिलेगा। इसके बाद जो वैलेट होता है मतलब उस घर का जो सर्वेंट होता है, वो रैट ट्रैप सेलर को अच्छे से नहला धुलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे से सेव कर उस रूम में लाता है जिस रूम में आयरन मास्टर और इडला बात कर रहे होते हैं। पेडलर ने आयरन मास्टर का सूट, व्हाइट शर्ट और शूज पहना हुआ होता है। इस वक्त पेडलर बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन जो आयरन मास्टर होते हैं ना, वो पेडलर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये उनका कोई रेजिमेंटल कॉमरेड वगैरह नहीं है, ये उनका कोई दोस्त वगैरह नहीं है, बल्कि उन्हें उसे पहचानने में गलती हो गई है। इसके बाद जो पेडलर होता है वो भी एक्सेप्ट करता है कि वो उनका कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो तो बस मिल में सोने के लिए आया था और इसलिए वो फोर्ज के पास लेटा हुआ था। इसके बाद आयरन मास्टर गुस्से से पेडलर को कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाने वाला हूँ, जिस पे पेडलर कहता है कि सुन लो आयरन मास्टर, ये जो पूरी दुनिया है ना, वो एक रैट ट्रैप है और इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो एक बेट का काम करती है जिसमें सभी लोग फंसते जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला,
जो भी आइडिया मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, बेसिकली रैट ट्रैप सेलर ने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था, वो यहाँ पे रिपीट कर देता है। इसके बाद रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि अगर यहाँ पे पुलिस आती है और वो मुझे जेल में डाल भी देती है तो तुम याद रखना आयरन मास्टर, एक दिन सेम चीज तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही एक ना एक दिन इस रैट ट्रैप में फंसोगे और बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। फिर इस बात को सुनकर आयरन मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी मोमेंट पे एडला वहाँ पर आती है और कहती है कि पापा मैं नहीं चाहती कि रैट ट्रैप सेलर अभी यहाँ से जाए, क्योंकि वो रैट ट्रैप सेलर हमारे साथ यहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए आया है और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज मैं किसी होमलेस पर्सन की हेल्प करने वाली हूँ। भले ही वो इंसान आपका दोस्त नहीं है, लेकिन वो एक होमलेस पर्सन तो है ना। और वैसे भी जो पेडलर होते हैं वो दुनिया में इधर से उधर भटकते रहते हैं, उन्हें कहीं पे भी अपना घर जैसा फील नहीं होता है। और साथ ही साथ हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले तो हम उसे अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं साथ में क्रिसमस मनाने के लिए, लेकिन अगले ही पल हम उसे इल ट्रीट करके अपने घर से भगा रहे हैं। यहाँ पर आयरन मास्टर भी एडला की बात पे कन्विंस हो जाते हैं और रैट ट्रैप सेलर से कहते हैं कि हाँ भाई आज तुम क्रिसमस मना लो, कल यहाँ से चले जाना। और फिर इसके बाद वहाँ पे ब्रेकफास्ट लाया जाता है और सभी बैठकर ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं, इंक्लूडिंग रैट ट्रैप सेलर। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि आखिर एडला उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है। और फिर इसके बाद उस दिन ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बस वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो दिन भर सोया रहता है और वो बिल्कुल ऐसा सो रहा था जैसे वो कई सालों से सोया ही नहीं हो। हाँ, बस जब क्रिसमस ट्री को लाइटन अप करने की बारी आती है तब वो जो पेडलर होता है वो कुछ पल के लिए आता है, देखता है कि क्या क्या सजाया जा रहा है और उसके बाद वो वापस से डिसअपीयर हो जाता है। और फिर इसके बाद वो 2 घंटे बाद उठता है डायरेक्ट डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद जो पेडलर होता है वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों को थैंक यू और गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर एडला पेडलर से कहती है कि आपने ये जो सूट पहन रखा है ना, ये मेरे पापा का है और आप इसे क्रिसमस गिफ्ट समझकर अपने साथ रख सकते हैं, और अगर आपको अगले क्रिसमस भी हमारे साथ मनाने का मन हो तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। इसके बाद जो पेडलर होता है वो अमेज्ड हो जाता है एडला का ऐसा बिहेवियर देखकर, क्योंकि आज से पहले उसके साथ इतना काइंडली किसी ने बिहेव नहीं करा था। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आयरन मास्टर और एडला दोनों चर्च जाते हैं और इस मोमेंट पे वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो सो रहा होता है। इसके बाद जब आयरन मास्टर और एडला दोनों चर्च पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने क्रॉफ्टर का 30 क्रोनोस चुरा लिया है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप सेलर है। और ये बात सुनकर जो एडला होती है वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद जब एडला वापस अपने घर जा रही होती है तब उसके फादर मतलब जो आयरन मास्टर होते हैं वो कहते हैं उससे कि देखो तुमने अपने घर में किसको रख लिया है, एक चोर को, पता नहीं उसने हमारे घर से क्या क्या चुरा लिया होगा। इसके बाद एडला और आयरन मास्टर दोनों जल्दी से घर पहुंचते हैं, तब उन्हें सर्वेंट से पता चलता है कि पेडलर ऑलरेडी जा चुका है लेकिन उसने कुछ भी नहीं चुराया है बल्कि उल्टा एडला के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया है। ये सुनकर एडला जल्दी से उस प्रेजेंट को खोलती है और खोलते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उस प्रेजेंट के अंदर एक रैट ट्रैप था और उस रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनोस के नोट पड़े हुए थे और साथ ही साथ एक लेटर भी था जिसमें रैट ट्रैप सेलर ने लिखा था कि एडला ने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया जैसे मैं सच में कोई कैप्टन हूँ या उसके पापा का सच में कोई अच्छा दोस्त हूँ। एडला के इस काइंड बिहेवियर के वजह से मैं नहीं चाहता था कि एडला जैसा कोई भी इंसान मेरे वजह से सैड हो, इसलिए मैं सारे पैसे जो भी मैंने चुराया है वो मैं वापस रख कर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पैसे क्रॉफ्टर को वापस कर दिया जाए जिससे मैंने ये सारे पैसे चुराए हैं, और मैं नहीं चाहता कि एडला इस अफसोस में रहे कि उसने एक चोर को अपने घर में रखा था। ऐसे क्रॉफ्टर ने उन सारे पैसों को एक ग्लास विंडो के बगल में रखा था जो हम गरीबों के लिए एक बेट का काम करती है, पर सिर्फ एडला के अच्छे बिहेवियर की वजह से मैं इस रैट ट्रैप में फंसते फंसते बचा हूँ। और ये जो रैट ट्रैप है ये गिफ्ट है एडला के लिए एक रैट की तरफ से, बेसिकली मैं अपने आप को रैट बोल रहा हूँ, तो ये जो रैट ट्रैप है वो गिफ्ट है एडला को एक रैट की तरफ से जो कि इस दुनिया के चारे में फंस चुका होता अगर एडला ने उसे नहीं बचाया होता। मतलब बेसिकली मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुका होता अगर एडला ने इतने अच्छे से मेरे साथ बिहेव नहीं किया होता। एडला तुम्हारी इस काइंड बिहेवियर की वजह से मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं और मैं अपनी अंदर की बुराई को क्लीन कर पाया हूँ, इसलिए ये जो रैट ट्रैप है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक क्रिसमस ईव प्रेजेंट है। और इस तरह से ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुम लोग मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो एडुकेशनल भैया ऐप जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है वहां से उसे डाउनलोड करो और ज्वाइन कर लो। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर को जिसे लिखा है लुइस फिशर ने। वैसे जिन्हें नहीं पता, लुइस फिशर ने 1918 और 1920 के बीच में एज अ वॉलंटियर काम करा था ब्रिटिश आर्मी के लिए, लेकिन फिर बाद में चल के लुइस फिशर गांधी जी पे एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और माना जाता है कि ये अब तक गांधी जी पे लिखी गई बेस्ट बुक है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इंडिगो, ये इसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब
इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें चैप्टर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे दूसरे इंग्लिश के चैप्टर्स जैसा नहीं है। इस चैप्टर में बहुत सारे मेजर इवेंट्स, बहुत सारे डेट्स और साथ ही साथ 10 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, जिनको तुम तभी याद रख पाओगे जब तुम मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट डाउन भी करते जाओ। वैसे मुझे नहीं पता इस वीडियो का लेंथ कितना होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का जितना भी लेंथ होने वाला है उससे तुम थोड़ा और टाइम ऐड कर लो, 20-25 मिनट, उतना टाइम तुम्हें लग जाएगा मेरे वीडियो को पॉज करके सारे डेट्स को लिखने में, सारे नेम्स को लिखने में और साथ ही साथ सारे मेजर इवेंट्स को लिखने में। लेकिन अगर तुम इतना टाइम दे देते हो तो तुम्हारा एग्जाम में एक नंबर भी इस चैप्टर से नहीं कटेगा। ये बहुत ही इजी चैप्टर है एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा 5 मार्क्स भी सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। या तो वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है या तो दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के। और इसके अलावा अगर तुम्हारा मन है तो तुम एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करके मेरे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें तुम्हें सारे चैप्टर के नोट्स, एक्सप्लेनेशन, वीडियोस, राइटिंग सेक्शन एकदम अच्छे से, साथ ही साथ पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही तुम कोर्स में ज्वाइन करोगे तुम्हें 48 आवर्स के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप में मैं भी हूंगा, और उस ग्रुप में तुम्हें वीकली होमवर्क्स दिए जाएंगे और मैं खुद पर्सनली तुम्हारे सारे होमवर्क्स को चेक करूंगा। बस एक चीज याद रखना कि अगर तुम लोग कोर्स खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ UPI ID से ही पे होगा, कोई भी वैलेट फॉर एग्जांपल फोन पे या पेटीएम से पे नहीं होगा। हाँ, तुम कार्ड से भी कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के पास कार्ड जनरली होते नहीं है, तो तुम लोग सिंपली UPI ID से पे कर सकते हो। तो चलो अब चैप्टर को पढ़ते हैं। लुईस फिशर बताते हैं कि वो गांधी जी से 1942 में आश्रम ऑफ सेवाग्राम में मिले थे और गांधी जी ने लुईस फिशर को बताया कि उनके अंदर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का अर्ज कहां से आया, मतलब डिजायर या फिर तुम कह सकते हो मोटिवेशन कहां से आया। तो वो साल है 1917। लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि 1917 में क्या हुआ था तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 1916 में क्या हुआ था। तो ये बात है नेशनल कन्वेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि लखनऊ में हो रहा था और वहां पे 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, मतलब 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे। जिन्हें नहीं पता, डेलीगेट्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, ओके? और साथ ही साथ बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे और उन्हीं विजिटर्स में से एक था राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी से मिलने आया था। ये नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ला, ये इस पूरे स्टोरी का वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर है। जब गांधी जी शुक्ला को देखते हैं तब उन्हें वो बहुत ही ज्यादा गरीब और इमिसिएटेड दिख रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीब और पतला दुबला, जैसे इंडिया के दूसरे पीजेंट्स दिखते हैं। वैसे राजकुमार शुक्ला शिकायत करने आया था लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। वैसे गांधी जी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट का कभी नाम तक नहीं सुना था और मुझे पता है तुम लोगों ने भी नहीं सुना होगा। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट लाई करता है फुटहिल्स ऑफ हिमालय के नीचे और नेपाल के जस्ट बगल में। मैं तुम्हें मैप में दिखा दूंगा, ध्यान से देख लो। किसी ने राजकुमार शुक्ला को बोला था कि तुम जाके गांधी जी से मिल के आओ, वो तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आया था। वैसे यहाँ पे एक चीज अच्छे से याद रखना कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स थे ना, उन्हें हम शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे किसान थे जो लोग अपने उगाए हुए हिस्से का जो क्रॉप है उसे एज अ रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड्स को। क्योंकि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो किसान है ना, वो लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट पैसा नहीं देते हैं, बल्कि अपने उगाए हुए क्रॉप का हिस्सा देते हैं। कितना हिस्सा देते हैं वो हम आगे जानेंगे, बट यहाँ पे ये चीज तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि क्यों चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को हम लोग शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जो राजकुमार शुक्ला था ना, वो भी उन्हीं शेयर क्रॉपर्स में से एक था। तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहली बार मिलते हैं तो गांधी जी उन्हें बोलते हैं कि देखो शुक्ला, मेरा कोयम्बटूर में अपॉइंटमेंट है और मैंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाने का भी कमिटमेंट कर रखा है, तो मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। देखो, भले ही राजकुमार शुक्ला इलिटरेट थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड किस्म के इंसान थे। वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनके पीछे पीछे अहमदाबाद के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वो गांधी जी के पीछे पीछे हफ्तों तक चलते हैं और उसके बाद हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्लीज एक डेट फिक्स करवा दो और चलो ना हमारे साथ चंपारण। बिहारी थे, ऑब्वियस सी बात है उनका एसेंट कुछ ऐसा ही होगा। जिसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो राजकुमार शुक्ला का डेडिकेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं सचिन सच डेट को कोलकाता आऊंगा, तो मुझे वहीं पे मिलना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलूंगा। ओके, राजकुमार शुक्ला गांधी जी का कलकत्ता में इंतजार करते हैं। जिन्हें नहीं पता, उस टाइम कोलकाता को कलकत्ता बोला जाता था।
आई होप सो तुम्हें पता होगा। तो देखो गांधी जी कलकत्ता आते हैं, अपना सारा काम निपटाते हैं और फिर राजकुमार शुक्ला के साथ पटना का ट्रेन में बैठ जाते हैं। शुक्ला जो होते हैं ना, वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर ले जाते हैं जो कि उस टाइम पे एक लॉयर थे। और हाँ, ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो बाद में चल के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वैसे जब गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं तब राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर में नहीं होते हैं, लेकिन उनके घर में दो सर्वेंट्स होते हैं जो गांधी जी और शुक्ला को कुछ खास ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो सर्वेंट्स थे ना, वो राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे और उनके अकॉर्डिंग जो राजकुमार शुक्ला था वो बार बार राजेंद्र प्रसाद को तंग किया करता था, बार बार ये बोलकर कि प्लीज इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करिए। और उन सर्वेंट्स को ये भी लगता है ना कि जो गांधी जी है वो शुक्ला के साथ आया हुआ कोई नॉर्मल सा पीजेंट है, इसलिए वो जो सर्वेंट होते हैं वो गांधी जी को वेल से पानी निकालने भी नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे गांधी जी को प्यास लगा हुआ था एंड उनको पानी पीना था, लेकिन जो सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को वेल से पानी निकाल कर पीने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है ये जो गांधी जी होंगे ना, ये अनटचेबल होंगे। और उस टाइम पे अनटचेबिलिटी एकदम पीक पे था और उन सर्वेंट्स को लगता है कि अगर ये लोग दोनों वेल से पानी निकाल के पिएंगे और इनके बकेट से एक बूंद पानी भी वापस वेल में गिर जाता है तो वो जो पूरा वेल है ना वो पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब कि अशुद्ध हो जाएगा। इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब यहां से चले जाना चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये शेयर क्रॉपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसी वजह से वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर चंपारण जाने वाले रास्ते में ही पड़ता था। वो जेबी कृपलानी को एक लेटर भेजते हैं जो कि मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे और गांधी जी इनसे पहली बार टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। जेबी कृपलानी जो होता है ना, वो 15 अप्रैल 1917 के मिडनाइट में एकदम स्टेशन में पहुंच जाता है गांधी जी को पिक करने और अपने साथ जेबी कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लेके आ जाता है। और उसके बाद गांधी जी वहां पहुंचते हैं और अगले दो दिन तक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकते हैं, दोनों अलग अलग आदमी होके। प्रोफेसर मलकानी जो थे ना वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। बहुत सारे बच्चे प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलत लिख के आ जाते हैं। तुम लोग यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, गांधी जी को लेने जेबी कृपलानी आते हैं जो कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे और गांधी जी जिसके घर में रुकते हैं वो है प्रोफेसर मलकानी जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। ओके, यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि ये बात उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि वो एक फ्रीडम फाइटर है और वो जिस आदमी के घर में रुके हुए हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहा होगा ना, उस टाइम ब्रिटिश रूल था। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट को भी याद रखना। ओके, और ये बात इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए भी है क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल जाता तो प्रोफेसर मलकानी का जॉब चला जाता और भी बहुत बुरा हो सकता था, तुम्हें पता ही है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स कैसे थे। इसके बाद जब चंपारण डिस्ट्रिक्ट के शेयर क्रॉपर्स को पता चलता है कि उन्हें सपोर्ट करने कोई महात्मा आया है, कोई चैंपियन आया है, तो बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स अपने पैरों में चलकर मतलब पैदल गांधी जी से मिलने आने लगते हैं। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में लॉयर्स भी गांधी जी से मिलने आने लगते हैं। इसके बाद लॉयर्स आके गांधी जी को सब कुछ बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है, वो केसेस के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि वो इन शेयर क्रॉपर्स से कितना फीस चार्ज करते हैं, मतलब लॉयर्स जो है ना वो इन शेयर क्रॉपर्स से कितना फीस चार्ज करते हैं, जिस पे गांधी जी इन सारे लॉयर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें चीट करते हुए मतलब डांटते हुए कहते हैं, तुम सब लॉयर्स को शर्म नहीं आता, तुम लोग इन सभी पीजेंट्स का मजबूरी का फायदा उठाकर इनसे फीस चार्ज कर रहे हो। मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। पहली बात तो इन पीजेंट्स के अगेंस्ट जितने भी लोग हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो सब ब्रिटिशर्स हैं, दूसरा जो कोर्ट का जज है वो भी ब्रिटिशर है और जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे ब्रिटिशर्स हैं, ऊपर से ये जो पीजेंट्स हैं ये इतने ज्यादा क्रस्ड हैं और इतने ज्यादा फियर स्टिकन हैं, मतलब इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि हम चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इन्हें अपने अंदर से वो डर निकालना होगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्योंकि अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो आगे पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। गांधी जी बताते हैं कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े लैंड मतलब बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी हैं वो इंग्लिशमैन ओन करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स ओन करते हैं, और ये जो इंग्लिशमैन है ना ये इंडियन पीजेंट से काम करवाते हैं और बदले में बोलते हैं कि तुम लोग मुझे डायरेक्ट रेंट के तौर पे पैसा मत देना, बल्कि मैं तुम्हें जितना लैंड दे रहा हूं ना उस लैंड के 15% में 15% में तुम्हें सिर्फ इंडिगो क्रॉप्स को ही उगाना है और सारे के सारे इंडिगो क्रॉप्स को हमें लाकर देना है, मतलब लैंडलॉर्ड को लाके देना है। तो यही है तुम्हारा 15% वाला अरेंजमेंट सिस्टम जिसपे तुम्हारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो अब तुम लोग इजिली लिख दोगे कि जो चंपारण के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे
वो इंडियन पीजेंट से काम करवाते थे और अपने लैंड के 15% हिस्सा में इंडिगो उगवाते थे और सारे इंडिगो को अपने पास लाकर देने बोलते थे। इसके बाद वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते थे वो उन सारे इंडिगो को फॉरेन मार्केट में जाके बेचकर आ जाते थे, क्योंकि वहां से उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटा प्रॉफिट होता था। अगर वो लोग डायरेक्ट पीजेंट से एज अ रेंट पैसा लेते ना तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता जितना उन्हें अपने लैंड के 15% में इंडिगो उगवा कर उसे फॉरेन मार्केट में बेचने से होता था। और हाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो मेजर कॉमर्शियल क्रॉप था। आई होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि 15% वाला अरेंजमेंट क्या था, लेकिन यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ना ज्यादा पीजेंट को प्रॉब्लम हो रहा था, ना ही लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है, एक दिन लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है और बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तब लैंडलॉर्ड्स को समझ में आ जाता है कि अब उन्हें इंडिगो से मोटा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर वो फॉरेन मार्केट में जाके बेचेंगे तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। अब मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे समझाने नहीं बैठा हूँ। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो पीजेंट्स के साथ ब्रेन गेम खेलते हैं। लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को बोलते हैं कि हम तुम्हें ये 15% वाले अरेंजमेंट से फ्री कर रहे हैं, बस तुम सबको हमें कंपनसेशन देना होगा। कुछ पीजेंट्स एग्री कर लेते हैं कि ठीक है, हम कंपनसेशन दे देंगे, और वो लोग कंपनसेशन दे भी देते हैं। वहीं पे कुछ पीजेंट्स एग्री नहीं करते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग हमें फ्री कर रहे हो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कंपनसेशन क्यों दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 15% जगह पे इंडिगो उगा सकते हैं, हमें कंपनसेशन देने का कोई शौक नहीं है। और इसलिए कुछ पीजेंट्स लॉयर को हायर कर लेते हैं। वहीं पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो थग्स को हायर कर लेते हैं। इसके बाद जो भी पीजेंट जो होता है, जो भी फार्मर होता है, किसान होता है, वो कंपनसेशन देने से एग्री नहीं करता है, तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, वो उसके घर में थग भेजवाते थे, उसके साथ जबरदस्ती करते थे, मारते थे, पीटते थे और जबरदस्ती कंपनसेशन लेते थे। धीरे धीरे जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो के बारे में चंपारण के ऑलमोस्ट सारे पीजेंट्स को पता लगने लगा और सभी पीजेंट्स अपने दिए हुए कंपनसेशन को वापस मांगने लगे लैंडलॉर्ड से। लेकिन लैंडलॉर्ड्स देने वाले कहाँ थे, उन्होंने तो थग भी हायर करके रखा था। जो भी उनसे कंपनसेशन मांगने आता वो उन्हें ठोक देते थे। इसके बाद एंट्री होती है गांधी जी की। उन्हें ये तो पता चल जाता है कि माजरा क्या है, लेकिन अभी भी उनके पास ज्यादा फैक्ट्स नहीं थे, जिसके लिए गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं। लेकिन सेक्रेटरी गांधी जी को बोलता है कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, जिस पे गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पे खड़ा अगर कोई आउटसाइडर है ना तो वो तू है, मैं नहीं हूँ। इस जगह पे खड़ा अगर कोई आउटसाइडर है ना तो वो तुम हो, मैं नहीं हूँ। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं और वो जो कमिश्नर था ना वो तो और भी ज्यादा बदमाश था। वो गांधी जी को ही बुली करने लगता है और तिरहुत छोड़ के चले जाने की धमकी भी देता है। लेकिन गांधी जी कहाँ डरने वाले थे, वो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट जाते हैं जो कि चंपारण का कैपिटल है, और वहीं पे बहुत सारे लॉयर्स को लेकर एक हेडक्वार्टर खोल लेते हैं और वहीं से अपना फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, ये सोचकर कि अगर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन उन्हें प्रूफ नहीं देगा या फिर अगर सेक्रेटरी उन्हें प्रूफ नहीं देगा कि इन पीजेंट्स के साथ गलत हुआ है, इन शेयर क्रॉपर्स के साथ गलत हुआ है, तो वो खुद से प्रूफ ढूंढ लेंगे। कुछ ही वक्त बाद एक न्यूज आता है कि पासी के एक विलेज में एक पीजेंट को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया है, मतलब मैलट्रीट किया गया है। गांधी जी अगले ही सुबह एक हाथी के ऊपर बैठकर उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं जहां पर ऐसा हुआ था। लेकिन आधे ही रास्ते में पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर अपनी कैरेज में बैठकर आता है और गांधी जी को ओवरटेक करते हुए बोलता है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपको वापस मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए एक लीगल नोटिस आया है। देखो, जो गांधी जी थे ना वो वायलेंट टाइप के आदमी नहीं थे, वो लॉ का बहुत ही अच्छे से पालन करते थे, इसलिए वो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो उसके साथ वापस आ जाते हैं और उसके बाद जब वो उस लीगल नोटिस को खोल कर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो जो गांधी जी होते हैं वो उस वक्त उस रिसिप्ट पे साइन तो कर देते हैं, लेकिन साफ साफ बोलते हैं कि भले ही मैंने इस रिसिप्ट पे साइन करा है, लेकिन मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करने वाला हूँ। इसके अगले ही दिन गांधी जी को कोर्ट से समन आ जाता है और उस रात पूरी रात गांधी जी सो नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद तुम और अपने सारे इन्फ्लुएंसियल फ्रेंड्स को लेके चंपारण आ जाओ, और अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भिजवा देते हैं कि हो सकता है ना वो जेल चले जाए तो तब तक आश्रम को कैसे संभालना है वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ वायसराय को भी सारी रिपोर्ट भिजवा देते हैं। अगले ही दिन जैसे ही गांधी जी कोर्ट के अंदर घुसते हैं, पूरा का पूरा मोतिहारी जो होता है ना वो ब्लैकआउट हो जाता है
पीजेंट्स के साथ, क्योंकि सारे पीजेंट्स अपने हीरो को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट के बाहर आए हुए थे। इन ब्रिटिशर्स को पता नहीं था कि गांधी जी का बैकग्राउंड क्या है, गांधी जी का रिकॉर्ड क्या है। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या बवाल मचा के आए। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि कोई महात्मा आया है जो कि इन पीजेंट्स की मदद कर रहा है। इतने सारे लोगों को देखकर मोतिहारी की पुलिस, गवर्नमेंट, इवन की जो जज होता है वो तक गांधी जी से डर जाता है। वो गांधी जी से हेल्प मांगता है कि आप प्लीज इन सब लोगों को थोड़ा साइड हटने बोल दीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गांधी जी भी बहुत ही पोलाइटली और फ्रेंडली वे से उन ब्रिटिशर्स की हेल्प करते हैं और कहते हैं लोगों को कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ। इसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और इसलिए वो ट्रायल को और ज्यादा डिले करने लगते हैं, जिस पे गांधी जी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे डिले किस बात का हो रहा है, मैं तो टाइम पे आ गया हूँ। ये कोर्ट है, कोई सब्जी बाजार थोड़ी है, यहाँ पे तो सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तुम्हें पार्ट 2 देखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन भैया। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिगो चैप्टर का पार्ट 2। देखो, हमने पार्ट 1 में देखा था कि गांधी जी जज के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि डिले किस बात का हो रहा है, जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लो। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे गांधी जी और क्या बोलते हैं जज को, ठीक है। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जज साहब, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में था, मतलब एक तरफ ना तो मैं लॉ ब्रेकर का एग्जांपल सेट करना चाहता था, मतलब मैं लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं नेशनल सर्विस और ह्यूमैनिटेरियन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है लोगों के लाइफ से सफरिंग को कम करना, सफरिंग मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा, समझ रहे हो ना। और गांधी जी चंपारण भी तो इसलिए आए थे ताकि वो शेयर क्रॉपर्स के लाइफ से थोड़ी सफरिंग को, थोड़ी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा को कम कर सके। वैसे गांधी जी के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या था इस चीज को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए, मुझे पता है कि मैंने क्या लॉ ब्रेक किया है और मैं गिल्टी भी हूँ, लेकिन इस गलती के लिए मैं पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद कोर्ट को डिसमिस कर दिया जाता है और बोला जाता है कि कोर्ट अगले कई दिनों तक कोई भी जजमेंट पास नहीं करेगा और तब तक के लिए जो गांधी जी है ना वो पूरी तरह से आजाद है। और तब तक राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मिर्जुल हक और भी बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट लॉयर वहाँ पे आ जाते। तब गांधी जी उनसे पूछते हैं कि वैसे अगर मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करेंगे। तभी एक सीनियर लॉयर आगे आके कहते हैं कि गांधी जी, हम तो आपको हेल्प करने और एडवाइस करने आए थे, अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो हम लोग तो अपने अपने घर ही चले जाएंगे ना। और जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या, अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम लोग शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ना छोड़ दोगे। तभी राजेंद्र प्रसाद जी आगे आके कहते हैं कि गांधी जी जो कि इन शेयर क्रॉपर्स के लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थे, मतलब अननोन इंसान थे, वो तक इन शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ हम जो यहीं पे रहते हैं और हमारा तो कर्तव्य है इन शेयर क्रॉपर्स की मदद करना, हम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं, आखिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के इस बात पे सभी लॉयर्स एग्री करते हैं और फिर सभी मिलके गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गांधी जी, अगर आपको जेल होती है, अगर आप जेल चले जाते हैं तो हम सभी लोग आपके पीछे पीछे जेल आने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा है ना तो समझो हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। चलो अब जल्दी से एक पेन और पेपर लेके आओ, मैं तुम सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ कि अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो तुम सबको ग्रुप में रह के कैसे काम करना है और कैसे अपना काम पूरा करके मेरे साथ जेल आना है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना ये केस वापस ले लिया है, मतलब केस को ड्रॉप कर दिया है, मतलब कि अब किसी को भी जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गांधी जी और लॉयर्स मिलकर एक इंक्वायरी बैठाते हैं जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शेयर क्रॉपर्स के फाइल्स इकट्ठा किए जाते हैं, जिससे ये साबित होने लगता है कि उनके साथ गलत तो हुआ है। गांधी जी के पास इतने सारे एविडेंसेस इकट्ठा हो चुके थे कि कुछ ही दिन बाद उन्हें एक समन आता है और वो था सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन गांधी जी जाने से पहले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और लॉयर्स के सामने, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके सामने ये कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आ पाता हूँ किसी भी रीजन से तो तुम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू कर देना। इसके बाद गांधी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच 4 लंबी लंबी मीटिंग्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी। इसके बाद ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती है जिसमें भर भर के एविडेंस सामने आती है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। वैसे इस इंक्वायरी में गांधी जी एक तरफ थे जो सभी शेयर क्रॉपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे तरफ सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स थे। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये इंक्वायरी जो कि सिर्फ कुछ ही दिन चलने वाली थी, ये इंक्वायरी पूरे 1 साल तक चलती है और इस इंक्वायरी की वजह से गांधी जी का पूरा 1 साल वेस्ट हो जाता है। लेकिन एट लास्ट कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है,
तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी हमारी ही गलती है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। इसलिए लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए ये तो बता दो। लैंडलॉर्ड्स को लग रहा था कि जो गांधी जी है ना वो 100% रिपेमेंट का बात करेंगे, मतलब पूरा का पूरा पैसा वापस देने का बात करेंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं कि 50% पैसा दे दो। लेकिन लैंडलॉर्ड्स को गांधी जी और इंक्वायरी का टाइम वेस्ट करना था, उन्हें 1 रुपया भी पैसा देने वापस देने का मन नहीं था। इसलिए वो बहुत प्लान बना के कहते हैं कि हम तो सिर्फ 25% ही दे पाएंगे। और लैंडलॉर्ड्स ये सोच रहे थे कि गांधी जी कभी भी इस 25% वाले एग्रीमेंट पे एग्री नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी तुरंत एग्री कर लेते हैं, बोलते हैं कि दे दो, 25% ही देना है ना तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट का डेडलॉक ब्रेक हो जाता है। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनका प्लान कैसे फेल हो गया, आखिर गांधी जी 25% में एग्री कैसे कर लिए। वो सोच रहे थे कि गांधी जी 50% से नीचे उतरेंगे नहीं, और ऐसे ही ये केस टलते जाएगा और एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन गांधी जी थे चतुर आदमी, इसलिए उन्होंने डेडलॉक को ब्रेक किया। और वैसे भी गांधी जी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, गांधी जी के लिए उन इंग्लिशमैन लैंडलॉर्ड्स का प्रेस्टीज गिराना इंपॉर्टेंट था, जिसमें गांधी जी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इसके अलावा चंपारण के पीजेंट्स को अपने राइट्स के बारे में भी पता चला, और तो और उनके अंदर अपने हक के लिए लड़ने का करेज भी आया। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ गांधी जी की वजह से। इसके बाद धीरे धीरे जो लैंडलॉर्ड्स थे ना वो चंपारण छोड़कर जाने लगे, और फिर लैंड वापस से हमारे देशवासियों का और हमारे पीजेंट्स का हो गया। वैसे गांधी जी को कभी भी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। गांधी जी को बस कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस जैसे प्रॉब्लम को सुधारने का और सॉल्व करने का इंटरेस्ट था। इसलिए इन सब इंसिडेंट के बाद गांधी जी चंपारण में बहुत सारे टीचर्स को बुलाते हैं, साथ ही साथ महादेव देसाई, निहारी पारिक और अपनी वाइफ और अपने बेटे को भी चंपारण बुलाते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद चंपारण में प्राइमरी स्कूल खोला जाता है। गांधी जी की वाइफ मतलब कस्तूरबा बाई आश्रम को छोड़कर गांधी जी के पास चंपारण आ जाती है। उसके बाद वो स्कूल के बच्चों को आश्रम के रूल्स सिखाती है, और साथ ही साथ पर्सनल क्लीनिनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में भी सिखाती है। देखो चंपारण का हेल्थ कंडीशन भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए गांधी जी ने डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर्स ने पूरे 6 महीने तक लगातार चंपारण में सर्विस किया। और साथ ही साथ उस टाइम डॉक्टर्स अपने साथ 3 पॉपुलर मेडिसिन भी चंपारण में लेकर आए। वो 3 मेडिसिन क्या थे? कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। जिस भी बंदे को टंग में इशू होता था डॉक्टर उसे सीधा कैस्टर ऑयल रिकमेंड कर देते थे। जिस भी इंसान को मलेरिया होता था डॉक्टर उसे कैस्टर ऑयल और क्यूनाइन दोनों रिकमेंड करते थे। और जिस भी इंसान को स्किन प्रॉब्लम होता था डॉक्टर उसे सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल रिकमेंड करते थे। वैसे इन तीनों तरह के प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर एक दवाई है जिसे रिकमेंड करते ही करते थे, वो क्या है? कैस्टर ऑयल। इसके बाद गांधी जी अपनी वाइफ को मतलब कस्तूरबा जी को बोलते हैं कि तुम औरतों के कपड़ों पे भी ध्यान दो, क्योंकि चंपारण में जो औरतें हैं ना उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका जो कपड़ा पहनने का तरीका है और उनके पास जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे कस्तूरबा जी एक इंसिडेंट भी बताती है कि एक बार क्या होता है, एक वोमेन उनके पास आती है और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है, और अपने घर जाने के बाद वो कस्तूरबा बाई को एक एक ड्रॉवर खोल के दिखाती है कि उनके घर में एक भी कपड़े नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो अभी उस वक्त जो साड़ी पहन के रखा है ना उनके पास सिर्फ एक वही कपड़ा है। वैसे इस बीच जब तक गांधी जी चंपारण में थे तब तक वो अपने आश्रम में लगातार इंस्ट्रक्शंस भेजा करते थे, और ये चंपारण वाला मोमेंट गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि इससे उन्होंने साबित किया कि ब्रिटिश उन्हें उनके खुद के कंट्री में ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं। और साथ ही में जो गांधी जी का सपना था कि इंडियन लोग जो है ना, जो इंडियंस है वो खुद के लिए स्टैंड ले पाए, खुद के हक के लिए लड़ पाए, वो उनका सपना भी धीरे धीरे पूरा हो रहा था। वैसे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बड़े बड़े लॉयर्स ये सोचते हैं कि गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर है जो कि एक इंग्लिशमैन है जिसका नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना उसे अपने साथ शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को जैसे ही ये बात पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बड़े बड़े लॉयर्स एंड्रयू को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम सबको क्या लगता है, हम इंडियंस कमजोर है और ये एक अनइक्वल फाइट होगी अगर हम इंडियंस एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ इंग्लिशमैन रहेंगे, तो इसलिए तुम एंड्रयू जो कि एक इंग्लिशमैन है तुम उसे हमारे साथ शामिल करना चाहते हो ताकि ये एक इक्वल फाइट हो जाए। ये चीज तुम्हारी दिल की वीकनेस को दिखाता है, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। हम सबको खुद पे रिलाई करना चाहिए ताकि हम इस बैटल को जीत सके, ना कि किसी और पे।
पोएट्स एंड पैनकेक पढ़ने वाले हैं हम, जिसे लिखा है अशोका मित्रन जी ने। ये एक तमिल राइटर है और इन्होंने अपनी जितनी भी मेमोरीज है और यादें है जिमनी स्टूडियो के अंदर, उन सबको एक प्यारे से बुक, जिस बुक का नाम है माई ईयर विद बॉस, उसमें लिखा है। और इस बुक में उन्होंने बातें की है कि कैसे मूवीज जो होती है ना वो इंडियन लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। उन्होंने बताया है कि जो जिमनी स्टूडियो है ना वो चेन्नई में लोकेटेड है और पहली बार 1940 में उसे सेट किया गया था और उस टाइम पे इट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। और जिमनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे ना उनका नाम था एसएस वासन। हमारे जो पोएट है अशोका मित्रम जी, उनका बस इतना ही काम था कि जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है या जो आर्टिकल्स है उसे कट करके फाइल्स में स्टोर करना। अशोका मित्रम जी ये भी कहते हैं कि भले ही उनका जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो, मतलब ऐसा लगता हो कि वो कोई भी काम नहीं करते या फिर उनका काम बहुत फालतू है, लेकिन पूरे स्टूडियो में जो सबसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन थे ना वो खुद अशोका मित्रम जी ही थे, क्योंकि उन्हें काम के बहाने आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर बल्क अमाउंट में पढ़ना पड़ता था, जिसके कारण उनके अंदर भर भर के इन्फॉर्मेशन भरा हुआ था। हमारा जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक, ये बस एक छोटा सा पार्ट है उनके बड़े से बुक माई ईयर्स विद बॉस का। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। हमने ऑलरेडी ऑथर के बारे में बात कर लिया और इससे पहले कि हम चैप्टर के अंदर डेप्थ में डुबकी लगाए, तुम सबको पता है मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ, मतलब ऑनेस्टली बोलो हाँ मैं हूँ ना लालची। तो इसलिए इस वीडियो के नीचे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग 1K कमेंट्स कर दोगे। आई नो मेरी जो लालच है वो लाइक्स के लिए ज्यादा रहती है, बट इस बार कमेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा है। स्पैम मत करना, नॉर्मल कमेंट्स करना, ये वीडियो कैसा लगा वगैरह वगैरह वगैरह। इस चैप्टर से मैं तुम लोग को एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, तुम लोग को मार्क्स चाहिए ना, तुम लोग को अच्छे स्कोर करने हैं ना, तो समरी देखे कोई फायदा नहीं है। डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम लोग अब 12th में हो एंड 12th बोर्ड्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी बन जाते हैं, किसी एक लाइन से भी बन जाएगा। और कीवर्ड्स और की फ्रेजेस तो इंग्लिश चैप्टर में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से पूरा देखो। पोएट्स एंड पैनकेक में जो पैनकेक है ना वो कोई खाने वाला पैनकेक नहीं है, बल्कि पैनकेक एक ब्रांड है जो 1940s के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और जिमनी स्टूडियो में तो पैनकेक ब्रांड के जो मेकअप मटेरियल्स थे ना वो ट्रक लोड्स में आते थे, मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आते थे। मेकअप ब्रांड है, जैसे अभी के टाइम में तुम बहुत ज्यादा पॉन्ड्स, लैक्मे और इस टाइप के ब्रांड सुनते हो ना, पर 1940s के टाइम में जो पैनकेक ब्रांड था ना वो बहुत ज्यादा फेमस मेकअप ब्रांड था। हमारे पोएट कहते हैं कि ग्रीता गार्बो, मिस गोहर और विजयंती माला, इन्होंने इस मेकअप ब्रांड को तो यूज भी किया होगा, लेकिन रति अग्नोत्री जी जो है ना उन्होंने इस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब तक रति अग्नोत्री जी फेमस हुई ना तब तक ये ब्रांड जा चुका था, मतलब खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। और जो मेकअप डिपार्टमेंट था जिमनी स्टूडियो का, वो माना जाता था कि वो रॉबर्ट क्लाइव्स के स्टेबल के ऊपर बना हुआ था, स्टेबल मतलब जहां पे घोड़े रखे जाते। और वैसे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना उनकी दर्जन से भी ज्यादा रेसिडेंस थी उस शहर में, मतलब उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी उस शहर में। रॉबर्ट क्लाइव की लाइफ जो थी ना वो बहुत ज्यादा छोटी थी, और उससे भी छोटे समय के लिए वो मद्रास में रुके थे। हालांकि वो बहुत छोटे समय के लिए मद्रास में रुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद के रख दी थी। रॉबर्ट क्लाइव की इंडिया में मूव करने की आदत थी, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ करते थे, वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं रुकते थे। उन्होंने बहुत सारी इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ी है रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया में, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग जा तक नहीं सकते हैं, वहां पर जाकर उन्होंने इम्पॉसिबल बैटल्स, मतलब जिस बैटल को जीता तक नहीं जा सकता उस बैटल को लड़ी है और जीत हासिल की है। उन्होंने एक मैडन से शादी की है, मतलब कि अनमैरिड वुमेन को ही मैडन कहते हैं, सेंट मैरी चर्च में जो कि फोर्ट संत जॉर्ज मद्रास में। जिमनी स्टूडियो के स्टार्टिंग फेज में उस पूरे स्टूडियो के जो हेड थे ना वो एक बंगाली थे, लेकिन धीरे धीरे वो इतना ज्यादा फेमस हो गए कि वो जो स्टूडियो था ना वो उनके लिए छोटा पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने वो स्टूडियो छोड़ दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हेड बने ना वो एक महाराष्ट्रियन थे, जो कि उस पूरे स्टूडियो को अकेले हैंडल नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बहुत सारे लोग हेल्प करते थे, जैसे कि धरवर कनाडिया आंध्रा थे और अ मद्रास इंडियन और एंग्लो बर्मीज और बहुत सारे लोकल तमिल्स भी थे जो उन्हें असिस्ट किया करते थे। और इतने सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों का एक साथ होना ये दर्शाता है कि जिमनी स्टूडियो में कितना ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था, लॉन्ग बिफोर AIR और दूरदर्शन जैसे चैनल ने ये नेशनल इंटीग्रेशन जैसा प्रोग्राम्स लॉन्च किया। और ये जो गैंग था ना नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का, ये लोग किसी भी डिसेंट लुकिंग इंसान को हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर बना सकते थे, मतलब कि रेड कलर का बड़ा सा खतरनाक दानव बना सकते थे। और लोगों को मॉन्स्टर बनाने में पोषण और लोशन का भी कम हाथ नहीं था। फिर अशोका मित्रन जी कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि उस टाइम ज्यादा आउटडोर शूटिंग नहीं होता था, ज्यादातर शूटिंग इंडोर होता था, एंड इंडोर में उन लाइटिंग्स में अच्छे दिखने ये जो मेकअप थे ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद अशोका मित्रन जी कहते हैं कि उस टाइम पे उस स्टूडियो में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती थी, स्पेशली मेकअप डिपार्टमेंट में। हायरार्की का मतलब तुम समझ सकते हो, डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट पावर दी जाती है, जैसे कि जो चीफ मेकअप मैन थे ना वो मेनली एक्टर और
हर एक्ट्रेस को अगली बनाते थे, मतलब कि मेनली एक्टर और एक्ट्रेस को मेकअप करते थे। उसके बाद आते हैं सीनियर असिस्टेंट जो कि साइड हीरो या फिर हीरोइन को मेकअप करते थे। उसके नीचे आते थे जूनियर असिस्टेंट जो कि मेन कॉमेडियन और थोड़े साइड कैरेक्टर्स को मेकअप करते थे। और उसके नीचे आता है ऑफिस बॉय जो कि क्राउड का मेकअप करता था, मतलब कि ऐसे लोग जिनका मूवी में कोई रोल नहीं होता। फिर अशोका मित्रम जी कहते हैं कि हमारे जिमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था जिसे हम जनरली तब देखते थे जब क्राउड शूटिंग हुआ करता था, और तब हम उसे देख सकते थे एक बड़े से वेसल में पेंट को मिक्स करते हुए। यहाँ पे पेंट का मतलब है मेकअप मटेरियल्स को मिक्स करते हुए। और हम उसे देखते थे स्लैपिंग इट ऑन क्राउड प्लेयर्स, मतलब वो जो मेकअप मटेरियल था ना वो जल्दी जल्दी लोगों में लगा देता था, सच में स्लैप नहीं करता था। होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और क्राउड्स को मेकअप करना इसलिए जरूरी था ताकि शूटिंग के टाइम में उनके फेस में ज्यादा पोर्स ना दिखे। फिर हमें पता चलता है कि वो जो ऑफिस बॉय था ना वो एक्चुअल में कोई बॉय नहीं था बल्कि वो एक 40 साल का इंसान था, और वो जिमनी स्टूडियो में एक बड़ा स्टार बनने के लिए या फिर एक्टर बनने के लिए आया था, नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीन राइटर या फिर डायरेक्टर या फिर लिरिक्स राइटर तो बनना ही चाहता था। हाँ, उसके अंदर थोड़ी बहुत पोएट की खूबियां भी थी, बट एक्चुअल में वो बस एक ऑफिस बॉय ही था। फिर अशोका मित्रम जी कहते हैं कि उस टाइम में वो क्यूबिकल्स में काम करते थे, मतलब कि क्यूब टाइप का छोटा सा ऑफिस हुआ करता था जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज था जिससे लोग उन्हें आसानी से आर पार देख सकते थे काम करते हुए। और ज्यादातर लोग जब मुझे डेस्क पे बैठे हुए देखते थे जब मैं न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स फाड़ता था या फिर आर्टिकल्स की क्लिपिंग्स निकालता था तो लोगों को लगता था कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता हूँ स्टूडियो के लिए। हाँ, और ये कोई अजीब बात नहीं है कि मेरे खुद के बॉस को भी यही लगता होगा, इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि मुझे कोई ढंग का काम दे देना चाहिए इन न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स को फाड़ने के अलावा। इसलिए कुछ लोग मेरे क्यूबिकल में आते थे बिना मेरे परमिशन के और मुझे सुनाकर चले जाते थे। इसलिए एक दिन ऑफिस बॉय आता है मेरे क्यूबिकल में और सोचता है कि क्यों ना आज इसे कुछ ज्ञान देके मतलब इनलाइटेंड करके चला जाऊं कि कैसे लिटरली टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, वो भी सिर्फ बार्बर्स मतलब हेयर ड्रेसर के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि सिस्टम को गलत वे में बदल देते हैं। और जब वो ऑफिस बॉय उनके क्यूबिकल में आके ज्ञान पेलना शुरू करता है तो अशोका मित्रन जी बस यही प्रे कर रहे थे कि जल्दी से क्राउड शूटिंग शुरू हो जाए और ये बंदा यहां से निकल के भागे, क्योंकि उन्हें इस वक्त इस महाकथा से और कोई भी चीज नहीं बचा सकता था। यहां पे एपिक्स का मतलब महाकथा होता है अगर तुम्हें नहीं पता तो। फिर यहां पे अशोका मित्रन जी कहते हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है ना इसका जो जितना भी गुस्सा है वो बस एक ही इंसान के ऊपर डेडिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी एंबैरेसमेंट भरा हुआ है, जो लोग इसे इग्नोर करते हैं और इसके साथ जो भी प्रॉब्लम है ना ये इंसान मतलब जो ऑफिस बॉय है वो मानता है कि इसके पीछे बस एक ही इंसान का हाथ है जिसका नाम है कोथा मंगलम सुबू। और सुबू जो था ना वो नंबर 2 था जिमिनी स्टूडियो का, मतलब कि पूरे जिमिनी स्टूडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान था ना दूसरे नंबर पे वो था कोथा मंगलम सुबू। हालांकि जब सुबू पहली बार जिमिनी स्टूडियो में आए थे तब उनका हाल उस ऑफिस बॉय से भी बहुत ज्यादा खराब था। उन्होंने तो बिगनिंग ऑफ कैरियर में और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स देखा है। जब वो इस स्टूडियो में आए थे उस वक्त तो कोई प्रॉपर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी या फिर स्टूडियो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इवन अगर एजुकेशन के मामले में भी देखें ना तो जो सुबू थे वो उस ऑफिस बॉय से बहुत बहुत ज्यादा पीछे थे, ऑफिस बॉय तो उनसे बहुत ज्यादा एडुकेटेड भी था। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या एडवांटेज मतलब वर्च्यू था जो कि उन्हें उस ऑफिस बॉय से अलग बनाता है? क्या इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण थे, या फिर इसलिए क्योंकि उनका पावरफुल लोगों से दोस्ती था, या फिर इसलिए कि फ्लॉप मूवी देने के बाद भी उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहता था और वो हमेशा चीयरफुल दिखते थे? हे गाइस, यहां से आवाज थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि लास्ट 2 दिन से थोड़ा तबीयत खराब था ना, तो ये वीडियो 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सुबू अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे और उनकी जितनी भी क्रिएटिविटी थी ना वो जिमनी स्टूडियो या फिर कह लो उनके बॉस के एडवांटेज के लिए डेडिकेटेड थी। हमेशा से उनका बिहेवियर इतना अच्छा था इसलिए आज वो इस पोजीशन में पहुंच पाए थे। और ये सब क्वालिटीज से ये पता चलता है कि जो सुबू है ना वो टेलर मेड है फिल्म्स के लिए, मतलब वो स्पेशली बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। हमारे पोएट कहते हैं कि ऐसे तो सुबू अगर खुद से कोई काम करना चाहे ना तो वो ऐसा कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें कमांड दे कि तुम्हें ये काम करना है तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते थे और तरह तरह के आइडियाज और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉल्यूशन दे देते थे। जैसे कि एक प्रोड्यूसर आता है और वो सुबू से कहता है कि मेरे पास एक सीन है लेकिन मुझे पता नहीं उसे इम्प्लीमेंट कैसे करूं। उस सीन में ये होता है कि एक रैट होती है वो एक शेरनी से लड़ती है, वो भी अंडर वाटर, और वो शेरनी को हरा कर मार देती है। लेकिन मारने के बाद जब वो रैट पानी से बाहर निकलता है और देखता है शेरनी के बच्चों को तो उस चूहे को उन शेरनी के बच्चे को देखकर बहुत दया आ जाता है और उनकी केयर करने लगता है। फिर प्रोड्यूसर कहते हैं मुझे पता है कि मुझे ये सीन दिखाना है लेकिन कैसे दिखाना है ये मुझे नहीं पता है। इतना सुनते ही सुबू तुरंत 4 अलग अलग वेज बता देता है कि कैसे वो रैट जो है ना वो दया दिखाएगा उन शेरनी के बच्चों को। तो इस बात पे जो प्रोड्यूसर होता है ना वो कहता है कि गुड, बट मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। तो ये बात सुनते ही सुबू तुरंत और 14 तरह के तरीके बता देता है कि किस तरह से वो इस सीन को दिखा सकते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं
हैं कि जिमिनी स्टूडियो का जो गोल्डन पीरियड था ना, वो तभी था जब सुबू जिमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन और डेफिनेशन दे रहा था। सुबू एक बहुत अच्छे पोएट भी थे और वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप के और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोएम्स भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो बहुत ही सिंपल पोएम ही लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पोएम को समझ पाए और पढ़ पाए। और सुबू फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर थे ना कि उनकी लिटरेचर के बारे में, मतलब उनकी पोएम्स के बारे में, उनके राइटिंग्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। मतलब उनकी फिल्म इंडस्ट्री में अचीवमेंट इतनी बड़ी थी कि उनकी ये बड़ी बड़ी लिटरेरी अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा छोटी लगती थी। ऑथर ये भी बताते कि सुबू जो है ना, उन्होंने एक नोवेल भी लिखी थी जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स को इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया था, इतने सिंपल वे में लिखा था कि इसकी मदद से उस नोवेल को पढ़ पाना और समझ पाना बहुत ज्यादा आसान बन गया था। साथ ही में ऑथर ये भी बताते कि जो सुबू है ना, वो बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन वो कभी भी मेन रोल नहीं लेते थे, वो बस साइड रोल ही परफॉर्म करते थे। लेकिन उनकी साइड रोल को देख के ऐसा लगता है ना कि जो लोग मेन एक्टर है, मेन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनसे भी अच्छा उनकी एक्टिंग है। वैसे एक बात बताना तो भूल ही गया, उन्होंने जो नोवेल लिखा था ना, वो बिल्कुल फोल्क स्टाइल में था और उन्होंने उस नोवेल का जो पूरा वर्डिंग है ना, मतलब जो डिक्शन है ना, वो खुद से करा था। और उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में देवदासियस को रिक्रिएट भी किया था, जो कि बिल्कुल मास्टरपीस लेवल का था। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब 1950s, मतलब इसी के आसपास का टाइम ले लो। नोवेल का नेम है थिलाना मोहनंबल। आई नो मैंने मोस्ट प्रोबेबली गलत प्रोनाउंस करा है, तो तुम लोग इसका स्पेलिंग याद कर लेना। वैसे ज्यादा चांस नहीं आएगा, बट हाँ कुछ भी हो सकता है, तो याद कर लेना। साथ ही में जो सुबू थे ना, वो बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल भी थे, वो बहुत सारे लोगों को फीड भी करते थे और बहुत सारे लोगों को अपने घर में रहने भी देते थे। जो भी उनके घर में आता था ना, वो उन सभी को हेल्प करने की कोशिश करते थे सेल्फलेसली। और वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रोविडेंट मैन थे, मतलब वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। उनके पास जितना प्रेजेंट में पैसा है और एसेट है, उसकी हेल्प से वो दूसरों की मदद करना चाहते थे, चाहे वो उनके रिलेशन में हो, चाहे वो उनके एक्वेंटेंस हो, चाहे वो उनके कोई भी कैसे भी जान पहचान वाले लोग हो। फिर ऑथर कहते हैं कि इस तरह के काइंड हार्टेड पर्सन के भी कई दुश्मन थे, और इनमें से जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, वो था वो ऑफिस बॉय, या फिर कह सकते हैं जो ऑफिस बॉय था ना, वो सुबू के लिए बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता था और उनके बारे में बहुत ही खराब खराब सोचता था। आखिर सुबू के इतने दुश्मन क्यों थे? क्या इसलिए क्योंकि वो जिमनी स्टूडियो के जो बॉस थे ना, उनसे बहुत ही ज्यादा क्लोज या फिर इंटीमेट था, या फिर इसलिए क्योंकि वो बॉस की चाटता था, या फिर इसलिए कि वो दूसरों लोगों के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही करता था? ये चीज तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, और तब तक मैं पार्ट टू की तैयारी। तो पिछले पार्ट में हमें यहाँ तक पता चला था ना कि जो ऑफिस बॉय था, वो सुबू का बहुत बड़ा दुश्मन था, उनके बारे में खराब खराब बातें सोचता था और खराब खराब बातें फैलाता भी था। अब इसके आगे पढ़ते। नो डाउट जो सुबू थे ना, वो जिमनी स्टूडियो के बॉस के साथ रहते थे, लेकिन अंडर अटेंडेंस रोल, मतलब जो उनका एक्चुअल काम था ना, वो था स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर। और स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर एक लॉयर और बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स भी इंक्लूडेड थे। देखो, एक लॉयर का काम होता है एक लीगल एडवाइजर बन के रहना, लेकिन जिमनी स्टूडियो के लोग जो लॉयर थे ना, उन्हें कुछ और ही मानते थे। मतलब वो जो लॉयर था ना, वो जिमनी स्टूडियो के लिए बिल्कुल उल्टा काम करता था। जैसे कि एक बार क्या हुआ था ना, कि एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस जो थी ना, वो सेट पे चिल्लाने लगी थी सबके ऊपर। ऐसे नॉर्मली तो वो बहुत ज्यादा काम रहती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन उन्हें क्या हो गया था, वो एक छोटी शहर से आई हुई बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी, इसलिए उन्हें शायद इतने फेम झेलने का आदत नहीं था। और टैलेंटेड एक्ट्रेस को सभी लोग उस टाइम पे सेट पर देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए थे। लेकिन वो जो लॉयर होता है ना, वो चुपके से जाके रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, और उसके बाद जैसे ही वो एक्ट्रेस शांत हुई, वो लॉयर जाता है उस एक्ट्रेस के पास और कहता है कि प्लीज एक मिनट देकर आप क्या ये रिकॉर्डिंग देख सकते हो? और उसके बाद जब उन एक्ट्रेस ने खुद को उस स्क्रीन पर देखा, अपनी बिहेवियर और अपनी आवाज को देखा, तो वो खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, और वो उस शॉक से बाहर भी नहीं आ पाई, जिसके कारण उनका जो एक्टिंग कैरियर था ना, मतलब उस एक्ट्रेस का जो एक्टिंग कैरियर था, उनका उसी पॉइंट पे फुल स्टॉप लग गया। और ऐसे ही तुम देख सकते हो, वो जो लीगल एडवाइजर था, जिसका मेन काम तो स्टोरी डिपार्टमेंट में था, लेकिन उनके कारण एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का कैरियर खत्म हो गया। ऐसे तो उस डिपार्टमेंट में सभी खादी धोती एंड क्लम्सली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट पहनते थे, लेकिन जो वो लीगल एडवाइजर था ना, वो शर्ट पैंट टाई और कभी कभी तो वो कोट पहनकर भी आ जाया करता था। और साथ ही में वो जो लॉयर थे ना, वो उस डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस और काफी अलग तरह के स्वभाव के इंसान थे। अब मैं यहाँ पे ऐसा कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो जो लॉयर थे ना, वो थे अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। मतलब उस
स्टोरी डिपार्टमेंट में ज्यादातर जो लोग थे ना वो क्या थे, वो पोएट्स थे या फिर राइटर्स थे। तो जो पोएट्स और राइटर्स होते हैं ना वो तो ड्रीम करते रहते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन को अपने बुक में अपने राइटिंग्स में लिखते हैं। और वहीं पे अपोजिट एक लॉयर क्या करता है, वो बस फैक्ट्स लोगों को बताता है, वो बस लोगों को वही चीज बताता है जो एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वो लॉज के बारे में बताता है और बस ट्रुथ स्पीक करता है, मतलब बस सच्चाई बताता है। और वहीं पे जो पोएट्स होते हैं वो बस इमेजिनेशन की दुनिया में खोए रहते हैं। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वो जो पोएट्स थे राइटर्स थे उनका ग्रुप कितना अलग था और वो लॉयर कितना अलग था, बट फिर भी जो लॉयर था ना वो स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर ही आता था। इसलिए ऑथर कहते हैं कि वो लॉयर बिल्कुल ऐसा लगता था ना कि गांधीट्स और खादीट्स के बीच में एक नॉर्मल सा इंसान, एक न्यूट्रल सा इंसान आके खड़ा है। एक बार उस लॉयर को भी फिल्म प्रोड्यूस करने का चांस मिला था, लेकिन वो फिल्म जो थी ना वो एकदम फ्लॉप हो गई। कुछ टाइम बाद स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाता है, और शायद ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होता है कि एक लॉयर की जॉब चली जाती है जब कुछ पोएट्स और राइटर्स को घर जाने को, मतलब एक तरह से कहो जब पोएट्स और राइटर की जॉब खोती है तब एक लॉयर की भी जॉब खो जाती है। और ऐसा पूरे हिस्ट्री में शायद पहली बार ही हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब कोई स्टोरी डिपार्टमेंट जैसा कोई डिपार्टमेंट अगर बंद होता है तो बस पोएट्स और राइटर्स की ही तो जॉब जाती है ना, लॉयर का ये सबसे क्या कनेक्शन होता है। लेकिन ऐसा हुआ था। फिर हमारे ऑथर बता रहे कि जो जिमिनी स्टूडियो है ना वो बहुत ही फेवरेट प्लेस थी राइटर्स और पोएट्स के लिए, क्योंकि वहां का जो मिस था ना वो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस था और वहां की कॉफी तो बहुत ज्यादा लाजवाब मिलती थी। और इसलिए तो उस टाइम के बहुत ही ज्यादा फेमस और नए नए पोएट्स भी आया करते थे जिमिनी स्टूडियो में, जैसे कि SDS योगेर, संगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। सॉरी यार मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है साउथ के नेम्स बोलने में, होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बाकी तुम नेम्स तो बुक में देख ही सकते हो। फिर हमारे ऑथर बताते हैं कि सिर्फ ऑफिस बॉय को छोड़कर और उस जिमिनी स्टूडियो में कुछ क्लर्क को छोड़कर जितने भी लोग थे ना वो सब लेजर में रहते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, बहुत ही ओपन माइंड के लोग थे। और जिमिनी स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा था उस टाइम के हिसाब से। और वैसे भी पोएट्री और राइटिंग्स लिखने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर ऑथर बताते हैं कि अधिकतर लोग जो जिमिनी स्टूडियो में काम करते थे ना वो खादी पहनते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे, मतलब गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे। और साथ ही में वो लोग कम्युनिज्म को डिसलाइक भी करते थे। जिमिनी स्टूडियो को मैक्सिमम लोग ये मानते थे ना कि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मोरल नहीं होता, वो ना ही अपने माँ के होते हैं ना ही अपने प्यार के होते हैं, वो बस वायलेंस और अनरेस्ट को फैलाते हैं इनोसेंट लोगों के बीच में। उन्हें किसी से प्यार नहीं होता, चाहे वो उनके खुद के पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बीवी हो, कोई भी हो। और ये सब थॉट्स उस टाइम पे पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए थे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो फ्रैंक बचपन के मॉरल रीआर्मेंट आर्मी थी ना वो मद्रास में 1952 में आई थी, और उनमें कुछ 200 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स भी प्रेजेंट थे। कुछ लोगों का तो मानना था कि वो एक इंटरनेशनल सर्कस लोगों का ग्रुप है, बट दे वर नॉट एट ऑल गुड ऑन द ट्रैपेज। अब तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि ट्रैपेज क्या होता है, तुम लोग सर्कस गए हो तो तुमने देखा होगा कि लोग झूलते रहते हैं, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे ट्रैपेज कहते हैं। तो ना तो वो लोग ट्रैपेज में अच्छे थे और ना ही वो लोग एनिमल्स के साथ अच्छे थे। उनकी दोस्ती एनिमल्स के साथ बस डिनर टेबल में ही होती थी। यू ऑल गॉट इट राइट। मतलब उन लोगों की दोस्ती कुछ एनिमल्स के साथ खास नहीं थी, वो लोग मेनली एनिमल्स को बस खाने में विश्वास रखते थे। तो लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो ग्रुप एक इंटरनेशनल सर्कस मैन लोगों का है। बट फिर भी जो जिमिनी स्टूडियो के लोग थे ना उन्होंने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया था इंडिया में। और उनका जो दो मेन प्लेस था ना जिसका नाम था जोथम वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर, उन्होंने इस प्ले को मद्रास के सेवरल प्लेसेस में जाके परफॉर्म किया था। जिमिनी स्टूडियो था ना ये कुछ 600 लोगों की फैमिली थी, मतलब इसमें 600 लोग काम करते थे और उन सब ने इन प्लेस को बार बार देखा है। और ये प्लेस कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल था, लाइक सिंपल होमलीज। लेकिन इनके जो सेट्स होते थे, जो कॉस्ट्यूम होते थे ना वो एकदम फर्स्ट ग्रेड के होते थे, मतलब फर्स्ट क्लास के होते थे। जो मद्रास और तमिल ड्रामा के जो कम्युनिटीज थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे इनके प्लेस को देखकर। और अगले काफी सालों तक इनके प्लेस के कुछ पार्ट को हमेशा से कॉपी किया गया है तमिल और मद्रास इंडस्ट्री में। जैसे कि एक सीन था जोथम वैली का जिसमें एक बेयर स्टेज में, मतलब एक खाली स्टेज में व्हाइट बैकग्राउंड कर्टेन की मदद से और फ्लूट की मदद से, मतलब बजाने वाला जो होता है ना उसकी मदद से सनराइज और सनसेट को दिखाया जाता था और वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। और ये सब होने के काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद हमारे जो ऑथर है ना उन्हें ये पता चलता है कि ये जो MRA के लोग हैं, मतलब मॉरल रीआर्मेंट
डिफरेंट आर्मीज, ये लोग एक्चुअली में एक काउंटर मूवमेंट चला रहे हैं अगेंस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिज्म के खिलाफ। और हो सकता है इसलिए जो जिमनी स्टूडियो के जब बॉस थे ना, मतलब जो मिस्टर वासन थे ना, उन्होंने इनके साथ हाथ मिलाया होगा या फिर कह सकते हो इनका साथ दिया होगा, और इसलिए जिमनी स्टूडियो के लोगों ने भी इनका अच्छे से वेलकम किया और इन्हें इतना सपोर्ट दिखाया, मतलब कि वही MRA को, मतलब मॉरल रीआर्मेंट आर्मी। फिर ऑथर कहते हैं कि कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीनों बाद, वापस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला था जिमनी स्टूडियो में, और बहुत सारी अफवाह भी उड़ने लगी, जैसे कि कुछ लोग मान रहे थे कि हो सकता है कि वो कोई बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट होगा, और दूसरी तरफ कुछ लोग तो ये मान रहे थे कि वो बहुत बड़ा राइटर भी हो सकता है। और क्योंकि मिस्टर वासन भी एक बहुत ही बड़े तमिल मैगजीन के एडिटर हैं, या फिर कह सकते हो तमिल मैगजीन के एडिटर है, हो सकता है उस वक्त एक ही मैगजीन हुआ करता होगा, तो इसलिए मिस्टर वासन भी दूसरे एडिटर का बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, ऐसा लोगों को लग रहा था। उसके बाद वो गेस्ट जिमनी स्टूडियो में आता है, वो बिल्कुल एक टॉल इंग्लिश मैन था, और वो इंसान बहुत ही ज्यादा सीरियस भी लग रहा था। और उसके बाद मिस्टर वासन भी एक बहुत ही लंबी स्पीच देते हैं उस इंसान के ऊपर, लेकिन उनकी स्पीच को सुनकर भी ऐसा लग रहा था ना कि मिस्टर वासन भी उनके बारे में पर्सनली कुछ खास नहीं जानते हैं, और वो इंसान एक्चुअली में एक पोएट था। हाँ, बट वो अपने स्पीच में फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं, और उसके बाद वो पोएट भी स्पीच देते हैं, बट उनका एसेंट ऐसा था ना कि वहां बैठे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उनके स्पीच के बाद वहां पर जितने भी लोग उनके स्पीच सुन रहे थे ना, वो जितने भी लोग थे वो सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो पोएट थे ना, वो खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज और अमेज दिख रहे थे ऐसे ऑडियंस का रिएक्शन देखकर। फिर ऑथर इस बारे में सोचते हैं कि आखिर एक इंग्लिश पोएट आकर तमिल इंडस्ट्री में, तमिल पोएट्री इंडस्ट्री में आकर लोगों को क्या समझाना चाहता था, क्या सिखाना चाहता था। जो ऑथर थे ना, वो ये समझना चाहते थे कि आखिर वो इंसान उस जगह पे किस पर्पस के लिए आया था, जो उन्हें अभी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन इस मिस्ट्री को कभी ना कभी तो सॉल्व होना ही था। और इसके बाद हमें ऑथर बताते हैं कि जो पोएम राइटिंग होता है, चाहे स्टोरी राइटिंग होता है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, और साथ ही में इस चीज को वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस हो। जो जीनियस लोग होते होंगे या फिर जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता होगा, वो लोग कभी भी स्टोरी राइटिंग नहीं करते होंगे, क्योंकि खासकर जो स्टोरी राइटिंग होता है, खासकर जो नॉवेल्स होता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होती है। तो एक नॉर्मल या फिर कोई ऐसा इंसान, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है और जिसे क्विक आउटकम चाहिए, वो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, और साथ ही में कंसिस्टेंट रहकर ये काम कर पाना सभी के लिए इजी नहीं होता है। फिर ऑथर बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था, एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसे ऑर्गेनाइज कराया था द ब्रिटिश पीरियोडिकल, जिसका नाम था द इनकाउंटर, उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज कराया था। और ऑथर ने इसका एड द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर में भी देखा था। तुम्हें नहीं पता तो अभी भी द हिंदू नाम से न्यूज़पेपर आता है, और वो बहुत ज्यादा फेमस न्यूज़पेपर भी है। जो लोग कॉम्पिटिशन का एग्जाम क्रैक करते हैं और उसमें इंग्लिश होता है ना, वो लोग यूजुअली इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और ऐसे नॉर्मली भी जिन लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, वो लोग भी उस तरह के न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। ऑथर सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं, और इससे पहले कि वो अपनी स्टोरी वहां पर भेजें, वो चाहते थे कि वो कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ले द इनकाउंटर, जो कि फेमस मैगजीन है, उसके बारे में। तो इसलिए वो एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं और वो इस मैगजीन के कुछ कॉपीज को देखते हैं, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं जब वो उस मैगजीन के एडिटर का नाम पढ़ते हैं, क्योंकि वो एडिटर कोई और नहीं थे बल्कि वही पोएट थे जो कि उस दिन उस जिमनी स्टूडियो में आए थे, और उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। और इसके बाद जो ऑथर होते हैं वो अपनी स्टोरी को एनवेलप पे डालते हैं और उस एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं जिस एड्रेस पे उस कॉन्टेस्ट के लिए पोस्ट करना होता है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है यार। ऑथर दूसरा इंसिडेंस बता रहे हैं, जब कुछ सालों बाद जब उन्होंने जिमनी स्टूडियो को छोड़ दिया, उस वक्त उनके पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो कभी भी जब कोई चीज डिस्काउंटेड प्राइस में आती थी, उनकी कोई फेवरेट चीज या ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज जो उन्हें पसंद है वो डिस्काउंटेड प्राइस में आती थी, तो वो यूजुअली उसे खरीद लिया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन फुटपाथ पे उन्हें एक लो प्राइस एडिशन दिख रहा होता है बहुत ही फेमस मैगजीन का, तो वो उसे 50 पैसे में खरीद लेते हैं, एंड उस टाइम के हिसाब से 50 पैसे बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। और उस मैगजीन या फिर कह लो उस बुक का टाइटल होता है द गॉड डैट फील्ड, और उसके अंदर 6 अलग अलग राइटर्स ने, या कह लो 6 अलग अलग ऑथर्स ने ये बताया था कि उनकी जर्नी कैसी थी कम्युनिज्म के साथ, और उन सभी ने, मतलब वो सारे राइटर्स ने कम्युनिज्म का कैसे अपोज करा और हमें क्या करना चाहिए अपोज करने के लिए।
ये सब चीज उस मैगजीन के अंदर लिखी हुई थी और इसलिए तो उस बुक का टाइटल भी है द गॉड दैट फेल्ड। यहाँ पे द गॉड से डिनोट किया गया है कम्युनिज्म को और इससे पता चलता है कि उस टाइम पर पहले लोग कम्युनिज्म को गॉड की तरह मानते थे लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि ये बहुत ही खराब चीज है और उनके साथ स्कैम हो रहा है बेसिकली। तो इसलिए उस बुक का या फिर कह लो उस मैगजीन का नाम है द गॉड दैट फेल्ड। और फिर जब ऑथर उन सभी राइटर्स के नाम पढ़ते हैं ना तो वो काफी अमेज्ड हो जाते हैं क्योंकि उन सब में से एक नाम था स्टीफन स्पेंडर का और अब उन्हें पूरी बात समझ में आ जाती है कि आखिर उनके बॉस ने जब वो जेमिनी स्टूडियो में थे तब उन्होंने उस पोएट का उस ऑथर का उस राइटर का स्वागत क्यों किया था, मतलब कि स्टीफन स्पेंडर को क्यों इन्वाइट किया था। तो इसका आंसर है कि मिस्टर रोवासन को कोई घंटा लेना देना नहीं था उनकी पोएट्री से बट क्योंकि स्पेंडर जो थे ना वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे तो इसलिए दुश्मन दुश्मन भाई भाई होता है ना, तो यही चीज उन्होंने भी फॉलो की थी, मतलब मिस्टर रोवासन जी ने, और उन्होंने स्टीफन्स को इनवाइट करा था क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग से हम लोग जान रहे हैं कि जो मिस्टर वासन थे ना वो भी कम्युनिज्म के खिलाफ थे। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे इस चैप्टर का क्या हाथ पैर था, ये था वो था, बट यही है तुम्हारा चैप्टर एंड इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं एंड उस फैक्ट्स को याद रखना इम्पॉर्टेंट है ताकि जब तुम एग्जाम लिखो ना तब तुम्हें कोई दिक्कत ना हो पॉइंट्स लिखने में। और तुमने नोटिस करा होगा इस वीडियो में स्पेशली इस वीडियो में बहुत सारे कट्स हैं क्योंकि मैं लगातार बोलने से लाइक सांस थोड़ा ये हो जा रहा है एंड मेरा गला भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें पता चल ही रहा होगा कुछ। और हाँ बस आज के लिए इतना ही, तुम लोग समझते अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। My name is Annabelle, and welcome to my tea party. Cookie? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और आज का हमारा जो चैप्टर है ना उसका नाम है द इंटरव्यू एंड तुम्हें ये चीज जानकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगना चाहिए कि ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना ये एक एक्सर्ट है बड़े से मोटे से बुक का। एंड अजीब इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स है तुम्हारे बुक में जो की एक्सर्ट रह चुके हैं बड़े से मोटे से बुक का। अरे तुम्हें एक्सर्ट का मतलब नहीं पता, एक बड़ा सा मोटा सा बुक होता है जिसके एक छोटे से पार्ट को कॉपी कर कर तुम्हारा चैप्टर बना दिया जाता है। अब तो समझ में आ गया ना। तो ये जो द इंटरव्यू चैप्टर है ना ये एक बड़े से बुक जिस बुक का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, इसका एक्सर्ट है जिसे एडिट करा था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि जब क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ऑथर है तो यहाँ पे रिटन लिखा हुआ होना चाहिए ना, यहाँ पे एडिटेड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस बुक में ज्यादातर इंटरव्यूज के बारे में बातें की गई है और ऑब्वियसली क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने थोड़ी ना सारा इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बस इंटरव्यूज को एडिट कर बुक के फॉर्म में हमें प्रेजेंट करा है। या फिर अगर ध्यान से सोचो तो इस बुक में हमें बस एक चैप्टर पढ़ना है, तो मतलब वही चीज समझ रहे हो ना तुम लोग बात को। तो हमारे ऑथर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हिस्ट्री के स्टूडेंट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एंड ही वाज आल्सो अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 इयर्स। प्राइवेट आई बेसिकली एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर का नाम है एंड ही हैज आल्सो रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर एक तरह का मैगजीन होता है जिसमें डिफरेंट कल्चर फैशन पॉलिटिक्स वगैरह को दिखाया जाता है और अदर एंटरटेनमेंट चीजें। तो हमारे जो ऑथर है ना उन्होंने मेनली हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज के बारे में लिखा है इन वैनिटी फेयर में, मतलब कि मैगजीन्स में। तो चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले आई नो कि तुम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए होगे ये जानने के लिए कि आखिर द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में था क्या। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज थे ना 1859 से लेके प्रेजेंट डे, मतलब जिस दिन ये बुक पब्लिश हुआ उस दिन तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज थे उसे इसमें लिखा गया। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई तू चैप्टर पढ़ाना, क्यूरियोसिटी का ही तेल लेने का एग्जाम है। आई नो पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर का ही पार्ट था क्योंकि ऑथर के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अगर नहीं पता होगा ना तो एग्जाम में तुम्हारी ले ली जाएगी आंसर सीट तुम्हारे लिखने से पहले। क्या सोचने लगते हो यार। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, ऑथर कहते हैं कि इंटरव्यू के इन्वेंशन को कुछ 130 साल हो चुके हैं और जर्नलिज्म में तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। जर्नलिज्म पता है ना, जर्नलिस्ट तो पता ही होगा, वही यार टीवी एंकर जो महापुरुष लोग न्यूज में आगे आके नहीं बैठे रहते हैं उन्हें ही जर्नलिस्ट कहते हैं। तो उनके बीच जो इंटरव्यूज है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। फिर ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम में, मतलब जिस टाइम पे ये स्टोरी या फिर ये चैप्टर या फिर
ये बुक लिखा जा रहा है उस टाइम पे जो लोग भी लिटरेट है ना, मतलब मेरे जैसे लोग मतलब हमारे जैसे लोग जो लोग भी लिटरेट है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं एक या दो इंटरव्यू तो पढ़ा ही होगा। अब तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑथर यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे कि पढ़ा होगा, हम लोग तो इंटरव्यू देख भी सकते हैं ना। तो जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखा जा रहा है ना, उस टाइम ऐसा कुछ सोशल मीडिया वगैरह इंटरनेट वगैरह था नहीं। उस टाइम पे लोग इंटरव्यूज को रीड किया करते थे, पढ़ा करते थे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड बुक वगैरह में। ऑथर ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में, मतलब मैंने बता दिया जिस टाइम पे ये स्टोरी लिखा जा रहा है, ये चैप्टर लिखा जा रहा है, इस टाइम पे इंटरव्यू लेना बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो चुकी थी। हजारों सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू ली जा चुकी थी और कुछ की तो बार बार ली जाती थी इंटरव्यू। और क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज्यादा इंटरव्यूज ली जाती है, तो इसलिए इसके ऊपर लोगों का ओपिनियन भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं, एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं, तो वही कुछ लोग इसे बहुत बुरा मानते हैं या बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मानते हैं। जैसे कि जो लोग इसे अच्छा मानते हैं ना, वो लोग ये मानते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ ट्रूथ होने के साथ साथ ये एक आर्ट है। मतलब इंटरव्यू लेना और देना एक आर्ट होता है। और जो लोग इसे बुरा मानते हैं, मेनली वो लोग खुद सेलिब्रिटीज होते हैं। जो सेलिब्रिटीज जो खुद इंटरव्यू देते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इंटरव्यू देना या फिर इंटरव्यू में बैठना उनके लाइफ में अनवांटेड इंटरेप्शन की तरह है। मतलब कि इंटरव्यू उनके प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब करती है, और साथ ही साथ ये उनकी इमेज को भी डिमिनिश करता है, क्योंकि अगर उनसे कुछ गलत उनके मुंह से निकल जाता है, एंड हम सबको पता है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो ऐसे सवाल पूछता है जिससे उनको कुछ तड़का मिले, एंड इस तड़के की वजह से वो जो सेलिब्रिटी है ना, उसका लाइफ थोड़ा खराब हो जाता है या उन्हें हेट मिलने लगता है। जैसे कि तुम्हें पता है, पुराने जमाने में ये माना जाता था ना कि अगर कोई इंसान आके तुम्हारा पोर्ट्रेट, मतलब कि तुम्हारा कोई तस्वीर बना लेता है, फोटो बना लेता है, तो इसका मतलब वो इंसान तुम्हारा सोल, मतलब कि तुम्हारा आत्मा चुरा के भाग जाता है। तो ऐसे ही जो लोग इंटरव्यू को गलत ठहराते हैं या फिर बुरा मानते हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज होते हैं मेनली, उन लोग को भी ऐसा लगता है ना कि ये जो इंटरव्यू है वो उनकी आइडेंटिटी को स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है, और इन अदर वे तुम कह सकते हो आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर खराब कर रहा है। इसके बाद ऑथर हमें कुछ लोगों के थॉट्स बताते हैं इंटरव्यू के ऊपर। एक इंसान थे जिनका नाम था वीएस नायपुल। वो ऐसा मानते थे ना कि इंटरव्यू देने से कुछ लोग वुंडेड हो जाते हैं, मतलब कि कुछ लोगों की आइडेंटिटी को चोट पहुंचती है, एंड इंटरव्यू देने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी का एक पार्ट खो भी देते हैं। तो अगर मैं तुम लोग को जनरल टर्म्स में बताऊं, तो देखो ऐसा मान लो कि अगर कोई इंसान इंटरव्यू दे रहा है, तो वो अपने बारे में अगर कुछ चीज बताता है, कुछ पर्सनल चीजें बताता है, तो वो तो अब सब पब्लिक को पता चल गया ना, वो तो अब पर्सनल रहा नहीं, वो तो अब प्राइवेट रहा नहीं। तो उस इंसान ने अपने आइडेंटिटी का वो पार्ट तो पूरा पब्लिक कर दिया, मतलब अपने से खो दिया। तो यही चीज वीएस नायपुल अपने वर्ड्स में कहना चाहते थे। ऐसे ही जो लुईस कैरोल थे, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा है, माना जाता था कि उन्हें हॉरर ऑफ इंटरव्यू था, एंड वो कभी भी किसी को भी अपना इंटरव्यू लेने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो इंटरव्यू देंगे तो वो काफी ज्यादा लायनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब कि उन्हें बहुत ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिलने लगेगा, लोग उनसे आके ऑटोग्राफ लेने लगेंगे, ज्यादा बातें करने लगेंगे। तो इसलिए वो अपने आप को इंटरव्यूअर से दूर रखते थे, इवन जान पहचान के लोगों से भी अपने आप को दूर रखते थे, एंड वो अपने आप को ऐसे लोगों से भी दूर रखते थे ना जो उनसे इंटरव्यू लेने आते थे, मतलब अपने फैन से ही अपने आप को दूर रखते थे। आई जस्ट वांट टू से, अगर वो इंट्रोवर्ट थे तो इसमें इंटरव्यू की क्या गलती है यार। ओके चलो पॉइंट पे आते हैं। और उसके बाद जब वो इन सब लोगों से दूर चले जाते थे, और उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन और अम्यूजमेंट के साथ, मतलब काफी खुशी से, काफी सेटिस्फाइड से, काफी हैप्पी होकर वो अपने बहुत ज्यादा क्लोज वंस को ये स्टोरीज बताते थे ऑफिस सक्सेस इन साइलेंस, कि वो कैसे इंटरव्यूअर से और कैसे अपने एक्वेंटेंस से, मतलब जो उनके जान पहचान के लोग हैं, या फिर अपने फैंस से कैसे दूर रहते थे, ये सब चीजों के बारे में वो बताते थे अपने बहुत ज्यादा क्लोज्ड वंस को। उसके बाद ऑथर हमें रुडियार्ड किपलिंग के व्यूज बताते हैं, जो कि खुद ऑथर है जंगल बुक के। तो जो रुडियार्ड किपलिंग थे ना, वो तो और भी ज्यादा बुरा मानते थे इंटरव्यूज को, और इंटरव्यूअर से तो और भी बहुत ज्यादा दूर रहते थे। और उनकी जो वाइफ है कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि 14 अक्टूबर 1892 में उनका पूरा दिन खराब हो गया था इंटरव्यू के वजह से, एक्चुअली में दो इंटरव्यूअर के कारण जो कि बोस्टन से उनके पास आए थे। साथ ही में वो बताती है कि उनके जो हस्बैंड है ना, वो एक इंटरव्यूअर से रीजन शेयर करते हैं कि वो क्यों इंटरव्यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूज को इमोरल मानते हैं, गलत चीज मानते हैं। वो मानते हैं कि इंटरव्यू लेना एक बहुत बड़ा क्राइम है, और जो लोग भी इंटरव्यू लेते हैं ना, उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू लेना बहुत ज्यादा डरपोकों का काम है और बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग काम है। कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल मैन कभी भी इंटरव्यू ना देगा ना ही लेगा। वो मानते थे कि इंटरव्यू देना या फिर लेना एक असॉल्ट के बराबर है। मतलब तुम
समझ रहे हो ना, वो इसे बहुत बड़ा क्राइम मानते थे। उसके बाद जो ऑथर होते हैं ना, वो सार्केस्टिक वे से मजा लेते लेते कहते हैं कि येट किपलिंग जो थे ना, उन्होंने खुद भी कुछ टाइम पहले मार्क ट्विन का इंटरव्यू लिया था, वो भी कुछ साल पहले ही। इसके बाद ऑथर हमें एचजी वेल्स के व्यू पॉइंट हमें सामने रखते हैं इंटरव्यू को लेकर। तो एक बार एचजी वेल्स ने इंटरव्यू को ऑडियल, मतलब बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस से रिफर करा था। फिर ऑथर कहते हैं बट फिर भी ये कई बार इंटरव्यू देते थे। फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि इसके 40 साल बाद उन्होंने खुद भी एक फेमस इंसान जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन, उनका इंटरव्यू लिया था। जोसेफ स्टालिन, अच्छे से नाम को याद रखना क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नाम है। एंड बहुत ही ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो नेम्स है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। उसके बाद ऑथर हमें सॉल बिलो के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कई बार अलग अलग ओकेजंस पे इंटरव्यू दिया था, पर एक बार वो कहते हैं कि इंटरव्यू बिल्कुल द थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप जैसे हैं। मतलब कि जिस तरह से अगर कोई हमारे विंडपाइप को दबाए, मतलब कोई हमारे गले को दबाए, तो जिस तरह का घुटन हम लोग को महसूस होता है ना, बिल्कुल वही सेम टू सेम घुटन उस इंसान को महसूस होता है जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है। स्पेशली वो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तब उन्हें इस टाइप का घुटन फील होता है। फिर ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग भले ही इसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कहे, बट इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है कम्युनिकेशन का। जैसे कि डेनिस ब्राइन कहते हैं कि इंटरव्यू से ही हमें अपने कंटेम्प्रेरीज का, मतलब जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में पता चलता है, क्योंकि इंटरव्यू के थ्रू ही हम उन्हें समझ पाते हैं। या फिर कह सकते हो इंटरव्यू के टाइम में ही हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में कैसे है। इंटरव्यू के टाइम में ही हमें एक इंसान के बारे में वैसी चीजें पता लग, जिन चीजों को हम कभी भी सामने से जाकर नहीं पूछ सकते हैं, या फिर जिन चीजों के बारे में हमें नॉर्मली कभी पता नहीं लग सकता है। और क्योंकि एक इंटरव्यू में जब एक इंसान दूसरे इंसान से क्वेश्चन पूछता है, और उस वक्त उन्हें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, या फिर उस वक्त वो सारी चीज लिखी जा रही होती है, रिकॉर्ड की जा रही होती है, तो उस टाइम पे इंटरव्यूअर के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है और सामने वाले को आंसर देना ही पड़ता है। मतलब कि उस वक्त इंटरव्यूअर के पास बहुत बहुत ज्यादा पावर होती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि उस वक्त वो जो इंटरव्यूअर है उसके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर और इन्फ्लुएंस होती है। मतलब वही ऐसा पावर जिसे कभी देखा या सुना ना गया हो। मतलब मजाक कर रहा। एंड दिस इज हाउ हमारा पार्ट वन एंड होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं बताया था क्या, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। मैंने आज तुम लोग को पार्ट वन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और अगले वीडियो में मैं तुम लोग को पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और पता, आज की वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बगल में पार्टी हो रही है। सात समुंदर पार चली मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है इस चैनल से पढ़ने के कारण, बट देखो तुम लोग के पास ऑप्शन भी नहीं है, और कहाँ जाओगे तुम लोग पढ़ने। मजाक कर रहा था। और भी बहुत सारे चैनल है, आई नो। पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के विचार प्रकट किए थे इंटरव्यू के ऊपर, पर इस वीडियो में हम पूरे के पूरे एक इंटरव्यू को ही पढ़ने वाले हैं। यह इंटरव्यू अम्बर्टो एको का है, अम्बर्टो एको नाम याद रखना। और जो इंटरव्यूअर है, मतलब जो कि क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। अरे मैंने खुद तीन चार बार पढ़ा तब मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। एग्जाम में बस मुकुंद भी लिख दोगे तो तब भी काम चल जाएगा, ऐसा पूरा नाम लिखना जरूरी भी नहीं होता। और ये जो इंटरव्यूअर थे ना, ये द हिंदू से थे। द हिंदू एक न्यूज़पेपर कंपनी है जो कि अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, अभी भी तुम खरीद सकते हो। अम्बर्टो एको जो है ना, वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया के, जो कि इटली में प्रेजेंट है। बस इतना ही नहीं, वो स्कॉलर भी है फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, और साथ ही साथ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मीडिएवल एस्थेटिक्स के भी। देखो, अगर कोई इंसान किसी एक चीज के अंदर स्कॉलर है ना, तो इसका मतलब उसे उस चीज के अंदर ज्ञान है, मतलब बहुत ज्ञान है। और वहीं अम्बर्टो एको तो तीन तीन चीजों के स्कॉलर है, और साथ ही में उन्होंने बहुत सारी फ्रिक्शन स्टोरीज भी लिखी है। फ्रिक्शन का मतलब काल्पनिक होता है, वरना फिर बोलोगे लास्ट में कि वर्ड मीनिंग तो बताते ही नहीं हो। और देखो, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ना कि जो ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि बहुत पुराने जमाने का कोई टेक्स्ट मिला तो उन सारे टेक्स्ट को देखकर उसके मीनिंग निकालना, इसको कहते हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। और मीडिएवल एस्थेटिक का मतलब होता है पुराने आर्ट को समझ के उसका मीनिंग निकालना। पुराने जमाने में लोग ऐसे रॉक के ऊपर बहुत सारे ड्रॉइंग्स नहीं बना देते थे, तो लोग उसको समझ नहीं पाते थे कि क्या बनाने का कोशिश किया गया है, क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, तो वो सब चीज में ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। और फिर जब वो ये सब चीज में मास्टर हो गए, तो सोचे कि चलो अब स्टोरी भी लिख लेते हैं। और अगर तुम्हें गलत फहमी हो रहा है कि उन्होंने बस एक या दो ही तो स्टोरीज लिखी होगी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारी लिटरेरी फिक्शन, अकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक और भी बहुत सारी चीजें लिख के रखी थी। और ऐसा नहीं कि बस 50 पेज में बुक लिखा और निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग्स लिखी थी, मतलब कि बहुत मोटी मोटी बुक्स
की थी और वो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज में अवेलेबल भी था। और फिर रिसेंट में मतलब कि 1980s के टाइम में उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। उसने 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सोल्ड की थी, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे फ्रिक्शन राइटर भी थे। ये तो बहुत सारी बातें हो गई, चलो अब डायरेक्ट इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो इंटरव्यूअर है जिनका नाम मुकुंद है, वो पूछते हैं कि एक बार डेविड लॉज जो कि बहुत बड़े इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अम्बर्टो एको एक साथ इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। मतलब इतने सारी चीजों का स्कॉलर होना, साथ ही साथ फ्रिक्शंस बुक लिखना, वो भी बल्क अमाउंट में, जिसपे अम्बर्टो एको कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ लेकिन एक्चुअली मैं घूम फिर के बस एक ही काम कर रहा होता हूँ। जिसपे मुकुंद पूछते हैं विच इज, मतलब कौन सा काम, जिसपे अम्बर्टो एको कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है समझाना, जैसे मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है जो मैं परस्यू करता हूँ एंड मैं उसी को अपने एकेडमिक वर्क्स और नोवेल्स में दिखाता हूँ, और साथ ही में मैं जब चिल्ड्रन बुक्स लिख रहा होता हूँ ना तो उसमें भी मैं नॉन वायलेंस और पीस की ही बातें कर रहा होता हूँ। घूम फिर के मैं अपने फिलोसफीज को ही अलग अलग वे में प्रेजेंट करता हूँ और अलग अलग बुक्स लिखता हूँ, या फिर कह सकते हो मैं हर जगह अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट को ही फॉलो करता हूँ। उसके बाद एको ये भी कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं इतने सारे काम कर पाता हूँ। और फिर वो कहते हैं अगर तुम पूरे यूनिवर्स से सारे एम्प्टी स्पेसेस खाली कर दो और एटम से भी तुम सारे एम्प्टी स्पेसेस खाली कर दो तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ना ये तुम्हारे फिस्ट जितना बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही सिमिलरली हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसे मैं यूज करता हूँ और जिसका नाम मैंने दिया है इंटरस्टिक्स। जैसे वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे घर आ रहे होगे और मेरा घर अपार्टमेंट के थर्ड फ्लोर में होगा तो जब तक तुम ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पहुंचोगे तब तक मैंने एक नोवेल लिख लिया होगा। और ऐसे ही मैं अपने लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता हूँ। के बाद मुकुंद उनसे पूछते हैं कि नॉर्मली जो रिसर्च वर्क्स होते हैं, जो नोवेल्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते हैं, बट आपके जो नॉन फिक्शनल वर्क होते हैं उसमें एक पर्सनल टच दिखता है, वो काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, या फिर कह सकते हो वो काफी प्लेफुल लगते हैं, तो आपकी ये जो अप्रोच है इसे आपने कॉन्शियसली अपने वर्क में लाया या फिर आप नेचुरली ही ऐसे प्लेफुल तरीके से बचपन से लिखते आ रहे हैं, मतलब क्या ये आपका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। जिसपे एको कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपने वर्क को अपने प्रोफेसर के सामने प्रेजेंट करा था तो उनके प्रोफेसर ने कहा था कि जो नॉर्मली रिसर्चर होते हैं ना वो पहले कुछ एज्यूम करते हैं फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल रिसर्चर होते हैं वो पहले कुछ एजम्पशन लेते हैं फिर उस पे रिसर्च करते हैं फिर उस पे कंक्लूजन पे आते हैं फिर उसे कुछ ठीक करते हैं और आखिरी में जो कंक्लूजन आता है उसे अपने रिसर्च वर्क में लिखते हैं। लेकिन जो एको थे ना वो अपने पूरे वर्क को स्टोरी के फॉर्म में लिखते थे, अपने ट्रायल्स और एरर्स सब चीज को इंक्लूड करके एक पूरे स्टोरी के फॉर्म में, इसलिए उनके जो रिसर्च वर्क्स थे ना उनके प्रोफेसर को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगते थे एंड उन्होंने उनका एक बुक पब्लिश भी कराया था। और एको के जो प्रोफेसर थे ना वो एको को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते थे, इसलिए एको को 22 के एज में समझ में आ गया था कि वो जिस वे में जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उसी वे में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें समझ में आ गया था कि जितने भी स्कॉलरी बुक होते हैं या जितने भी रिसर्च वर्क्स होते हैं उन्हें ऐसी स्टोरी के फॉर्म में लिखना चाहिए और उसमें ऐसा ही एक नैरेटिव एस्पेक्ट भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने सारे नॉन फिक्शनल वर्क्स को ऐसे ही लिखता हूँ। और मैंने जो नॉवेल्स है ना वो लिखना बहुत ज्यादा लेट में स्टार्ट करा था। उसके बाद वो अपने एक दोस्त का एग्जांपल लेते हैं जिनका नाम था रोलैंड बार्थेस, काफी अजीब नाम है यार, बार्थेस कोई बात। और जो रोलैंड थे ना वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। इको ने बताया कि जो रोलैंड थे ना वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो एक एसेइस्ट थे, मतलब वो ऐसे लिखते थे बड़े बड़े, बट वो कभी भी नोवेलिस्ट नहीं बन पाए। उन्हें क्रिएटिव राइटिंग का बहुत ज्यादा शौक था, उन्हें भी नोवेल्स लिखने का बहुत मन करता था, लेकिन वो मर गए इससे पहले कि वो कोई क्रिएटिव राइटिंग कर पाते। फिर एको ये भी कहते हैं कि उन्हें इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कभी भी फील नहीं हुआ और उन्होंने नोवेल्स लिखना तो गलती से स्टार्ट कर दिया था, उनका कोई मोटिव नहीं था कि उन्हें नोवेल्स लिखना है, जिसकी वजह से उनका जो नैरेटिव टेस्ट था, जो स्टोरी लिखने का उनका मजा था ना, वो अचानक से स्टार्ट हो गया, या फिर कह सकते हो उनका स्टोरी लिखने वाला वे अचानक से सेटिस्फाई हो गया। मतलब खुद देखो ना, पहले तो वो बिल्कुल रिसर्च वर्क्स लिखते थे, उन्हें नॉन फ्रिक्शनल के अलावा फ्रिक्शनल चीजें भी लिखनी थी और अचानक से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद वो नोवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिए और इसी कारण उनके अंदर जो कीड़ा था फ्रिक्शनल चीजों को लिखने का वो बाहर आ गया। जिसके बाद मुकुंद पूछते हैं कि आपने जो रिसेंटली बुक लॉन्च करा है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, इसके बाद आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है आपने सिर्फ 5 ही नोवेल्स लिखा है और आपके जो नॉन फ्रिक्शनल वर्क्स है, मतलब आपके जो रिसर्च वर्क्स है, वो 20 से भी ज्यादा है। जिसपे एको कहते हैं 20 नहीं 40 से भी ज्यादा। जिसपे मुकुंद कहते हैं ओवर 40, बताइए आपने 40 से भी ज्यादा रिसर्च बुक्स लिख रखा है। लेकिन जब आप नॉर्मल लोगों से पूछेंगे कि अम्बर्टो एको कौन है तो वो आपको नॉवलिस्ट के नाम से ही जानेंगे, तो क्या ये चीज आपको परेशान नहीं करती है एको?
जिसपे एको कहते हैं कि हाँ लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान तो करती है क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही मानता हूँ जो कि नॉवेल्स तो अपने फ्री टाइम में या संडे को ही लिखता है और लोग उन्हें उनके हॉबी की वजह से जानते हैं, उनके एक्चुअल वर्क की वजह से नहीं जानते हैं। और साथ ही मैं कभी पेन क्लब्स या फिर राइटर की जो मीटिंग्स होती है ना उन्हें कभी भी अटेंड नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक प्रोफेसर हूँ इसलिए मैं बस एकेडमिक मीटिंग्स और एकेडमिक कम्युनिटी की जो मीटिंग्स होती है उसी में जाता हूँ और उन्हें ही अटेंड करता हूँ। पर फिर एको कहते हैं हाँ ठीक है, इसमें बहुत बड़ी भी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि नॉर्मल लोग जाके मेरे रिसर्च वर्क्स को पढ़ेंगे, वो सभी नॉवेल्स ही पढ़ेंगे। और इसलिए ये चीज मुझे परेशान तो करती है कि लोग मुझे नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं मेरे एक्चुअल वर्क की वजह से नहीं, लेकिन ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसके बाद मुकुंद पूछते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट बुक है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस नॉवेल है। जिस बुक की स्टोरी स्टार्ट तो होती है एक डिटेक्टिव के स्टोरी के साथ, बट फिर आगे चलकर आप मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री की भी बातें करने लगते हैं, बट फिर भी आपका ये लेटेस्ट बुक लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है और मास ऑडियंस इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। तो क्या आप इस बुक के सक्सेस को लेके पजल्ड है या फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड है? जिसपे एको कहते हैं मैं इसके सक्सेस को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं हूं, बट हाँ जो जर्नलिस्ट है, जो पब्लिशर्स है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उन्हें लगता है कि लोगों को डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं है। फिर एको ये भी कहते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं और अगर आप देखते हो तो मेरे बुक को बस 10 या 15 मिलियन लोगों ने ही खरीदा है, जो कि पूरे वर्ल्ड का कुछ बहुत ही छोटा सा पार्ट ऑफ पीपल को कवर करती है, मतलब कि स्मॉल परसेंट ऑफ रीडर्स को ही कवर करती है पूरे वर्ल्ड में। और एक तरह से ये छोटा सा परसेंटेज उन्हीं लोगों का है जिन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद है या फिर जो लोग कभी कभी डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। फिर एको कहते हैं कि मैं खुद भी रात के 9 बजे के बाद मियामी वाइस या फिर इमरजेंसी रूम जैसे टीवी शोज ही देखना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, लेकिन मैं उसे पूरे दिन तो नहीं देख सकता ना। वैसे ही कुछ अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है या फिर कुछ अमाउंट ऑफ रीडर्स होते हैं जिन्हें कभी कभी ओकेजनली ऐसे बुक्स पढ़ना पसंद होते हैं जिससे उन्हें डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस मिले। जिसके बाद मुकुंद अपना आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आपके बुक में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बातें की गई है इसलिए आपकी बुक इतनी ज्यादा फेमस हुई है? जिसपे एको कहते हैं कि मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ हो सकता है। जिसके बाद एको एक इंसिडेंस बताते हैं जिसमें एक अमेरिकन पब्लिशर ने कहा था कि यहाँ का लोग इतने ज्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और वो जो अमेरिकन पब्लिशर थी ना उन्हें मेरा बुक बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बुक का 3000 से ज्यादा कॉपी नहीं बिकने वाला है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 3000 कॉपीज ही बिकेगा। और हमारे कंट्री में तो लोग कैथेड्रल या फिर लैटिन स्टडीज पढ़ते ही नहीं है। कैथेड्रल एक रिलीजियस बुक या फिर वेबसाइट होगा? आई डोंट थिंक उस टाइम में वेबसाइट होता होगा। जिसपे एको कहते हैं इसलिए मैंने सिर्फ 3000 कॉपीज ही रेडी रखी थी ताकि मैं अमेरिका में सेल कर पाऊं, बट एट लास्ट अमेरिका में इसके 2 से 3 मिलियन कॉपी सेल हुए थे जो कि उनकी सोची गई नंबर से बहुत ज्यादा थी, कहां 3000 और कहां 30 लाख। इसलिए वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बस मेडिवल हिस्ट्री के कारण ही उनकी बुक फेमस हुई, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का ज्यादा इतना भी शौक नहीं है। साथ ही में वो कहते हैं कि उनके अलावा भी कई राइटर्स ने मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी है, बट क्या वो इतनी ज्यादा फेमस हो पाई है? लेकिन मेरी ही बुक इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जिसके बाद एक को ये भी कहते हैं कि अगर मैंने इस बुक को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई होती, और ये बुक इस टाइम पे इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है, ऐसी मिस्ट्री जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। एंड ऐसे ये जो इंटरव्यू है ना ये खत्म होता है एंड तुम्हारा चैप्टर भी खत्म होता है। एंड होप्स हो तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा बहुत ज्यादा गला खराब है तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना पिछला वीडियो और इस वीडियो में थोड़ा आवाज चेंज होगा एंड बहुत ज्यादा कट्स भी होंगे क्योंकि मैं लगातार नहीं बोल पा रहा हूं। बट वो सब छोड़ो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। हाय, माय नेम इज एनाबेल एंड वेलकम टू माय टी पार्टी। कुकी? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले गोइंग प्लेसेस को, जिसे लिखा है AR बार्टोन ने। अगर तुम लोग को AR बार्टोन नाम याद नहीं रह रहा है तो सिंपल AR बर्तन याद कर लेना, BARTAN होता है ना, बस TON लगा देना तो AR बर्तन भी बोल सकते हो। बस याद करने के लिए, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ ऑथर को। ये एक मॉडर्न राइटर है जो कि ज्यूरिख में रहते थे और इंग्लिश लैंग्वेज में अपने राइटिंग्स को लिखा करते थे। और इस चैप्टर का जो थीम है ना वो है एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप के ऊपर। एडोलसेंट का मतलब होता है
बताया ना कि जो भी 13 से 17 साल के बीच के जो भी लौंडे लौंडिया होती है ना उनको एडोलसेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स को ही ले लो, वो बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, वो बहुत ज्यादा ड्रे ड्रीमिंग करते हैं। मतलब कि जब तुम लोग भी टीनेजर हुआ करते होगे, मतलब अभी भी तुम लोग टीनेजर्स ही हो शायद, तो तुम लोग भी बहुत सारे सुपर नेचुरल चीजें सोचा करते होगे, जैसे कि मैं इनविजिबल हो गया तो ये करूंगा वो करूंगा, आयरन मैन का सूट मिल गया तो मैं बहुत बड़ा सुपर स्टार बन जाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा, दिस डैट, बहुत सारे तुम लोग डे ड्रीमिंग करते होंगे। तो ये सब होता है एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग। और हीरो वर्शिप का मतलब होता है जैसे हम कुछ लोगों को देख के एडमायर हो जाते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर एक तरह से हम उन्हें पूजने लगते हैं। तो यही थीम है हमारे इस चैप्टर का, गोइंग प्लेसेस का। तो चलो चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा कि ये चैप्टर हमें क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और देखो अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो। चलो कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सोफी जो कि एक लड़की है, जैंसी जो कि सोफी की दोस्त है, जी ऑफ जो उसका एल्डर ब्रदर है, एल्डर मतलब बड़ा वाला ब्रदर, डेरेक जो उसका छोटा ब्रदर है, और डैनी केसी जो कि एक आयरिश फुटबॉलर है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। चैप्टर का स्टार्टिंग में सोफी और जैंसी दोनों स्कूल से घर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से सोफी कहती है कि वो आगे चलकर एक बुटीक खोलेगी। वैसे जिन लोग को नहीं पता, बुटीक का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे फैशनेबल क्लोथ्स, शूज, ज्वेलरीज वगैरह मिलते हैं लड़कियों के। तभी जैंसी आर्म्स को मिलाते हुए कहती है, बहुत ज्यादा डाउटफुल होके कहती है कि बट उसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, जिसपे सोफी कहती है हाँ तो मैं ढूंढ लूंगी पैसा को। और उसके बाद वो सड़क पर बहुत दूर दूर तक देखने लगती है, जिसपे जैंसी कहती है कि तुम्हें इतने सारे पैसे जमा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसपे सोफी कहती है कि ठीक है मैं मैनेजर बन जाऊंगी जब तक मेरे पास इतने सारे पैसे कलेक्ट नहीं होते। और सोफी ये भी कहती है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है कि आखिर मेरा फ्यूचर, मतलब ये सारा प्लान कैसा इम्प्लीमेंट होने वाला है, कैसा दिखने वाला है। जिसपे जैंसी कहती है अच्छा तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें ऐसे ही डायरेक्टली मैनेजर बना देगा। जिसपे सोफी कहती है कि वो बिल्कुल मैरी क्वेंट जैसा बन जाएगी, जो कि उस वक्त की बहुत ही ज्यादा फेमस फैशन डिजाइनर है। और सोफी बहुत ही ज्यादा नेचुरल डिजाइनिंग भी करेगी और उसकी जो शॉप होगी ना वो पूरे सिटी की सबसे अमेजिंग शॉप भी होगी। तो यहाँ तक हमें ये पता चलता है ना कि जो सोफी है वो बहुत ही ज्यादा डे ड्रीमिंग करती है, जो चीज वो एक्चुअल में हासिल इजिली नहीं कर सकती है उस चीज के बारे में भी सोचती है। और वहीं पर जो जैंसी है ना वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच रखती है। और जैंसी को ये भी पता है कि एट लास्ट उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, क्योंकि वो लोग जिस सिचुएशन में रह रहे हैं और उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो बस उसी लेवल तक है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। उसके बाद जैंसी सोफी से कहती है कि तुम्हें रियलिस्टिक हो जाना चाहिए क्योंकि जल्दी ही हमारे स्कूल्स खत्म होने वाले, मतलब कि सोफी तुम्हें थोड़ा सेंसिबल वे में सोचना चाहिए क्योंकि इतना फैंटेसाइज करने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये फैंटेसीज काम नहीं देगी। और जैंसी ये भी कहती है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पापा जो शॉप वर्क करते हैं उससे उतना ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, और तुम्हारे पापा भी तुम्हें ये सब चीज के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो चीजें तुम सोच रही हो उसके लिए। जिस पे सोफी कहती है कि ठीक है तो क्या दिक्कत है, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और एक्ट्रेस वैसे भी फुल टाइम काम तो करती नहीं है, तो हाफ टाइम मैं एक्ट्रेस वाली काम करूंगी और हाफ टाइम मैं अपना बुटीक पे काम करूंगी। कहती है कि मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है, या तो मैं मैनेजर बन सकती हूँ, या तो मैं एक एक्ट्रेस बन सकती हूँ, या तो फिर मैं एक फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने बुटीक के काम को भी संभालूंगी, और एट द एंड मैं इसी टाइप की काम करूंगी जो एट द एंड रेप्यूटेटेड हो, या फिर एलिगेंट हो कह सकते हो। और ये कहते कहते जो सोफी होती है वो अपने घर की तरफ चली जाती है जैंसी को वहीं पर छोड़कर। और सोफी घर में घुसने के बाद ये कहती है कि जब भी मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे तो मैं पक्का पहले बुटीक खोलूंगी। जिस पे सोफी के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आ भी जाते हैं मान लो, तब तुम सबसे पहले हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी जिस घर पे हम लोग सब कोई शांति से रह सके। उसके बाद जो सूफी के फादर होते हैं वो सेफर्ट पाई खाते हुए थैंक यू बोलते हैं। आई डोंट नो WTF इज दिस, बट मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि ये क्या है। और सूफी के फादर का जो फेस था ना वो बहुत ही ज्यादा डर्टी और बहुत ही ज्यादा पसीना वाला, समझ सकते हो ना, वैसा स्वेटी दिख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा काम करके घर आए थे। जिस पे सूफी के जो छोटे भाई होते हैं जिनका नाम डेरिक है, वो कहते हैं, मतलब वो कहता है कि इसे लगता है कि पैसा पेड़ पे उगते हैं। उसके बाद सूफी अपनी मदर की तरफ देखती है जो कि झुककर सिंक में काम कर रही होती है, मतलब बेसिकली बर्तन धो रही होती है। तभी सोफी देखती है कि उनकी मदर ने जो एप्रन पहन रखा है ना उसका जो नॉट है वो कितना अनटाइडी है, मतलब काफी अजीब तरह से बंधा हुआ है, बहुत डेलिकेट है। फिर सोफी ये भी कहती है विंडो की तरफ देखकर कि शाम हो चुका है और उनके घर में जो खाना बन रहा है ना उससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, जिसके वजह से जो सोफी के फादर है ना वो काफी हेवीली ब्रीथ कर रहे थे, खांस रहे थे भी बोल सकते हो मे बी, क्योंकि उनके घर में जो वो छोटा सा रूम था ना वो पूरे स्टोव के स्टीम से भर गया था। इससे हमें ये पता चलता है ना कि सोफी का कोई प्रॉपर घर नहीं है, क्योंकि उनके एक ही रूम में किचन भी है और उनका बेडरूम भी वहीं पे और शायद हॉल भी वहीं पे होगा। सोफी के जो फादर है वो लिफ्ट में बैठे हुए हैं और उसी के पास बहुत सारे प्लेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा है, यूटेंसिल्स हैं। ये सब चीजों के कारण जो सोफी होती है ना उसे
उस रूम में बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगता है, और इसलिए जो सोफी होती है ना वो अपने बड़े भाई जियोफ को ढूंढने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस घर में एक और रूम भी है। सोफी के जो बड़े भाई थे ना वो दूसरे रूम में बैठ कर अपने मोटरसाइकिल को बैठ कर रिपेयर कर रहे होते हैं, और जो जियोफ थे ना उन्होंने उस मोटरसाइकिल को न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ था ताकि वो जो रूम का कारपेट था ना वो खराब ना हो। और सोफी के जो बड़े भाई है मतलब जो जियोफ है उन्हें स्कूल पास किए हुए 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब वो अप्रेंटिस मैकेनिक है, मतलब एक सीनियर मैकेनिक के अंदर काम करते हैं, बेसिकली एक मेन मैकेनिक के अंदर काम करते हैं। और वो रोज काम करने के लिए सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड में उन्हें जाना पड़ता है, मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है अपने घर से, जिससे हमें पता चलता है कि उनके जो बड़े भाई है वो काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रोन अप है, बहुत ज्यादा मैच्योर है, और मतलब बड़े हो चुके हैं बस। फिर सोफी ये भी बताती है कि उनके जो बड़े भाई है मतलब जो जियोफ है वो बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं। जियोफ इतना ज्यादा मैच्योर थे, इतना ज्यादा कम बोलते थे ना, तो इसलिए जो सोफी होती है वो कंपेयर करती है कि उनके मुंह से आवाज निकलना इज इक्वल टू जमीन के अंदर से मिनरल्स निकालने जितना टफ है। और जो सोफी है ना वो बहुत ज्यादा जलती थी अपने बड़े भाई की मैच्योरिटी से, क्योंकि मतलब उनकी चुप्पी से जलती थी, क्योंकि एक्चुअली उसे अपने बड़े भाई के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो ये एज्यूम करती है ना कि जब भी उनके बड़े भाई मतलब जियोफ कुछ नहीं बोलते हैं इसका मतलब वो अपने ही दुनिया में किसी और दुनिया में खोए रहते हैं। मतलब कि सोफी को ये लगता है कि उनके जो बड़े भाई है ना वो जब भी चुप रहते हैं तब वो किसी और जगह के बारे में सोचते रहते हैं जिस जगह पे सोफी कभी भी नहीं गई है। सोफी ये भी सोचती है कि ये जगह कुछ ऐसी जगह हो सकती है जो उनके आसपास के कंट्रीज में हो जहां पे वो कभी नहीं गई हो, और ये सब चीजें सोफी के अंदर बहुत ही अलग तरह का इंटरेस्ट को उजागर कर देती है। मतलब वो चुप रहता है तो उस टाइम वो मतलब करता क्या है, वो मतलब उसका लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि सोफी को बिल्कुल भी नहीं पता है ना कि उसका भाई एक्चुअली में क्या करता है और क्या सोचता है। पर सोफी चाहकर भी इस चीज का पता नहीं लगा सकती थी। सोफी ये भी सोचती है कि हो सकता है ये जो मेरा बड़ा भाई है ना ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानता है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में जानता है जिसके बारे में ये हम लोग से शेयर नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम ही हो, तुम अपने पेरेंट्स से रेगुलर बात करते हो और अचानक से कुछ दिन तुम ऐसा रिएक्ट करने लगते हो कि तुम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो और फोन में देखकर हंसे जा रहे हो, तो पेरेंट्स को क्या लगेगा? अगर तुम लड़की हो तो लगेगा पक्का इसका कोई लड़का, और अगर तुम लड़का हो तो लगेगा कि कोई लड़की, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सोफी को भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है कि ये इंसान चुप होकर दिन भर जब ये इंसान कुछ बोलता नहीं है तो ये इंसान किस चीज के बारे में सोचता है, क्या ये किसी जगह के बारे में सोच रहा है या ये इसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी है जिसके बारे में ये हम लोगों से शेयर नहीं करना चाहता है। फिर सोफी कहती है कि दो ये बहुत ही शांत किस्म का इंसान है और ये ज्यादा दोस्त नहीं बनाता है, मतलब कि ऑब्वियसली उसका बड़ा भाई जियोफ, और इसलिए सोफी इन सब चीजों का आंसर ढूंढना चाहती थी और वो सोचती थी कि काश कभी मेरा जो बड़ा भाई है जियोफ ये मुझे ले जाए जहां पर ये जाता है और अपने दोस्तों से या फिर उन सब लोगों से मिलाए जिनके बारे में ये सोचते रहता है। पर सोफी के जो फादर है ना उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि सोफी को कि वो अपने बड़े भाई जियोफ के साथ कहीं भी नहीं जाएगी। हालांकि जियोफ ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन कभी भी नहीं दिया था कि वो सोफी को ले जाएंगे या फिर नहीं ले जाएंगे। सोफी को लगता था कि उनके जो बड़े भाई है वो उसे बहुत बच्ची समझते हैं, छोटी बच्ची समझते हैं, पर सोफी बहुत ही ज्यादा इंपेशेंस थी और वो चाहती थी कि वो अपने बड़े भाई के साथ जाए, मतलब कि बाहर जाए और बाहर की दुनिया देखे। और वो ये भी सोचती है कि जो बाहर की दुनिया होगी ना वो बिल्कुल उसके घर के तरह होगी, मतलब घर का मतलब ये नहीं कि वो अपना पर्टिकुलर घर का बात कर रही है, वो अपना पूरा सिटी का बात कर रही है, वो अपने पूरे सिटी को घर जैसा समझती है। तो सोफी को ये लगता है ना कि बाहर की जो दुनिया होगी वो भी बिल्कुल उसके सिटी की तरह ही होगी, और वो इतना ज्यादा फैंटेसाइज करती है ना कि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया उसका इंतजार कर रही है कि वो कब अपने इस दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया में जाएगी, मतलब दूसरे सिटीज दूसरे कंट्रीज में जाएगी। और वो हमेशा इमेजिन करती थी कि वो अपने, अरे बच्चा बच्चा क्या हो गया, क्यों भौंक रहे हो, अरे अरे मेरे बच्चा सोफी इमेजिन करती थी कि वो अपने बड़े भाई के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है पीछे में, और उसका जो बड़ा भाई है ना वो लेदर का जैकेट पहना हुआ है और सोफी ने एक येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है और उसमें एक केप भी है जो उनके ड्रेस के पीछे लहरा रहा है जब मोटरसाइकिल राइड में जा रही है वो। और जब वो लोग मोटरसाइकिल से आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें आसपास बहुत ही ज्यादा तालियों की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कि सब कोई उसका वेलकम करने में लगे हुए हैं और उसके आसपास का जो पूरा वर्ल्ड है वो उससे ग्रीट करने के लिए सब खड़े हो चुके हैं और सभी उनके स्वागत में लगे हुए हैं। मतलब कि ये सारी चीज सोफी इमेजिन कर रही होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। चलो अब रियलिटी में आते हैं, उनका जो बड़ा भाई होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब सोफी उसे देख रही होती है तब वो हाथ में ऑयली पार्ट को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, बहुत ही ध्यान से पकड़कर, और जियोफ जो होते हैं ना वो उस चीज को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं जैसे कि वो कोई एक डम एनिमल हो।
तभी सोफी अचानक से कहती है अपने बड़े भाई को कि वो डैनी केसी से मिली है, वो भी आर्केड में। आर्केड का मतलब तुम बेसिकली मार्केट एरिया भी समझ सकते हो। इस पे जियोफ कहते हैं, पागल वागल हो गई हो क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर जियोफ पूछते हैं, अच्छा तो ये बात तुमने अपने पापा को बताई है? इस पे सोफी कहती है, मतलब सर हिलाते हुए, कि नहीं, उसने अपने पापा को नहीं बताया। इस पे सोफी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि वो हर चीज, अपनी जितनी भी सीक्रेट्स होती है ना, वो सबसे पहले जियोफ के साथ ही शेयर करती है। फिर भी जियोफ उससे पूछ रहे कि तुमने पापा को नहीं बताया ये बात पहले? मतलब सोफी सोच रही है कि क्या नॉनसेंस इंसान है ये, इसे पता नहीं है कि मैं अपनी सीक्रेट सबसे पहले इसे बताती हूँ, फिर भी ये बेशर्म जैसा पूछ रहा है मुझसे। जिसपे जियोफ कहते हैं कि नहीं, मैं तुम पे अभी भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। जिसके बाद सोफी डिस्क्राइब करती है कि वो उनसे कैसे मिली, मतलब कि डैनी कैसी से। सोफी कहती है कि वो रोयस के विंडो के सामने से अंदर के क्लोथ्स को देख रही होती है। रोयस एक तरह का शॉप का नाम होगा जहाँ पे अच्छे अच्छे महंगे महंगे क्लोथ्स मिलते होंगे। वहां से वो विंडो शॉपिंग कर रही होती है और तभी अचानक से एक आदमी उनके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो कहती है कि वही डैनी कैसी थे। ओ पी, मुझे अभी पता चल रहा है कि जो डैनी कैसी है ना, वो एक आयरिश फुटबॉलर है और वो एक लड़के हैं। कोई बात नहीं, नाम से जज नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का नाम भी ज्योति राज है, तो फिर ज्योति लड़की, ओके कोई बात नहीं, बताना नहीं था ना यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं। तो फिर जियोफ कहते हैं कि अच्छा तो बताओ कि वो कैसे दिखते हैं, डिस्क्राइब करो। जिसपे सोफी कहती है कि अरे तुम्हें नहीं पता क्या वो कैसे दिखते हैं, तुमने तो कई बार उन्हें टीवी पे देखा है। जिसपे जियोफ कहते हैं कि अरे मेरा कहने का मतलब है कि वो पास से कैसे दिखते हैं ये बताओ। जिसपे सोफी कहती है कि उनके ग्रीन आईज थे और वो जितना टीवी और न्यूज़पेपर में लंबे चौड़े टॉल दिखते हैं ना, एक्चुअल में उतना टॉल नहीं है। जिसके बाद सोफी सोचती है कि क्या उन्हें अपने बड़े भाई को डैनी केसी के टिथ, मतलब कि दांत के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। जिसके बाद फिर वो नहीं बताती है कुछ सोचकर। जिसके बाद जो सोफी के फादर है वो अच्छे से नहा धोवा कर आते हैं और उनके जो पूरा बॉडी थे ना, वो अच्छे से स्किन जो थे वो पूरा साइन कर रहे थे, मतलब कि बेसिकली उनके जो फेस और आर्म्स थे ना वो साइन कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल पिंक लग रहे थे और उनके अंदर से सोप की स्मेल आ रही थी, साबुन की। और देखो, जहां तक मुझे पता है, साबुन को फेस में तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्म करता है फेस को। इवन बॉडी में भी नहीं लगाना चाहिए। से मुझे कमेंट करके बताना आज के टाइम में कौन कौन सोप को अपने बॉडी में लगाता है। ऐसे मतलब बहुत बुरा बात नहीं है, बहुत लोग लगाते हैं, मेरे घर में भी पापा मम्मी लगाते हैं, कोई बहुत बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं है, बस मेरे को जानना है। बाकी किसी को फ्री का ज्ञान चाहिए तो क्लींजर खरीद लेना फेस के लिए और बॉडी के लिए बॉडी वॉश, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके, चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और फिर उसके फादर टीवी ऑन कर टीवी देखने लगते हैं और सामने वहीं पर एक जूता फेंका हुआ रहता है, मतलब पड़ा हुआ रहता है, जो कि डेरिक का, मतलब कि सोफी के छोटे भाई का होता है। तो जो सोफी के फादर है ना, वो उस जूता को उठाते हैं और सोफा की तरफ फेंक देते हैं और वो मस्त चेयर पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। तभी जियोफ वहां पर आते हैं और कहते हैं कि सोफी डैनी केसी से मिलकर आ रही है। सोफी भी वहीं पे बगल में बैठी हुई होती है और ये चीज सुनकर वो काफी डगमगा सी जाती है। और फिर सोफी के फादर वहीं पे बगल में बैठे हुए होते हैं, वो पीछे टर्न होते हैं और सोफी को देखकर काफी अजीब सा रिएक्शन देते हैं, मतलब कि बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हैं। फिर जियोफ कहते हैं कि अरे ये सच्ची बात है। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो उस वक्त, मतलब अपने टाइम में टॉम फिनी से मिले थे, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस आदमी है। मैं नहीं जानता उनको, बट हाँ, बहुत ज्यादा फेमस आदमी है। फिर उसके फादर ये भी कहते हैं कि पर ये चीज बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। जिसपे जियोफ कहते हैं कि पापा, पर ये बात तो आपने पहले भी हमें कई बार बता रखा है। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो केसी है ना, वो भी कभी एक ना एक दिन टॉम फिनी जितना बड़ा प्लेयर बन जाएगा। जिससे हमें ये पता चलता है ना कि जो डैनी केसी है और जो टॉम फिने है, दोनों अपने अपने टाइम के बहुत ही ज्यादा फेमस फुटबॉलर है, आयरिश फुटबॉलर है आई थिंक। जिसपे जियोफ कहते हैं कि पापा आपको कुछ नहीं पता है, जो केसी है ना, वो उससे भी ज्यादा, मतलब टॉम फिने से भी ज्यादा अच्छे प्लेयर है, अच्छे फुटबॉलर है। जिसपे सोफी के फादर कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा यूथ और मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ इंसान है। और वो ये भी कहते हैं कि वो जो केसी है ना, वो जो डैनी केसी है ना, अगर वो अपने सर को शोल्डर के ऊपर रख के खेलेगा तो बेटर रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और उसका ध्यान अपने टीम मेंबर्स के ऊपर रहता भी नहीं है। ऑब्वियसली केसी अच्छा प्लेयर बन सकता है, लेकिन अभी तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड किस्म का इंसान है। मतलब कि सोफी के फादर ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। I just want to say one single thing, okay? यहाँ पे बात सोफी का डैनी केसी से मिलने का हो रहा था और ये लोग अपना ही टॉपिक पे भिड़ गए कि डैनी केसी अच्छा है या फिर टॉम फिने अच्छा है, बाह। जिसके बाद जियोफ कहते हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेयर है और आपको उनके बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट टीम में भी है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे टीम में है। तभी उसके फादर कहते हैं कि हाँ, बट वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। जिसपे जियोफ कहते हैं कि नहीं, वो जो है वो मुझसे तो बड़े ही है, मतलब जो डैनी केसी है वो मुझसे तो बड़े ही है। जिसपे उसके फादर फिर कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ वो तुमसे बड़ा है, लेकिन वो काफी छोटा है नेशनल टीम में खेलने के लिए। जिसपे जियोफ कहते हैं कि आप इस बात पे आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं कि वो इतना छोटे होते हुए भी वो इस टीम में है, क्योंकि वो इस चीज के कैपेबल है, उनके पास इतनी एबिलिटी है, तभी तो वो इस टीम में सर्वाइव कर पा रहे हैं, मतलब इस टीम में आए हैं, और उनके स्किल्स इतनी
अच्छी है, जिसपे एकदम से सूफी कहती है कि वो एक शॉप खरीदने वाले हैं, मतलब जो डायनी केशी है ना वो एक शॉप खरीदने वाले हैं। जिस बात को सुनकर वापस से उसके जो फादर होते हैं, मतलब सूफी के जो फादर होते हैं, वो बहुत ही खराब से एक्सप्रेशन देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम ये सब चीज कब सुन रही हो, कहां से सुन रही हो। जिसपे सोफी रिप्लाई करती है और कहती है कि ये सब चीज तो उसे डायनी केशी ने ही बताया है। जिसपे सोफी के जो फादर होते हैं ना, वो बहुत ही धीरे से कुछ बोलते हैं जो किसी को सुनाई नहीं देता है, और चुपचाप अपने चेयर में जाके बैठ जाते हैं ड्रैग करते हुए। ड्रैग का मतलब होता है घसकाना, घसकाते हुए बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सोफी क्या ये वही कुछ इमेजिनेबल स्टोरीज है जो तुम हमेशा इमेजिन करते रहती हो, वही वो कुछ खराब से अजीब से स्टोरीज। तभी जियोफ कहते हैं कि सोफी जो है ना वो डायनी केशी से आर्केड में मिली है। जिसपे उसके जो फादर होते हैं, मतलब जो सोफी के फादर होते हैं, वो बहुत ही एग्रेसिवली कहते हैं कि एक दिन तुम अपने आप को बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंसा लोगी अगर तुम ऐसे ही अजीब अजीब झूठी स्टोरीज बनाते रही तो। जिसपे सोफी कहती है कि जियोफ नो इट्स ट्रू, मतलब जियोफ तुम्हें पता है ना कि ये सच है। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि ये बस नाटक कर रहा है तुम्हें बिलीव करने का, मतलब तुम पर विश्वास करने का, क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन हो, बट एक्चुअली में नहीं करता, मतलब कि वो तुम्हारी स्टोरीज पे, इन फालतू स्टोरीज पे बिलीव नहीं करता है। और इस तरह से ये जो पूरा कन्वर्सेशन होता है ना, ये एंड हो जाता है। अरे नहीं नहीं, चैप्टर एंड नहीं हुआ, बस कन्वर्सेशन एंड हुआ, इसका पार्ट टू के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट करना पड़ेगा, क्या कर सकता हूँ। लाइक एक ही वीडियो बना दूंगा 30 मिनट का, तो ऑब्वियसली व्यूज नहीं आएगा, 30 मिनट का वीडियो कौन देखता है। और अगर चैप्टर में कुछ पैराग्राफ्स, कुछ लाइंस स्किप करके पढ़ा दूंगा, तो फिर अगर एग्जाम में वो पॉइंट आ गया तो फिर मेरी बेइज्जती होगी ना। इसलिए मैं डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं व्यूज के लिए दो पार्ट बना रहा है, तो हाँ ठीक है, तुम भी गलत नहीं हो, व्यूज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कि जो लोग ऐसा बोलते हैं। चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल का रीच चला रहता है, वरना नॉट चैनल, वीडियो का रीच एक्चुअली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। My name is Annabelle, and welcome to my tea party. Spooky? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सोफी के फादर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर लोगी अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रही तो, और तुम्हारा भाई जियोफ भी तुम्हारी इन फालतू स्टोरीज पे बिलीव नहीं करता है, वो बस दिखाता है कि वो तुम पे बिलीव कर रहा है क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन हो। चलो अब आगे पढ़ते हैं। जियोफ के रूम में एक टेबल लैम्प होता है जो कि एम्बर ग्लो कर रहा था। एम्बर ग्लो का मतलब गोल्डन ऑरेंज या फिर गोल्डन ब्राउन समझ सकते हो, मतलब कि जियोफ के रूम में एक टेबल लैम्प था जो कि वॉल के ऊपर ग्लो मार रहा था गोल्डन ब्राउन करके, और वहीं पर बगल में यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का पोस्टर लगा हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस फुटबॉल टीम था, और उस पोस्टर के नीचे बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ भी चिपके हुए थे, जिनमें से 3 फोटोग्राफ डैनी केसी के थे। ऑब्वियसली तुम लोग भूले तो नहीं हो ना कि डैनी केसी कौन है, बहुत ही ज्यादा फेमस यंग फुटबॉलर है उनके कंट्री के। फिर सोफी जियोफ के पास जाके कहती है कि अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ ना, ये तुम किसी से भी मत शेयर करना, इवन पापा से भी शेयर मत करना, चलो मुझे अभी प्रॉमिस करो। तो जियोफ कहते हैं कि बताने के लिए बचा क्या है। जिसपे सोफी कहती है कि पहले तुम प्रॉमिस करो वरना डैड मेरा मर्डर कर देंगे। तो फिर जियोफ कहता है पहली बात तो वो तुम्हारे बात को सच मानने ही नहीं वाले, तो तुम्हारा मर्डर क्यों करेंगे। जिसपे सोफी कहती है प्लीज जियोफ पहले कसम तो खाओ। जिसपे जियोफ कहता है कि हे भगवान सोफी तुम अभी भी स्कूल में हो, किसी तुमसे क्यों बात करेगा, उसके आगे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां मंडराती होगी ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिसपे सोफी कहती है कि नहीं नहीं उसके आगे पीछे कोई भी लड़कियां नहीं घूमती। जिसपे जियोफ टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता। तो फिर सोफी कहती है कि अरे उसने ही मुझे बताया था। जिसपे जियोफ कहते हैं अरे वो इतना फेमस फुटबॉलर है, वो किसी भी लड़की से ऐसी बात नहीं करने लगेंगे, तो फिर वो तुमसे आके बात क्यों करेंगे। तो सोफी कहती है हाँ उसने मुझे बताया था, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है, और इवन वो बहुत ही ज्यादा शांत है, बहुत ही क्वाइट लड़के हैं, वो ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। जिसपे जियोफ कहते हैं अच्छा वो इतना शांत है फिर भी तुमसे आके बात करने लगा, मतलब कि अगर वो शांत इंसान है तो वो तुम जैसी लड़की से आके कैसे बात करने लगा। जिसपे सोफी कहती है ऐसा नहीं है, मैं ही पहले जाके बात करी थी, मैंने पूछा था कि एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी कैसी है। जिसपे डैनी कैसी कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। और फिर सोफी कहती है कि मैं उनके आवाज से ही उन्हें पहचान गई, क्योंकि उनका आवाज वैसा ही था जैसा हमने उनके इंटरव्यू पे देखा था, मतलब कि जिस वॉइस में वो इंटरव्यू में बात करते थे वैसे ही वॉइस में उन्होंने मुझसे भी बात की। जिसके बाद सोफी कहती है कि मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी मांगा अपने छोटे भाई डेरिक के लिए, बट उस वक्त हम दोनों के पास पेन और पेपर नहीं था, तो इसलिए वो मुझसे थोड़ी देर बातें करते हैं रोएस के दुकान के सामने खड़े होकर। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो रोएस है ना वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, हालांकि मैंने गूगल में सर्च करा तो मुझे रोएस चॉकलेट ब्रांड दिखा था। फिर सोफी कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा लोनली लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा सैड टाइप के लग रहे थे।
थे। जिसके बाद सोफी कहती है कि हाँ वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा लंबा सफर है क्योंकि वो वेस्ट ऑफ आयरलैंड से यहाँ तक आए थे, मतलब कि उनके होम टाउन आए थे। सोफी ये भी कहती है कि उन्होंने जाते जाते तक ये भी कहा कि अगर मैं उनसे नेक्स्ट वीक मिलती हूँ तो वो मुझे ऑटोग्राफ जरूर देंगे। जिसपे सोफी कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। जिसपे जियोफ कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि वो नेक्स्ट वीक वापस से तुमसे मिलने यहाँ पे आएगा। जिसपे सोफी कहती है तुम मुझ पर विश्वास करते हो या फिर नहीं करते हो जियोफ। तभी जियोफ अपना जैकेट उठाता है जो कि चेयर पे रखा होता है, और वो जो जैकेट होता है ना वो साइनी तो होता है लेकिन सेपलेस होता है, मतलब कि अच्छे से नहीं रखा होता है। जिसके बाद सोफी सोचने लगती है कि अगर उसका जो बड़ा भाई है जियोफ है अगर वो अपने अपीयरेंस पे ध्यान दे, अपने क्लोथ्स के ऊपर ध्यान दे तो वो बहुत ही अच्छा दिख सकता है क्योंकि वो लंबा है, मतलब टॉल है, स्ट्रांग है, उसके डार्क फेस है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता है, मतलब समझ रहे हो ब्राउन मुंडे है, इसलिए अगर वो अपने कपड़ों पे ध्यान देगा ना तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख सकता है। इतना सब कुछ सोफी सोच ही रही होती है कि जियोफ रिप्लाई करता है कि विश्वास का तो नहीं पता लेकिन तुमने मुझे जो स्टोरी बताई है ना ये बहुत ही अजीब चीज है जो मैंने अपने लाइफ में सुनी है, बहुत ही अजीब स्टोरी है जो मैंने अपने लाइफ में सुनी है। और यहाँ पे ये वाला सीन खत्म हो जाता है। फिर अगला सीन शुरू होता है सैटरडे को। सोफी की जो पूरी फैमिली है ना वो लंबी यात्रा करके जाते हैं यूनाइटेड का मैच देखने के लिए। सोफी और उनके फादर और उसका जो छोटा भाई डेरिक होता है ना सभी एकदम गोल के पास वाले सीट में बैठे रहते हैं, जो गोल पोस्ट नहीं होता है मुझे नहीं पता उसे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट उसके पीछे वाले सीट में, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा। एंड जियोफ जो होता है ना वो हमेशा की तरह पीछे वाले बेंच में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। और उस मैच में जो यूनाइटेड की टीम होती है ना वो 2-0 से जीत जाती है, और जो सेकंड वाला गोल था ना वो डैनी केसी ने ही मारा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो केसी है ना वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट से दिखते हैं और वो एक आयरिश जीनियस है। वो कॉर्नर ऑफ पेनल्टी एरिया से होकर दो बड़े बड़े डिफेंडर्स के बीच से बॉल को लाते हैं, और जब डैनी केसी ऐसा कर रहे थे ना तो जो सोफी के फादर होते हैं वो चिल्ला रहे थे स्टेडियम से कि डैनी केसी पास करो बॉल को पास करो, लेकिन फिर भी डैनी केसी बॉल को पास नहीं करता है और बहुत ही दूर से, मतलब डर्जन ऑफ यार्ड दूर से वो गोल मारता है, और जो गोलकीपर होता है ना वो भी बॉल को नहीं रोक पाता है और सेकंड गोल हो जाता है। ओए बल्ले 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 से ही एकदम प्राउड वाली फीलिंग सोफी की थी, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी इस मोमेंट पे। और जो जियोफ होता है ना वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जब वो लोग बस से वापस अपने घर जाने लगते हैं तब वहां पे एक इंसान कहता है कि आई विश कि डैनी केसी कास्ट इंग्लिशमैन होते। और फिर जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो डेरिक अपनी मम्मी से कहते हैं कि लगता है इस बार आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगी। और सोफी के जो फादर होते हैं ना वो यूनाइटेड की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले जाते हैं। अबे फॉरेन में लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले जाते हैं क्या? मैं भी प्लान करता हूँ थोड़ा। अरे मम्मी मम्मी चप्पल चप्पल से मत मारो, क्यों मार रहे हो? अरे पब का मतलब पप्पी लेने का बात कर रहे थे। अरे लड़की को पप्पी नहीं देने का बात कर रहा हूँ, पप्पी मतलब डॉगी, डॉगी का बच्चा। हाँ ठीक है, बात बात पे चप्पल निकाल लेती हो। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो सोफी है ना वो जैंसी से अगले दिन मिलती है। जैंसी सोफी को कहती है अरे मैंने क्या सुना है, तुम लास्ट वीक से क्या कह रही हो? जिसपे सोफी कहती है किस बारे में? जिसपे जैंसी कहती है कि जियोफ ने फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली हो। फ्रैंक जो है ना वो जैंसी का बड़ा भाई है, तो जियोफ ने फ्रैंक को बताया और फ्रैंक ने अपनी छोटी बहन जैंसी को बता दिया। जिसपे सोफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ओह उस बारे में। ये सुनकर जैंसी को लगता है कि जरूर ये लड़की मुझसे कुछ छुपा रही है। जैंसी ऐसा सोच ही होती है कि सोफी कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी। जिसपे जैंसी कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कभी मिली होगी। जिसके बाद जो सोफी होती है ना वो ग्राउंड की तरफ देखते देखते सोचती है कि ये तो जियोफ थिंग थी, ये जैंसी थिंग नहीं थी, ये जो बात थी ये बस मेरे और जियोफ के बीच रहनी चाहिए थी। आखिर क्यों जियोफ ने जैंसी को बताया, मतलब जैंसी के बड़े भाई को बताया? ये तो मेरे और मेरे बड़े भाई जियोफ के बीच की एक सीक्रेट थी ना। इट वॉजेंट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जैंसी को बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए था। और ये जो जैंसी है ना ये अब ये बात को पूरे नेबरहुड में फैला देगी, आसपास के सारे लोगों को फैला देगी और ये बात सबको पता चल जाएगा। और वो ये भी सोचती है कि जियोफ को सीक्रेट्स बताना बेकार है, मैं जैसा उसके बारे में सोचती थी वो बिल्कुल वैसा नहीं है, वो सीक्रेट्स को सीक्रेट्स की तरह नहीं रखता। और फिर सोफी जैंसी से कहती है कि ये बात एक सीक्रेट है और इसे सीक्रेट ही रहने दो। जिस पे जैंसी कहती है कि हाँ मैं ये बात किसी से भी शेयर नहीं करने वाली, ये तो तुम्हें पता ही है ना। उसके बाद सोफी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर ये बात फैलती है तो फैलते फैलते मेरे पापा को भी पता चल जाएगा और मेरे पापा एकदम बुढ़ऊ टाइप का लड़ाई शुरू कर देंगे। रो का मतलब लड़ाई करना होता है। जिस पे जैंसी कहती है अरो मतलब लड़ाई, मुझे तो लगता था कि तुम लोग सभी सुख चैन शांति से रहते हो, क्लब्ड का मतलब शांति समझ सकते हो एक तरह से। ये बात सुनकर सोफी को ये पता चल जाता है कि जैंसी को पूरी बात नहीं पता है, ये नहीं पता है कि डैनी केसी मुझसे दोबारा मिलने वाला है, क्योंकि अगर जैंसी को ये बात पता होता तो उसे पता चल जाता कि आखिर मेरे घर में लड़ाई क्यों होती। क्योंकि अगर सोफी के फादर को पता चल जाता कि डैनी केसी और उसकी बेटी ने मिलने का प्लान बनाया है तो इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती। तो इस बात से सोफी काफी रिलैक्स फील होती है कि जियोफ ने पूरी बात नहीं बताई है, और वो ये भी सोचती है कि कम से कम जियोफ ने उसके ऊपर थोड़ा तो
भरोसा करा, उसने पूरी बात तो नहीं बताई। और सोफी ये भी सोचती है कि लगता है फाइनली जियोफ ने मेरे ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा कर लिया है। फिर सोफी जैंसी को शॉर्ट में स्टोरी बताती है, और मतलब आधा ही चीज बताती है, बोलती है कि हाँ मैं डेनी केसी से मिली थी, मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा बट हमारे पास पेन नहीं था तो उसने ऑटोग्राफ नहीं दिया। उसके बाद एकदम से सोफी जैंसी से पूछती है कि जियोफ ने तुम्हारे भाई को कितना बताया, जिस पे जैंसी कहती है जीसस काश मैं भी वहां पर होती जब डेनी केसी से तुम मिल रही थी। जिस पे सोफी कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे पापा तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, और जैंसी तुम्हें तो पता ही है मेरे डैड कितना परेशानी खड़े कर देने वाले इंसान है, तो इसलिए जैंसी मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम पूरे सोसाइटी में जाके मत फैलाओ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोग मेरे घर के सामने आके खड़े हो जाएंगे, और मेरे डैड ने मुझसे मजाक में ऐसा भी कह दिया है कि वो मेरा मर्डर करने वाले हैं, और इस चीज से हमारे घर में लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, और तुम्हें तो पता ही है जब हमारे घर में लड़ाई होता है तो हमारी मम्मी कैसे होने लगती है, मतलब कि सोफी की मम्मी। जिस पे जैंसी कहती है कि अरे तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो सोफी, और इस बारे में तुम भी जानती हो सोफी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली। लेही सीन में जो सोफी होती है ना, वो अंधेरा होने के बाद कैनाल के साइड में चल रही होती है। कैनाल का मतलब बेसिकली जो शहर होता है ना, शहर के बीच में एक लेक बना दिया जाता है जिससे जो शिप होती है ना वो ट्रांसपोर्ट कर सके सामान को एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल एक ओशियन है और ओशियन के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा लैंडमास आ गया। अब पूरे लैंडमास को चक्कर काट के शिप जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस लैंडमास के बीच से एक पतला सा रास्ता निकाल दिया जाता है जिससे शिप सीधा रास्ते से ट्रांसपोर्ट कर सके, जिससे शिप इजिली इस पार से उस पार जा सके। बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सोफी के शहर में भी एक कैनाल था और सोफी कैनाल के साइड में चल रही होती है, और कैनाल के साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, सिल्टर्ड पाथ होता है, और जब वो चल रही होती है ना तो वहीं पे एक वाफ था जिसके बगल में लैंप लगा हुआ था जिससे वहां पे थोड़ी सी लाइट आ रही थी। वाफ का मतलब एक ऐसा जगह जहां पे शिप्स आके रुकती है, बेसिकली शिप्स का प्लेटफॉर्म समझ लो, और वो जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो वुड और स्टोन का बना हुआ रहता है। बेसिकली शिप्स को यहां पे आके लोड और अनलोड करते हैं। और इस वक्त जब सोफी चल रही है तो उस वक्त जो सिटी का साउंड है ना, जो सिटी में साउंड होता है चाहे 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 ट्रैफिक का साउंड होता है, वो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा था। मतलब जैसे जैसे सोफी चल रही थी ना वैसे ही जो साउंड था वो मफल्ड मतलब कम होते जा रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सोफी है ना वो कैनाल के साइड में चलते चलते काफी दूर आ चुकी थी। फिर सोफी ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी ना तो वहां पर आकर वो खेला करती थी, और वहीं पर कैनाल के बगल में एक लोनली ट्री के नीचे एक सिटिंग एरिया था, मतलब कि एक सिटिंग बेंच था जहां पर कभी कभी लैला मजनू आके बैठा करते थे, मतलब लवर्स आके बैठा करते थे अपनी ऐसी लाइफ का। और बेसिकली वो एक इल्म का ट्री था। इल्म का ट्री कैसा दिखता है तुम्हें स्क्रीन पे दिख गया होगा। और फिर सोफी वहीं पर आकर बैठ कर डेनी किसी का वेट करने लगती है, और सोफी को ये लगता है ना कि ये एक परफेक्ट प्लेस है जब वो डेनी किसी से मिल सकती है, मतलब कि जहां वो डेनी किसी से मिल सकती है। और वो ये भी सोचती है कि यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करेंगे, और उसे लगता है कि डेनी केसी इस प्लेस के लिए तो जरूर अप्रूव कर देंगे उससे मिलने के लिए, मतलब कि वहां पर सोफी से मिलने डेनी केसी आ जाएंगे। सोफी वहीं पर बैठे बैठे इमेजिन करती है कि जो डेनी केसी है ना वो शैडोज से निकलकर कहीं दूर से उनके पास आ रहे हैं कैनाल के एकदम साइड से। वो इमेजिन कर रही होती है कि जैसे ही डेनी केसी उसके पास आएंगे तो वो कैसे एक्साइटमेंट से उछलेगी, मतलब जो भी रिएक्ट करेगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि डेनी केसी अब नहीं आने वाले, और ये जो आइडिया था ना ये उसके एक्साइटमेंट को बैलेंस करने लगता है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अब न्यूट्रल सी फील करने लगती है। अब उसे लगने लगता है कि मैं यहाँ पे बैठकर डेनी केसी का तो वेट कर रही हूँ, बट अब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है कि क्या वो आएगा। और ये चीज उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, और अब डेनी केसी का यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। फिर उसे याद आता है कि जियोफ ने मतलब उसके बड़े भाई ने कहा था कि डेनी केसी उससे मिलने नहीं आने वाला है, और उसे ये भी लगता है कि अब उस पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला जिंदगी भर। और अब मैं अपने फैमिली वालों से क्या कहूंगी, अगर वो नहीं आया तो लोग मुझे झूठा साबित कर देंगे, मतलब मेरे फैमिली वाले। लेकिन फिर सोफी कहती है कि कोई बात नहीं, लोगों को पता चले या ना चले, बट मुझे पता है, हमें पता है, मुझे और डेनी केसी को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। और वो ये भी सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते कि लोग किस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं और किस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, ये उनकी च्वाइस है। ऑब्वियसली मैं हर किसी को प्रूफ नहीं कर सकती, बट यही चीज मुझे बहुत ज्यादा डिसपॉइंट भी करती है कि मैं अब कभी भी उन्हें प्रूफ नहीं कर पाऊंगी कि मैं सही थी और वो गलत थे। और अब वो ये भी सोचने लगती है कि मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे फ्यूचर में कैसे इस बर्डन को कैरी करके जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली वाले तो अब मुझे झूठी झूठी बोलने वाले हैं, मतलब अब कोई भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करने वाला है, लोग जो है ना वो मुझ पे अब डाउट करेंगे, लेकिन मुझे खुद को संभालना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो पता है ना कि ये सब कैसे हुआ था, हम कैसे मिले थे। अब वो सोचने लगती है कि वो कैसे घर जाएगी, और वो जियोफ को बोलेगी कि डेनी केसी उससे मिलने नहीं आया था। और फिर एकदम से जियोफ अपनी रूम की तरफ जाएगा और जोर से दरवाजा बंद करेगा गुस्सा होकर, बट फिर भी हम मतलब मैं और डेनी केसी जानते हैं कि हमारी मीटिंग कैसे हुई थी। बट फिर भी इस चीज को प्रूफ ना कर पाना ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है, एक तरह से कह सकते हो।
और वो चलते चलते एक पब से पास हो रही होती है और तभी वो देखती है कि उसके फादर की जो बाइसाइकिल है ना वो पब के बगल में पड़ी हुई है, मतलब कि वॉल से सपोर्ट होकर रखी हुई है। और फिर वो मन ही मन सोचती है कि अच्छा ही हुआ उसके फादर पब में है, क्योंकि जब वो घर पे पहुंचेगी तब उसके फादर उस वक्त वहां पे घर पे नहीं होंगे। और वापस जाते जाते वो एक आर्केड से पास होती है, वो वही आर्केड होता है जहां पे वो पहली बार डायनी कैसे से मिली थी। और सोफी उस मीटिंग को याद करने लगती है कि वो कैसे डायनी कैसे से मिली थी, और फिर वो इमेजिन करने लगती है कि वो कैसे डायनी कैसे के पास जाएगी और उससे पूछेगी कि आर यू डायनी कैसी, तो डायनी कैसी मुरेगा और कहेगा यस दैट्स राइट। और फिर वो डायनी कैसी से बताएगी कि कैसे वो हर हफ्ते जाकर उसका मैच देखते हैं, उसके पापा भी जाते हैं, उसके बड़े भाई छोटे भाई भी जाते हैं और वो भी जाती है, जिस पे डायनी कैसी कहेगा ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, मतलब कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर मैं उससे कहूंगी कि क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो। उसके बाद सोफी कहती है कि जो डायनी कैसी की आईज थी ना उसके इमेजिनेशन में वो बिल्कुल सोफी के लेवल पे ही थी, मतलब डायनी कैसी एक्चुअल में सोफी जितना ही बड़ा था हाइट में, और सोफी ने पहले भी कहा था कि वो इतना टॉल नहीं है अगर तुम्हें याद हो तो। फिर सोफी इमेजिन करते करते सोचती है कि जो डायनी कैसी है ना उसके नोज में पैचेस होंगे, और जब डायनी कैसी स्माइल करते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा साई लगते हैं, और डायनी कैसी के टिथ मतलब दांत के बीच में गैप भी दिखने लगते हैं, और उनके जो आईज है ना वो ग्रीन होते हैं, मतलब डायनी कैसी के, और जब वो मुझे देख रहा होगा तब उसकी आईज जो होगी ना वो साइन करने लगेगी, चमकने लगेगी, और उसकी जो आईज होगी ना वो थोड़ी जेंटल भी होगी लेकिन थोड़ी डरी डरी सी भी होगी। और फिर वो इमेजिन करते करते सोचती है कि वो बिल्कुल एक गजल के जैसा दिखता है। गजल एक एनिमल होता है जिसकी बहुत ही सुंदर आईज होती है, बहुत ही खूबसूरत आईज होती है, तुम स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे। फिर सोफी इसी मूवमेंट पे अपनी जो फेस है ना उसे थोड़ी टिल्ट कर लेगी, मतलब दूसरी जगह देखने लगेगी ताकि डायनी ज्यादा शर्माए नहीं और उसे अच्छे से देख पाए। और फिर सोफी एकदम से उसकी तरफ देखेगी, वो एकदम ब्रीथलेस दिख रहा होगा, और उसके बाद डायनी कैसी बोलेगा कि मेरे पास तो पेन नहीं है। फिर सोफी बोलेगी हाँ मेरे पास भी नहीं है, और फिर वो डायनी कैसी से कहती है कि मेरे जो ब्रदर्स है मेरे जो भाई है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा उदास होंगे। और यही सब सोफी सोच रही होती है आर्केड के सामने खड़े होकर काफी देर तक, वो ये सोच रही होती है कि डायनी कैसी की जो वॉइस होती है ना वो कितनी सॉफ्ट और मेलोडियस होती है, उसके ग्रीन आईज कैसे सिमर कर रही थी, वो ज्यादा टॉल भी नहीं था ज्यादा बोल्ड भी नहीं था, उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स थी और वो एक इनोसेंट जीनियस था, द ग्रेट डायनी कैसी। और वहीं खड़े खड़े वो लास्ट सैटरडे की पूरी चीज को रीइमेजिन करती है, वो सोचती है कि जब लास्ट सैटरडे वो लोग मैच देखने गए थे तो जो दो डिफेंडर्स थे ना वो कितने ज्यादा कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा स्लो थे, और डायनी कैसी कैसे एकदम घोस जैसा दोनों के बीच से निकल जाता है और दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। और उस मोमेंट पे जो स्टेडियम में 50,000 लोग बैठे होते हैं वो एकदम से अपने सांस को रोक लेते हैं जब डायनी कैसी एकदम घोस्ट की तरह बॉल को एकदम फास्टली ले जा रहा था दोनों डिफेंडर्स के बीच से गोल की तरफ, और तभी एक्सप्लोजन होता है, मतलब एक साउंड सी आती है जैसे ही डायनी कैसी उस बॉल को एक लात मारता है, और वो जो बॉल होता है ना वो एकदम से जाके स्ट्रक करती है गोल में एकदम क्रिस्पीली, और तभी वहां पर जो 50,000 लोग होते हैं वो सडन इरप्शन करते हैं, मतलब एकदम से चिल्लाने लगते हैं ताली बजाने लगते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो गोल होते ही एकदम माहौल बन जाता है। एंड दिस इज हाउ तुम्हारे चैप्टर का डी एंड होता है। यार मैंने लिटरली तुम्हारे इंग्लिश बुक में क्या क्या नहीं देखा है, आज वन साइडेड लव भी देख लिया यार, सच में क्लास 12 की इंग्लिश स्टोरीज एकदम कड़क है यार तुम्हारी बुक की। खैर होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर 12th के बाद मुझे छोड़ के जा रहे हो तो सेकंड चैनल को फॉलो कर लो। माय नेम इज एनाबेल एंड वेलकम टू माय टी पार्टी। कुकी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया, एंड आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही मस्त सा चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। तो देखो हमारा जो चैप्टर है ना लॉस्ट स्प्रिंग, इसे लिखा है एनिस जंग ने, जिनका बॉर्न हुआ था 1964 में और वो राउरकेला में जन्म ली थी। ठीक है, इतना ही इनके बारे में जानो काफी है। अब देखो ये जो हमारा जो पूरा चैप्टर है ना द लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज है और दो अलग अलग लड़कों की स्टोरीज है। और हमारे चैप्टर का पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग क्या हुआ। हम लोग का सीजन का सबसे ब्यूटीफुल सीजन स्प्रिंग ही होता है ना पूरे सीजन्स में, और हम लोग का जो बचपन होता है वो हमारे लाइफ स्पैन में सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है हमारे लिए, तो इसलिए ये दोनों को रिलेट किया गया है। ठीक है, ये बात को याद रखना। और इस चैप्टर में जो दोनों स्टोरीज है ना, उस दोनों स्टोरीज में ऑथर ऐसे बच्चों के बारे में बात करेगी ना जो अपनी चाइल्डहुड को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते और अपने चाइल्डहुड को खो देते हैं, इसलिए इस स्टोरी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड।
तो देखो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो स्टोरीज में। जो सबसे पहला पार्ट है उस पार्ट का नाम है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस स्टोरी में तुम लोग को एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है साहेब ई आलम, जो कि एक रैक पीकर है। और सेकेंड पार्ट का जो टाइटल है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मुकेश, जो कि बैंगल मेकर का बेटा है। ठीक है, इस वीडियो में हम पहले पार्ट को ही डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में वो जो लड़का है ना, साहेब ए आलम, तो यहाँ पे नरेटर उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में बताती है, यानी कि वो लड़का कहाँ रहता था। वो बताती है कि वो जो लड़का था ना, वो बांग्लादेश से आया हुआ है और उसका घर ढाका में था, यानी कि बांग्लादेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है ढाका, वहाँ पे वो रहता था। और वहाँ पे वो खेतों के बीच में रहता था, उसके घर के आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। पर वो अपना घर वहाँ से क्यों छोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक स्टॉर्म आया, ठीक है, तूफान आया और उसका घर वर सब उजड़ गया, और उसके बाद उसे शिफ्ट होना पड़ा मजबूरी में बड़े सिटीज में, ताकि वो पैसा कमा के वो और उनकी फैमिली पैसे कमा कर जिंदा रह सके, यानी कि खाना खा सके और अपना लाइवलीहुड चला सके। फिर ऑथर बताती है कि उनके फैमिली में ये सब बात सब कोई भूल चुके हैं। तो अब मेन स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ऑथर देखती है कि वो जो साहेब होता है ना, वो जो लड़का होता है, वो कूड़ेदान से कुछ ढूंढ रहा होता है। तो ये देख के साहेब से वो पूछती है ऑथर कि तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। तो साहेब बहुत ही लो टोन में जवाब देता है, क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। और ये सुनते ही ऑथर उस लड़के से पूछती है कि तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। फिर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती से क्या पूछ दिया, क्योंकि वो तो एक रैक पिकर है। रैक पिकर का मतलब तुम लोग को पता है ना, कूड़े उठाने वाला समझ लो, वही होता ही है यार। रैक पिकर का मतलब होता है कूड़े उठाने वाला। तो फिर तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या पूछ दिया, एक रैक पिकर कैसे स्कूल जा सकता है। बट वो जो रैक पिकर होता है ना, यानी कि साहेब होता है, वो अच्छे से रिप्लाई देता है और कहता है कि वो स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके आसपास के शहर में कोई भी स्कूल नहीं है। और साहेब ये भी बोलता है कि अगर उसके नेबरहुड में कहीं स्कूल बन गया तो वो जरूर जाएगा। फिर ऑथर मजाक में कह देती है कि अगर वो स्कूल बना दिए तो क्या वो उनके स्कूल में आएगा। पर ये बात सुनते ही साहेब के फेस में बहुत ही अच्छी वाली स्माइल आ जाती है, वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो जरूर आएगा। फिर ये इंसिडेंट के कुछ दिन बाद वो जो लड़का होता है साहेब, वो दौड़ते हुए नरेटर के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया है। तो फिर नरेटर बोलती है कि नहीं, एक स्कूल को बनने में काफी टाइम लगता है। फिर अंदर ही अंदर नरेटर जो होती है ना, सॉरी ऑथर जो होती है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा अशेम्ड फील करती है, शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जो प्रॉमिस कर दिया है वो शायद वो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। फिर ऑथर बोलती है कि वो एक अकेली लेडी नहीं है जिन्होंने ऐसा काम किया है। इस जो ब्लीक वर्ल्ड में, यानी कि इस कलरलेस वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो साहेब जैसे लोगों को झूठे प्रॉमिस करते रहते हैं, यानी कि गरीब लोगों को झूठे प्रॉमिस और दिलासा देते रहते हैं, जो कि वो कभी भी पूरा नहीं करने वाले। अब हमारी ऑथर बता रही है कि काफी टाइम तक साहेब को जानने के बाद वो साहेब से उसका नाम पूछती है। तो साहेब जो होता है वो अपना नाम रिप्लाई करता है, वो बोलता है साहेब ई आलम। तो फिर ऑथर बोलती है, मतलब अंदर ही अंदर सोच रही है और कह रही है, हम लोग को बता रही है कि अगर कोई इस बच्चे को इसके नाम का मतलब बताएगा तो इस बच्चे को खुद अपने नाम का मतलब पे यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहेब ई आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और साहेब को यकीन किस लिए नहीं होगा, क्योंकि वो एक रैग पिकर है और लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एकदम उल्टा हो गया, मतलब राजा रंक वाला केस हो गया। उसका नाम जो है वो तो है राजा वाला, बट एक्चुअली में वो क्या निकला, रंक। रंक मतलब गरीब। फिर हमारी ऑथर बताती है कि साहेब जो होता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा रोड पे घूमते रहता है, और उनके जो दोस्त है ना, मतलब उनके जो दोस्तों का ग्रुप है ना, उसे हमारी ऑथर क्या बुलाती है, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, क्योंकि कोई भी चप्पल या जूता नहीं पहनता है, सभी खाली पैर रोड पे घूमते रहते हैं ग्रुप में। फिर हमारी ऑथर बोल रही है कि वो जो साहेब का ग्रुप है ना, वो बस दिन के टाइम में, यानी कि सुबह के टाइम में दिखाई देता है, लेकिन शाम के टाइम में गायब हो जाता है, बिल्कुल एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जो कि दिन में दिखाई देती है पर शाम में कोई भी मॉर्निंग बर्ड्स नहीं दिखाई देता है। उसी तरह साहेब की जो आर्मी थी ना, वो भी एकदम मॉर्निंग बर्ड की तरह ही थी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि एक मंथ बीत जाता है, ठीक है, और वो अच्छे से साहेब और साहेब के दोस्तों को पहचानने लगती है, जानने लगती है। फिर एक दिन ऑथर जो साहेब के साथ जो बच्चे लोग घूमते रहते थे ना, उनसे पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पूछ मतलब पहनते हो। तो उनमें से एक रिप्लाई करता है और कहता है कि क्योंकि उसकी मम्मी सेल्फ से चप्पल उतार के उसे नहीं देती है। फिर उसके बगल में एक लड़का खड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर इसकी मम्मी इसे चप्पल उतार के दे भी दे, तब भी ये लड़का उस चप्पल को नहीं पहनेगा। फिर ऑथर रिकॉग्नाइज करती है कि ये बात जो लड़का बोल रहा था ना, उसने जूता पहना हुआ था,
पर वो देखती है कि वो जो जूता पहना हुआ था ना, एक पैर में कोई और कलर का जूता था और दूसरा पैर में कोई और कलर का जूता था, यानी कि मैचिंग नहीं था। फिर वो पूछती है उस लड़के से कि तुमने ऐसा जूता क्यों पहना है, मतलब अलग अलग कलर का, अलग अलग पैर का। तो वो जो लड़का होता है ना, वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। पर वहीं पे एक लड़का और खड़ा होता है और वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि उसे भी जूता चाहिए, पर उसने आज तक लाइफ में अपना एक भी जूता नहीं खरीदा होता है, यानी कि उसके पास एक भी जूता का पेयर नहीं होता है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि वो कंट्री के अलग अलग जगह पे ट्रैवल की है और उन्होंने जब भी किसी मतलब ऐसे लोगों से, ऐसे गरीब लोगों से पूछा है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो कभी भी वो ऐसा रिप्लाई नहीं करते कि उनके पास पैसा नहीं है या फिर वो चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये उनका ट्रेडिशन है जिसमें जूता नहीं पहना जाता, यानी कि जूता पहनना अलाउड नहीं होता ऐसा ट्रेडिशन में। फिर ऑथर बोलते हैं कि उन्हें पता है कि ये कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, बल्कि ये बस एक क्या बोलता है, एक्सक्यूज है, ताकि वो अपने एक्चुअल परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को छुपा सके, मतलब सीधे शब्दों में बस अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। फिर हमारे ऑथर को एक स्टोरी याद आता है जो एक इंसान ने बताया था जिसका नाम था उदीपी। नाम याद रखना ठीक है, उदीपी। वो इंसान ने बताया था कि जब वो छोटा था ना, तब उसके फादर प्रिस्ट थे, ठीक है, उसके फादर क्या थे, प्रिस्ट। और वो जब भी स्कूल जाता था तब वो मंदिर के पास रुक के प्रे करता था कि भगवान प्लीज उसे एक पेयर ऑफ जूता दिला दे। और फिर ऑथर बता रही है कि जब वो इंसान छोटा था, उसके 30 साल बाद वो वापस से उस शहर को विजिट करने आई है। फिर ऑथर बता रही है कि वो उसी टेंपल को वापस से विजिट करती है और वो बताती है कि वो अब टेंपल बहुत ही ज्यादा डिसोल्यूशन में था, मतलब वो टेंपल, मतलब उसके आसपास बहुत ज्यादा खाली जगह थी और उस टेंपल को कोई देखने, विजिट करने ज्यादा लोग नहीं आते थे, ठीक है, मतलब ना के बराबर लोग आते थे। फिर वो देखती है कि उस टेंपल के पीछे प्रिस्ट रहते हैं और वो फिर देखती है ना कि एक बच्चा दौड़ते हुए आता है जो कि पूरे के पूरे स्कूल यूनिफॉर्म में था, ठीक है, जूता पहना हुआ था, ड्रेस पूरा का पूरा पहना हुआ था और बैग भी टांगा हुआ था। वो दौड़ते हुए आता है और अपना बैग बेड पे फेंक के चला जाता है। फिर ऑथर को उस बच्चे को देख के वो बच्चे की याद आ जाती है जो वो 30 साल पहले, जिसके बारे में, स्टोरी के बारे में उन्हें पता था। फिर वो बोलती है कि शायद अब उस बच्चे की प्रेयर को भगवान ने सुन लिया है और अब प्रिस्ट के बच्चों के पास भी जूते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक रैग पिकर जो होते हैं, यानी कि कचड़े उछाने वाले लोग जो कचड़ा उठाते हैं वैसे, और उनके जो बच्चे होते हैं, उनके पास जूते नहीं है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि बेयरफुट रैग पिकर से उन्हें एक प्लेस के बारे में याद आता है जिसका नाम है सीमापुरी, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। पर फिर वो बोलती है कि मेटाफोरिकली ऐसा वो इसलिए बोल रही है ना क्योंकि दिल्ली के जो जैसा लिविंग कंडीशन है, दिल्ली में जैसे लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, और दिल्ली का जो टाउन है, बड़े बड़े टॉल टॉल बिल्डिंग, पर सीमापुरी अगर कोई जाएगा ना तो लगेगा ही नहीं कि वो दिल्ली में है, उसे लगेगा कि वो दिल्ली से बहुत दूर आ चुका है, क्योंकि सीमापुरी जो जगह है ना, वहाँ बहुत छोटे छोटे घर और, मतलब समझ रहे हो ना, रैग पिकर्स जैसे लोग, यानी कि बहुत जो गरीब लोग हैं वहाँ पे वो लोग रहते हैं। फिर ऑथर बोल रही है कि सीमापुरी में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो लोग सब वहाँ पे इलीगली सेटल्ड है, यानी कि कोई किसी का वो प्राइवेट प्लेस नहीं है, और वहाँ के ज्यादातर लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे और उसी जगह पे जाके सेटल हो गए, और जो साहब की फैमिली है ना, उसी में से एक है। फिर ऑथर बताती है कि इन लोगों के आने से पहले वो जो सीमापुरी जगह था ना, वो एक्चुअली बस एक बैरन लैंड था जहाँ पे कोई नहीं रहता था। फिर वो बोलती है कि ये अभी भी एक बैरन लैंड ही है, पर यहाँ पे अब बहुत लोग रहने लगे हैं। फिर वो बताती है कि सीमापुरी में जो लोगों का घर जो बना हुआ है ना, वो मड के, मतलब मड से बना हुआ है, और जो रूफ है ना, वो टिन और टारपोलिन से बना हुआ है। और वो बताती है कि वहाँ पे कोई अच्छा सा सीवेज सिस्टम नहीं है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, और वहाँ पे रनिंग वाटर यानी कि पानी भी नहीं आता है, पर वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स रहते हैं और वो लोग वहाँ पे 30 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं बिना कोई आइडेंटिटी कार्ड के। हाँ, पर तुम लोग को पता है उनका, उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पर उनके पास राशन कार्ड है जो कुछ पॉलिटिशियंस ने उन्हें दिलवाए हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो कि पॉलिटिशियंस ने इन्हें, इनका भला क्यों किया? इनका भला नहीं किया, एक्चुअली उन्हीं का फायदा हुआ। राशन कार्ड के बदले ये उन्हें वोट देते हैं और उसके बदले में इन्हें राशन कार्ड मिलता है जिससे ये अपने लाइवलीहुड को जी सकते हैं, यानी कि जो खाने का सामान है ना वो कम दाम में खरीद सकते हैं। और इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बस खाने के लिए दो वक्त की खाना चाहिए, अच्छा सा, वैसे बोलने के लिए दो वक्त, तीन वक्त तक चाहिए किसी को भी, तो फिर इन्हें क्या चाहिए, इन्हें बस खाना चाहिए और खाने के बदले ये वोट देते हैं। इससे पॉलिटिशियंस का भी फायदा और इनका भी फायदा, अलग बात है कि पॉलिटिशियंस का कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया। हाँ, और एक बात, राशन कार्ड की वजह से ही इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है, अगर राशन कार्ड इनके पास नहीं रहेगा तो ये वोट भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारी ऑथर जो होती है ना, वो कुछ लेडीज से जो कि टाटर्ड साड़ी पहनी हुई होती है, टाटर्ड का मतलब क्या हुआ, गंदे और पुराने साड़ियां जो पहनी हुई होती है ना, वैसी लेडीज से वो जाके पूछती है कि आप लोग अपने घर छोड़ के यहाँ क्यों आए, अब अपने घर में आपके पास खेत था, आप वहाँ पे खेती करते, आप वहाँ पे भी तो रह सकते थे, फिर आप वहाँ छोड़ के यहाँ पे क्यों रहने आए।
तो वो लेडीज लोग जवाब देती है कि वो वही रहेगी जहाँ पे वो दो वक्त का खाना खा सके और रात में उन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। और फिर वो बोलती है कि ऐसा लैंड जहाँ पे क्रॉप ही ना उगे उससे अच्छा है कि ऐसा जगह रहे जहाँ पे उन्हें दो वक्त का खाना मिल सके और उनकी फैमिली को भी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि इन्हीं लोगों के साथ साथ इनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी बचपन से पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं, यानी कि वो भी बचपन से ही कमाना नहीं मतलब काम करना सीख जाते हैं और बचपन से ही काम करने लगते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को भी फीड कर पाए। और उस जगह पे यानी कि सीमापुरी में सभी लोग रैट पिकिंग करते हैं क्योंकि उस जगह पे सर्वाइवल का मतलब ही होता है रैट पिकिंग। और फिर ऑथर बता रही है कि इन लोग के लिए रैट पिकिंग एक फाइन आर्ट्स की तरह बन गया है और इन्हें अब कचड़ों से मतलब घिन नहीं होती बल्कि ये उनके लिए गोल्ड की तरह है क्योंकि इससे वो अपनी फैमिली को फीड कर पाते हैं और अपनी लाइवलीहुड जी पाते हैं। और फिर साहेब ऑथर को एक बार बताते हैं, यानी कि साहेब जो बच्चा था ना साहेब ई आलम, वो एक बार ऑथर को बताते हैं कि उन्हें कभी कभी गार्बेज के बीच से तो 1 रुपीज का कॉइन या कभी कभी 10 रुपीज का नोट भी मिल जाता है। और फिर ऑथर बता रही है कि जब इन जैसे बच्चों को 1 रुपीज का कॉइन या 10 रुपीज का जो नोट मिलता है ना तब ये बच्चे भी अपने आप को और रोक नहीं पाते हैं और ढूंढने से, इसलिए वो गार्बेज को और ढूंढने लगते हैं इस होप में कि काश उन्हें और भी पैसा मिल जाए। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए दोनों के लिए उन जो कूड़ा कचड़ा का जो मतलब होता है ना वो दोनों अलग है। जैसे इनके पेरेंट्स के लिए वो गोल्ड जैसा है यानी कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, वहीं इन बच्चों के लिए वो एक क्या बोलते हो मिस्टीरियस थिंग है, रैप्ड इन वंडर्स है, जिसके अंदर से इन्हें अजीबो गरीब चीजें मिलती है जैसे कि क्वाइंस नोट्स, इसे ढूंढ के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि एक दिन सुबह में साहेब को वो देखती है एक फेंस डोर के पास खड़ा रहता है और साहेब क्या कर रहा होता है, वो लोगों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा होता है और साहेब कहता है कि उसे ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद है। साहेब ये बता रहा है कि जब वो लोग जो खेलने आए ना टेनिस वो लोग खेल के चले जाते हैं तो वहां का जो गेटकीपर है ना वो साहेब को थोड़ी देर के लिए अंदर घुसने देता है ताकि वो भी थोड़ी देर टेबल टेनिस खेल सके, यानी कि वो टेनिस बैट को स्विंग कर सके बस। उस दिन ऑथर एक और चीज नोटिस करती है कि उस दिन साहेब ने व्हाइट शूज पहन रखे थे। फिर वो एक और चीज बताती है कि वो उसने जो शर्ट और पैंट पहना था ना यानी कि शर्ट और ट्राउजर वो बहुत ही ज्यादा फेडेड था, बहुत ही ज्यादा गंदा था, लेकिन फिर भी उसने टेनिस शूज पहन रखे थे जो कि बहुत ही अजीब बात है। फिर साहेब बोलता है कि someone gave that to me, यानी कि एक बार एक लड़के ने मुझे ये जूता दे दिया। फिर ऑथर सोचती है कि वो लड़का जरूरी बहुत ज्यादा अमीर लड़का होगा जो कि यहाँ पे खेलने आया करता होगा और उसने उस जूते को साहेब को इसलिए दे दिया क्योंकि उसमें से एक जूते में आगे में थोड़ा सा होल था यानी कि थोड़ा सा कटा हुआ था। फिर ऑथर बोलती है वो अमीर लड़के की तो अलग बात है पर साहेब जैसे लड़के के लिए वो होल वाला शूज भी एक सपने की तरह है जो कि आज उसका पूरा हो गया है। पर फिर ऑथर कहती है वो सूज तो अलग बात है पर ये जो गेम वो लड़का देख रहा है यानी कि साहेब देख रहा है वो साहेब के लिए एक ऐसा सपना है जो शायद वो कभी पूरा भी नहीं कर पाएगा। और तुम लोग को अच्छे से पता है कि ऑथर ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि अगर टेनिस सीखना है तो उसके लिए कोचिंग जाना पड़ता है, अगर कोचिंग नहीं भी जानते तो प्रैक्टिस करने के लिए सामान चाहिए जैसे टेनिस बैट टेनिस बॉल और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इनरोल होना पड़ेगा गेम्स में और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है खासकर रैक पिकर्स के तो बिल्कुल नहीं। फिर ऑथर बता रही है कि कुछ दिन बाद वो साहेब को देखती है कि वो एक दिन मिल्क वाला जो स्टील वाला होता है ना उसे लेके जा रहा होता है। फिर वो बोलती है कि वो जब साहेब को ऐसे देखती है तो साहेब से पूछती है तो साहेब बोलता है कि अब वो जो रोड के किनारे एक टी स्टॉल है वहां पे वो काम करने लगा है। और साहेब ये भी बताता है कि वहां पे काम करने के बाद उसे 800 रुपीज भी मिलते हैं और उसे काम करने के टाइम खाना भी दिया जाता है। फिर ऑथर साहेब से पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता यहां पे ऑथर बता रही है कि जब वो उसका केयरफ्री लुक देखती है ना तब उन्हें लगता है कि वो जो स्टील कैनिस्टर है वो काफी ज्यादा हेवियर है जो उससे पहले वो काम करता था, यानी कि प्लास्टिक के वो जो झोला में कचरा लेके भर के जो घूमता था ना उससे ज्यादा हेवियर तो वो स्टील कैनिस्टर है। बट एक्चुअली में तुम लोग को पता होगा कि स्टील कैनिस्टर उतना भी भारी नहीं है जितना वो पहले उस प्लास्टिक में गार्बेज लेके घूमता था, पर यहाँ पे ऑथर ऐसा इसलिए बोल रही है ना क्योंकि उनके हिसाब से कि पहले वो बिल्कुल फ्री था, वो कुछ भी कर सकता था, वो अपने मर्जी से पैसा कमाता था उस गार्बेज को बेच के, पर अब उसे एक इंसान के अंदर काम करना पड़ रहा है जो उसे ऑर्डर्स देगा। और चैप्टर के एंड होते होते फर्स्ट पार्ट के एंड होते होते वो ऑथर ये कहती है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर और यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। एंड पता है आज हम क्या करने वाले हैं? अरे हम पिछले वाले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। यार मैं इतने एक्साइटेड होकर क्यों बोल रहा हूँ यार, कंटिन्यू ही तो करने वाले हैं।
नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ये पिछला वाला पार्ट को हम कंटिन्यू नहीं करने वाले, एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना ये कम्प्लीटली न्यू स्टोरी है और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी है एंड थोड़ा दुख भरा भी है, तुम्हें पता चलेगा कि जो बच्चे होते हैं ना पॉवर्टी में कैसे रहते हैं और उनके लाइफ के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तो इस स्टोरी में हमें जिस बच्चे के बारे में जानना है उसका नाम है मुकेश और हमारा जो स्टोरी का टाइटल है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज कर दो, दोनों के लिए अच्छा होगा यार, आप लोग को भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे एंड मेरे को भी अच्छा फील होगा। अब चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर बता रही है कि मुकेश जो है ना वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। मुकेश आके ऑथर को बोलता है कि वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो फिर ऑथर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में नॉलेज है। फिर मुकेश ऑथर की आईज में देखते हुए मतलब एकदम डिटरमाइंड होके कहता है कि नहीं पर वो सीख लेगा। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि मुकेश का जो ड्रीम है ना वो बिल्कुल एक मिराज की तरह दिखता है। मिराज क्या होता है यार, तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग डेजर्ट में जाओगे ना तो तुम्हें कभी कभी सामने पानी का सोर्स दिखेगा, अगर तुम बहुत ज्यादा प्यासे होगे तो तुम्हें सब कभी कभी सामने पानी का सोर्स दिखेगा यानी कि तालाब दिखेगा, पर तुम जब सामने जाओगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा। तो यहीं पे ऑथर बोल रही है कि मुकेश का ड्रीम भी कुछ इसी टाइप का है जो कि बिल्कुल एक इमेजिनेशन जैसा लग रहा है जो कि शायद ही पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि फिराजाबाद के जितने भी बच्चे हैं ना वो लोग इतने बड़े ड्रीम्स नहीं देख सकते क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। और हाँ यहाँ पे पता चलता है कि मुकेश कहाँ रहता है, फिराजाबाद में रहता है, फिरोजाबाद। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि फिरोजाबाद जो जगह है ना बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और फिरोजाबाद को इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। और फिर ऑथर बताती है कि यहाँ जो लोग है ना वो लोग अपना जनरेशन पे जनरेशन बिता चुके हैं यहाँ के फर्नेसेस यानी कि भट्टी के सामने काम करते करते और ग्लास को वेल्ड करते करते और बैंगल्स बनाते बनाते, वो भी सारी औरतों के लिए जो भी इस धरती में जन्मी है। फिर ऑथर बताती है कि मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। फिर ऑथर बोलती है कि यहाँ के किसी भी फैमिली को ये पता नहीं है कि मुकेश जैसे बच्चों को बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करवाना इलीगल है, ये एक चाइल्ड लेबर भी कहलाएगा, है ना। फिर ऑथर बता रही है कि यहाँ के बच्चों को हाई टेम्परेचर के सामने डिंगी सेल्स में यानी कि ऐसे कमरे जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट और हवा नहीं आते वैसे कमरे में यहाँ पर के बच्चे काम कर। फिर हमारी ऑथर बोल रही है कि अगर यहाँ पे लॉ इन्फोर्स हुआ यानी कि अगर यहाँ पे लॉ लागू हुआ वो भी सख्ती से कि जो चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है और इतने छोटे छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते, अगर ये लॉ इन्फोर्स हुआ ना इस जगह पे तो यहाँ की सरकार ना यहाँ के 20,000 बच्चों को बचा सकती है। फिर ऑथर बोल रही है कि जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं ना दिन रात बैठकर उसकी कारण से उनका आईसाइट भी खो जाता है कम ही उम्र में क्योंकि वो लोग भट्टी के सामने दिन रात बैठकर काम करते रहते हैं। इसके बाद ऑथर बताती है कि मुकेश उन्हें प्राउडली अपने घर की तरफ ले जाता है और वो बोलता है कि उसका घर जो है ना वो रिबिल्ट हुआ है यानी कि फिर से बन रहा है। फिर ऑथर बता रही है कि जब वो मुकेश के घर जा रही होती है ना तब वो देखती है कि उस रास्ते में पूरा गार्बेज फेंका हुआ होता है। फिर वो देखती है जो वहाँ के घर सब होते हैं ना वो सबके क्रम्बलिंग वॉल्स होते हैं यानी कि टूटे फूटे वॉल्स होते हैं, अच्छे से बने हुए नहीं होते हैं। फिर वो बोलती है वो भी डोर्स होती है मतलब कमजोर डोर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने भी हो चुके होते हैं। फिर वो बोलती है उन सारे घर में एक भी विंडो नहीं होता है और वो काफी छोटे छोटे घर होते हैं पर उस घर में काफी बड़ी फैमिली होती है, मतलब छोटे से घर में बहुत बड़ी बड़ी फैमिली रह रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि उसके अलावा वो जो एरिया था ना वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड था पीपल और एनिमल से। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि इतने सारे लोगों को और एनिमल्स को साथ में देख के उन्हें लगता है कि वो कोई प्रिमिटिव स्टेट में यानी कि प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे एनिमल्स और लोग साथ में। फिर वो बोलती है कि मुकेश तभी एक घर के सामने रुक जाता है जो कि हाफ बिल्ड होता है और उसका दरवाजा लोहा का होता है। मुकेश उस दरवाजे वाले लोहे पे एक लात मारता है और अंदर घुस जाता है। फिर ऑथर को समझ में आ जाता है कि ये मुकेश का घर है। फिर ऑथर बोलती है कि वो घर के अंदर फायरवुड स्टोव देखती है जो कि डेड ग्रास से बना हुआ था, स्टोव मतलब चूल्हा, वो फायरवुड स्टोव देखती है जो कि डेड ग्रास से बना हुआ था। फिर वो देखती है उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ था जिसमें स्पिनच लीव्स बन रहे थे। फिर ऑथर बोलती है कि जमीन पे बड़ा सा अल्मोनियम का प्लेट रखा हुआ था जिसमें बहुत सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स रखे हुए थे। फिर ऑथर बोल रही है कि उसी स्टोव के बगल में एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी मतलब जो कि बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी और वो पूरे फैमिली के लिए खाना बना रही। फिर ऑथर बता रही है कि फायरवुड स्टोव में काम करते करते उस लड़की की आंखों में पूरा स्मोक भर गया था यानी कि उसके लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे थे पर फिर भी लड़की स्माइल कर रही थी। फिर ऑथर बताती है कि उस लड़की का एज ज्यादा नहीं लग रहा था फिर भी उस लड़की के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वो लड़की मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी यानी कि वाइफ थी। हमारी ऑथर बोल रही है कि इतने कम उम्र में ये लड़की इस पूरे घर की इंचार्ज बन गई है और इसके ऊपर तीन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक है मुकेश, एक मुकेश का बड़ा भाई मतलब उसका हस्बैंड और मुकेश के पापा। फिर ऑथर में बताती है कि जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं तभी मुकेश के भाई की जो वाइफ होती है ना मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ होती है वो दीवार के पीछे चली जाती है और अपने आंचल से अपने फेस को ढक लेती है
उसे आचल ही बोलते हैं ना शायद, क्योंकि उस टाइम एक कस्टम था कि बड़े मेल एल्डर्स के सामने किसी भी घर की औरत अपना फेस मतलब ओपन करके किसी भी मेल एल्डर के सामने नहीं जा सकती है, मतलब बिना फेस ढके नहीं जा सकती है। फिर यहाँ पे ऑथर बता रही है कि मुकेश के जो फादर है ना वो एक बैंगल मेकर है, पर उन्होंने पहले टेलरिंग का काम भी किया हुआ है। फिर ऑथर बताती है कि वो बैंगल मेकिंग का काम बहुत ज्यादा लेबोरियस टाइप से करते हैं, पर फिर भी वो इतना काम करने के बावजूद अपने घर को अच्छे से रिनोवेट नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं बना पाए और अपने दोनों बेटों को भी अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए, पर बस वो इतना ही कर पाए कि वो अपने दोनों बेटों को अच्छे से बैंगल मेकिंग का काम सिखा दे रहे हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। वहीं पे मुकेश की ग्रैंडमदर बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि ये काम जो बैंगल मेकिंग का काम है ना ये हमारे एंसेस्टर से चलता आ रहा है और ये हमें गॉड ने काम दिया है, मतलब बैंगल मेकिंग का, और ये क्या कभी टूट सकता है, ये काम का जो प्रोसेस है जो हमारे फैमिली से चलता आ रहा है बहुत पहले से, क्या ये टूट सकता है कभी। फिर हमारी ऑथर ये भी बता रही है कि वो जो ग्रैंडमदर थी ना वो बताती है, मुकेश की जो ग्रैंडमदर थी वो बताती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा था उस बैंगल मेकिंग के डस्ट के कारण से, मतलब जो बैंगल बनाने टाइम जो डस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो छोटी छोटी डस्ट प्रोड्यूस होती है उसके कारण आंख खराब भी हो सकता है। फिर मुकेश की ग्रैंडमदर ये भी बता रही है कि जो भी पैदा लेता है ना इस बैंगल मेकिंग फैमिली में वो लोग अपने बचपन से ही पूरे लाइफ में हमेशा हर जगह पे बैंगल ही देखते हैं, वो स्पाइरल बैंगल्स जो अलग अलग कलर के हैं फिरोजाबाद के हर सड़क पे और हर घर पे। फिर यहाँ पे वो बैंगल्स के अलग अलग कलर्स को बता रही है, जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक एंड पर्पल, और अलग अलग रेनबोज के कलर वाले बैंगल्स भी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना वो डार्क रूम में बस छोटे छोटे ऑयल लैंप्स के सामने बैठ कर अपने पापा मम्मी के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, वो अपने पापा मम्मी के साथ बैठ कर उस बैंगल्स के पीसेस को यील्ड करते हैं, यानी कि उस बैंगल्स के जो कलर्ड ग्लास है ना उसको गोल शेप देना। और फिर वहां के जो बच्चे होते हैं ना वो डार्क एनवायरनमेंट में रहने का आदत उन्हें लग जाता है कंपेयर्ड टू आउटसाइड एनवायरनमेंट, क्योंकि वो बहुत डार्क रूम में रहते हैं ना तो उनका आईज डेवलप हो जाता है कि वो डार्क में भी अच्छे से देख पाते हैं। पर ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये सब करते करते डार्क में रहते रहते वो धीरे धीरे अपने आई साइट को भी लूज कर देते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वो एक लड़की को देखती है जिसका नाम है सविता, जो कि बहुत छोटी बच्ची होती है और उसने ड्रैप पिंक ड्रेस पहना हुआ होता है, यानी कि फेडेड पिंक ड्रेस पहना हुआ होता है, और वो एक एल्डर वुमन के बगल में बैठी हुई होती है और वो छोटे छोटे ग्लासेस के पीसेस को सोल्डर कर रही होती है, यानी कि शेप दे रही होती है गोल शेप में, और वो इतनी फास्ट काम कर रही होती है, इतनी तेजी से हाथों से सोल्डर कर रही होती है कि ऑथर को देख के लगता है कि उसके हाथ जो है ना वो हाथ नहीं बल्कि मशीन है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बच्ची थी ना वो बचपन से यही काम करते हुए आ रही है जब से वो बहुत छोटी थी, और अभी भी वो वैसे छोटी ही है और इसलिए वो इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गई है, मास्टर बन गई है। फिर ऑथर खुद से पूछ रही है कि क्या उस लड़की को उस बैंगल के होलीनेस के बारे में पता है, यानी कि उसे पता है कि वो जो बैंगल बना रही है वो इंडिया में औरतों के मतलब जो वुमेन्स होती है उनके लिए सुहाग का काम करता है, और एक दिन जो वो बच्ची बैंगल्स बना रही है ना उसे खुद भी वो पहनना पड़ेगा और तब जाके उसे बैंगल्स की होलीनेस के बारे में पता चलेगा और तब सविता एक ब्राइड बन जाएगी उसी तरह जैसे उसके बगल में जो एल्डर वुमेन बैठी हुई है जो कुछ साल पहले ब्राइड बनी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वो जो सविता के बगल में एक एल्डर वुमेन बैठी हुई है ना उन्होंने अपना आईसाइट लूज कर दिया है बैंगल्स बनाते बना, पर फिर भी उन्होंने अपने हाथों में बैंगल्स पहने हुए रहते हैं। और फिर वो एल्डर वुमेन उसे कहती है, यानी कि ऑथर को कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया हुआ होता है। फिर उस एल्डर वुमेन के बगल में उसके हस्बैंड बैठे हुए होते हैं और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में पूरे लाइफ में बैंगल बनाने के अलावा कोई भी और काम नहीं किया है, और हाँ उन्होंने बस एक ही काम ढंग से कर पाया है, वो है अपने फैमिली के लिए एक घर बना दिया है। और फिर हमारी जो ऑथर है वो बोल रही है कि उन्होंने जो घर बनाया है अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली को जो रूफ दिया है, ऐसा काम तो दूसरे मर्द भी नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे जो दूसरे लोग जो थे ना मेंस थे वो अपनी फैमिली के लिए घर भी नहीं बना पाते हैं, एटलीस्ट इन्होंने अपने फैमिली को एक रूफ तो दिया है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि फिरोजाबाद में जो भी बच्चे होते हैं ना वो कोई भी ड्रीम नहीं देख सकते, या फिर जो बड़े हैं वो भी ड्रीम नहीं देख सकते कि वो कुछ और काम करेंगे, क्योंकि वहां के जो बड़े लोग होते हैं ज्यादातर बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, और बैंगल मेकिंग में वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं है उनके लिए, नहीं है क्योंकि मैं आगे बताऊंगा इसका रीजन। फिर यहाँ पे ऑथर बता रही है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना वो भी अपने पेरेंट्स को देखे देखे मतलब ज्वाइन कर लेते हैं बैंगल मेकिंग वाला काम में,
और फिर भी वो लोग ढंग से पैसा नहीं कमा पाते और अपने फैमिली को अच्छे से फीड नहीं कर पाते। और यही सिचुएशन फिरोजाबाद में ज्यादातर फैमिली के थे। फिर हमारी ऑथर वो एल्डर्स लोग से पूछती है कि तुम लोग सब मिलके अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव्स में क्यों नहीं बना लेते हो, और तुम लोग मिडिलमैन का यूज क्यों करते हो अपने बैंगल्स को बेचने के लिए, तुम लोग डायरेक्ट अपने बैंगल्स को क्यों नहीं जाके सेल करते हो। तो वहां के जो मेंस होते हैं ना, जो एल्डर्स होते हैं, वो रिप्लाई करते हुए और कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी है ना तो पुलिस हमें मारेंगे। फिर ऑथर को समझ में आ जाता है कि ये सब का क्या रीजन है। ये सब का रीजन ये है कि उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है जो कि उन्हें सपोर्ट करे, और अगर उनके पास कोई अच्छा लीडर होता जो उन्हें सपोर्ट करता, उन्हें समझाता, तो फिर वो उनका जो मेंटेलिटी है उसका माइंडसेट चेंज होता और वहाँ के लोग अच्छे से रह पाते और जितना पॉवर्टी उस टाइम था ना उतना नहीं रहता। यहाँ पे ऑथर उन एल्डर्स से इसलिए पूछती है ना क्योंकि बैंगल्स मेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर यहाँ के लोग उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। स्पेशली मिडिलमैन जो होते हैं ना, वो लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट खा जाते हैं, इनसे बहुत कम दाम में बैंगल्स खरीद लेते हैं और बाहर जाके उसे बहुत एक्सपेंसिव दाम में बेच देते हैं। सीधे तौर पे बोले तो मिडिलमैन इन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर ऑथर को एक और बात समझ में आ जाता है कि यहाँ के सारे लोग एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, और ये साइकिल कैसा हुआ, ये साइकिल हुआ बैंगल्स मेकर, मिडिलमैन और बायर्स का साइकिल। और ऑथर को ये भी समझ में आ जाता है कि ये सारे लोग एक एंडलेस स्पाइरल में फंसे हुए हैं जिसमें फायदा किसका होता है, मिडिलमैन और पॉलिटिशियंस, और उसी की वजह से इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि उन लोगों की बात सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग दो तरह के वर्ल्ड में जीते हैं, मतलब दो तरह के वर्ल्ड में कैटेगराइज हो गए हैं। पहले टाइप के तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो बैंगल मेकिंग फैमिली में जन्म लिए हैं तो उनका और कुछ नहीं किया जा सकता, अब उन्हें पूरी लाइफ बस बैंगल्स ही बनानी पड़ेगी, और वो लोग वेब ऑफ पॉवर्टी में फंस चुके हैं, मतलब गरीबी के वेब में फंस चुके हैं। और दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, किसके किसके, मिडिलमैन, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि ये जो दो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है ना, इसी की वजह से हमारे जो इस सोसाइटी के बच्चे हैं वो लोग के ऊपर ये एक दबाव या बैगेज के तौर पे आ गया, जिससे ये बच्चे अब दूर भी नहीं भाग सकते। और जब तक ये बच्चे मैच्योर होते हैं तब तक ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो इनके फादर कर रहे हैं, जो इनके ग्रैंडफादर से करते हुए आ रहे हैं, ये भी वही काम करेंगे, यानी कि बैंगल्स ही बनाएंगे, और अपनी ड्रीम्स की कुर्बानी दे देते हैं। और अगर कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेयर की जरूरत होती है, जो आमतौर पर वहाँ के लोगों और बच्चों पर नहीं पाया जाता है। फिर ऑथर बता रही है जब वो सुनती है मुकेश से कि वो उसके अंदर इतना डेयर होता है और वो बोलता है कि उसे एक मैकेनिक बनना है, तो ऑथर को अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है ये सुनकर। फिर ऑथर मुकेश से पूछती है कि यहाँ पे आसपास तो कोई भी गैरेज नहीं है, फिर तुम यहाँ वहाँ कैसे जाओगे, तो मुकेश बोलता है कि वहाँ पे थोड़े दूर में एक गैरेज है और वहाँ तक वो चल के चला जाएगा। फिर हमारी ऑथर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने में भी शौक रखते हो, तभी मुकेश एकदम साइलेंट हो जाता है और मना कर देता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि हाँ अभी भी उसके अंदर थोड़ा मरमर तो है, मतलब वो कम्प्लीटली क्लियर तो नहीं है, एम्बैरेसमेंट तो है उसके अंदर, पर अभी तक उसका ये ड्रीम उसके लिए रिग्रेट नहीं बना है, यानी कि वो अभी भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर हमारी ऑथर ये बोल रही है कि वो उसको कार में इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो आसपास बहुत सारे कार्स को देखता है, और उसका इंटरेस्ट प्लेन उड़ाने में नहीं है क्योंकि उस जगह से, यानी कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही प्लेन्स गुजरते हैं, इसलिए मुकेश ने फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही प्लेन्स को गुजरते हुए देखा है और उसका उतना इंटरेस्ट प्लेन्स में नहीं है। और गाइस इस तरह से हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड तुम दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।